स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी बच्चों हेलो बच्चों बच्चों वी विल स्टार्ट इन जस्ट अ सेकेंड गुड आफ्टरनून एवरी वन तो बच्चों आज हमारा वन शॉर्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ओके ठीक है बस सेकंड और लूंगा आप सब लोग आ जाइए जब तक सब लोग एक बार आ जाएं ठीक है एंड देन देन वी विल स्टार्ट द शो ओके एक मिनट और लूंगा बेटा मैं बढ़िया हूं और होपफुली आप लोग भी ठीक होंगे मुझे लगता है सर ठीक है बेटा तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं यहां पर ठीक है चलिए तो बच्चों ना हम लोग सबसे पहले हम जो है कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम लोग कॉकरोच पढ़ने वाले हैं ठीक है ना क्योंकि कॉकरोच में सबको कठिनाई रहती है जनरली ठीक है ओके तो कॉकरोच में सबको कठिनाई रहती है तो सबसे पहले कॉकरोच पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? और फिर हम लोग जो है बिगिन करेंगे ठीक है बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है पानी पीने में साइड में गया था एक सेकंड के लिए ठीक है ना चलिए बच्चों तो हम लोग कॉकरोच स्टार्ट कर रहे हैं राइट वी आर स्टार्टिंग विथ कॉकरोच ओके ठीक है तो बच्चों सबसे पहले प्रणाम एवरीवन ठीक है चलो स्टार्ट करें ओके तो बच्चों जो कॉकरोच है राइट right, ये किंगडम एनिमेलिया में आता है ठीक है ये किंगडम एनिमेलिया में आता है ठीक है आप लोग सब जो है कॉपी पेंसिल वगैरह सब अपनी तो तैयार रख लें ठीक है ना डायग्राम्स भी इसी में बने हुए हैं नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है और अब जो है ये जो है टाइप करना आप बंद करो देखो मैं आपको बता देता हूं हम लोग कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे करने वाले हैं मैं बता देता हूं ठीक है तो मैं बता देता हूं बेटा हम लोग कैसे करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले बेटा हम लोग कॉकरोच पढ़ने वाले हैं ठीक है इसके बाद बेटा हम लोग एनिमल टिश्यू चालू करेंगे सबसे पहले एपिथिलियल टिश्यू पढ़ेंगे फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और फिर न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे ठीक है इस ऑर्डर में हम लोग करने वाले हैं ठीक है तो आई होप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी प्लीज अगर आवाज क्लियर आ रही है अगर आवाज क्लियर आ रही है तो आप बता दीजिए प्लीज इज द वॉइस क्लियर बेटा फ्रॉग फ्रॉग और और जो जो है है हमारे कोर्स में नहीं है ठीक है ना नीट के कोर्स में नहीं है फ्रॉग और अर्थवम तो ये हम नहीं करेंगे ठीक है ना ये दो टॉपिक्स हम नहीं करेंगे राइट ओके फ्रॉग एंड अर्थवम आर नॉट इन द कोर्स ऑफ नीट तो ये हम नहीं करेंगे बेटा मैं अपना परिचय दे देता हूँ मेरा नाम डॉक्टर नोमेश गोपलानी है और बेटा मैं जूलॉजी में जो है जूलॉजी का फैकल्टी हूँ जूलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ राइट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है हम लोग पढ़ेंगे आज ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ठीक है चलो सब लोग तैयार है ना चलिए तो बेटा जो कॉकरोच है वो किंगडम एनेमेलिया में आता है कौन सी फाइलम में आता है चलो बताओ फाइलम है बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम है आर्थ्रोपोडा क्लास है बेटा इंसेक्टा ठीक है ना आर्थ्रोपोडा में कौन सी क्लास में आता है इंसेक्टा में आता है ठीक है ना जीनस है बेटा पेरिप्लेनेटा ठीक है पेरिप्लेनेटा और बेटा स्पीशीज है अमेरिकाना ठीक है ना स्पीशीज है अमेरिकाना तो जो कॉकरोच अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ठीक है ना पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ओके ठीक है बेटा क्लियर चलिए बेटा जो सुनो मेरी बात सुनो सुनो पहले तो कमेंट करना बंद करो ठीक है एनसीईआरटी में जरूर फ्रॉग और अर्थवर्म दे रखा है पर वो आता नहीं है नीट के अंदर नीट के सिलेबस को अगर आप चेक करोगे तो फ्रॉग और अर्थवर्म नीट के सिलेबस में है नहीं ठीक है ना और फ्रॉग और अर्थवर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो हम जो है जब अपन किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना तो उसमें फ्रॉग और अर्थवर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां डिस्कस हो जाते हैं फाइलम में और क्लास एम्फीबिया में ठीक है ना तो फ्रॉग और के इंपॉर्टेंट वहां डिस्कस हो जाते हैं याद रखिए ठीक है तो यहां अलग से नहीं पढ़ाया जाता नीट के सिलेबस में है नहीं तो लिखना बंद कर दो और कॉकरोच पे फोकस करो ठीक है ना ओके चलिए ओके जो क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन फ्रॉग में आते हैं जो क्वेश्चन अर्थवर्म में आते हैं बच्चों वो आपको एनिमल किंगडम में करा दिए जाएंगे ठीक है ना जैसे अर्थ बॉम्ब में आता है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है तो रेस्पिरेशन होता है ये एनिमल किंगडम में कवर किया जाएगा ठीक है ना जो जनरल हैं के के वो एनिमल किंगडम में कवर हो जाते हैं या अलग से नहीं पढ़ाए जाते कोई नहीं पढ़ाता ठीक है ना ओके कवर नहीं होता बेटा ये ठीक है ना ये आता ही नहीं है अगर आप नीट का सिलेबस खोलकर देखेंगे तो उसमें सिर्फ कॉकरोच लिखा हुआ है आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ एनटीए की वेबसाइट पे जाओ और आप चेक कर लो सिलेबस ठीक है ना चलिए अब अपन आगे चलते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले अपन ये एनसीआरटी की लाइने ले लेते ले हैं बेटा ठीक है ना जो अपन को जो अपन को एनसीआरटी में दे रखी है ठीक है ना इनको अपन पढ़ लेते हैं प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और कमेंट करना हाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे बेटा पर कमेंट करना बंद कर दो और प्लीज इस पर फोकस करो ठीक है ना चलिए कमेंट करना बंद कर दीजिए धीरे कर दीजिए अपने कमेंट्स को और इस पर फोकस करते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले देखो यहां पर है ना हम कॉकरोच की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं ठीक है ना कॉकरोच की हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं ठीक है ना ओके okay. बात समझ आई बेटा ये कॉकरोच की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है याद रखना कॉकरोच कॉकरोच कई प्रकार के होते हैं बेटा बहुत सारी स्पीशीज होती है है की ठीक ना तो कॉकरोच की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है तो कलर कैसा होता है ब्लैक और ब्राउन बॉडीड ठीक है ना कलर कॉकरोच का होता है ब्लैक और ब्राउन ठीक है ना अच्छा ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन बॉडीड कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो ये गलत नहीं है याद रखिए ठीक है ना तो कलर कौन सा होता है बेटा चलिए बताइए एं, ब्लैक एंड ब्राउन ठीक है ना पर ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन बॉडीड कॉकरोच जो है पाए जाते हैं ठीक है ना साइज जो है वो वन बाय फोर इंच इंचज तक चला जाता है ठीक है ना साइज जो है बेटा वो वन बाय फोर इंच से बेटा थ्री इंचज तक चला जाता है ठीक है ना और 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक जाता है याद रखिए मतलब ये ये इंच में भी आ सकता है और सेंटीमीटर में भी आ सकता है साथ-साथ लिखते रहो ठीक है ना 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक और सेंटीमीटर में पूछ ले तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक ठीक है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कॉकरोच के बेटा सारी स्पीशीज की बात हो रही है यहां पर ऑल द स्पीशीज ठीक है चलिए अब इसमें क्या है इस,

एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट ठीक है ओके और omnivorous का मतलब कौन बताएगा चलो omnivorous का मतलब कौन बताएगा Omnivorous होता है बेटा जो वेजिटेरियन डाइट भी खाता है और नॉन वेजिटेरियन डाइट भी खाता है ठीक है ना ऑमनिवरस का मतलब ये होता है कि ये डेड इंसेक्ट्स को भी खा सकता है और वेजिटेरियन फूड आइटम्स भी खाता है जैसे ब्रेड खा सकता है बेटा ठीक है ना जैसे ये जो है क्लॉथ खा सकता है ठीक है ना ये वेजिटेबल्स खा सकता है तो ये ऑमनी है ठीक है ना नॉकटर्नल एंड ऑमनिवरस ठीक है दैट लिव इन कैसी जगह पे रहता है ये ये डैम प्लेसेस पे रहता है बेटा ठीक है ना ये डैम प्लेसेस पे रहता है मतलब आपके किचन के जहाँ पर किचन का बेटा गंदा पानी पड़ा होता है जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हाई होती है जहाँ पर uh, कीचड़ टाइप का समा होता है ठीक है ना, जहाँ पर किचन में सिंक से पानी गिरता रहता है वहाँ पर डैम प्लेसेस में ये रहना पसंद करता है ठीक है ना ओके एंड आर सीरियस पेस्ट एंड वैक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस जो कॉकरोच होते हैं बेटा सीरियल पेस्ट का मतलब ये है कि ये बेटा क्रॉप्स को हमारे फूड्स को डैमेज करता है याद रखिए ठीक है ना और वेक्टर का मतलब यह है कि यह बीमारी फैलाता है कई बीमारियां फैलाता है है इट इज अ वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस ठीक ना मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कॉकरोच कैसा जानवर है बेटा कॉकरोच डायोशियस जानवर है याद रखिए इसमें बेटा मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं मेल जो होता है बेटा वो मेल गेमिट बनाता है और फीमेल जो होता है बेटा वो फीमेल गेमिट बनाता है यानी कि ओवम बनाता है चलो बेटा इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं ठीक है ना सबसे पहले कॉकरोच कॉकरोच का कलर क्या बताया था कि ब्लैक और ब्राउन बॉडीड है अच्छा साथ में ब्राइट येलो रेड और ग्रीन बॉडीड कॉकरोच भी मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में इसको याद रखना ठीक है ना ओके इसके बाद इनका जो साइज है कॉकरोच थ्रू आउट द वर्ल्ड अपन बात कर रहे हैं पेरी प्लेनेट अमेरिका की बात नहीं कर रहे सभी की बात कर रहे हैं तो इनके साइज जो है वन फोर से थ्री इंचेस करते हैं। और सेंटीमीटर में लिखा तो सिक्स सेवन सिक्स रहता है इनका ना अच्छा है, रात में एक्टिव रहता है, ओम्निवोरस है, मतलब वेज डाइट भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है याद रखिए मतलब कि वेज भी खाता है मतलब कि प्लांट प्लांट आइटम्स पे भी फीड करता है और डेड इंसेक्ट्स को भी खाता है एनिमल आइटम्स पे भी फीड करता है ठीक है ना अच्छा पेस्ट होता है बेटा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है फूड आइटम्स को डिस्ट्रॉय करता है एंड इट इज अ वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस बहुत सारी बीमारियां भी फैलाता है ठीक है ना इसके अलावा इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा नहीं गया है कॉकरोच का ठीक है ना और डायोशियस एनिमल है डायोशियस का मतलब मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है ओके बात समझ आई चलिए अब मुझे बताइए क्या ये पहली स्लाइड क्लियर है आपको पहली स्लाइड समझ आ गई अगर समझ आ गई तो आप थम्स अप कर सकते हैं मैं अगली पे ले चलूंगा ठीक है ना प्लीज मुझे बताइए पहली स्लाइड क्लियर है हाँ 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 भैया थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करो ठीक है ना सब चीजें आएगी पहली स्लाइड क्लियर है कि नहीं प्लीज मुझे बताइए कोई कह रहा है आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पहली स्लाइड क्लियर है प्लीज अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं ठीक है वेरी नाइस ओके ग्रेट बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे अपने नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ लिखते भी रहो सीखते भी रहो ठीक है ना अब बेटा अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन ठीक है ना बेटा देखो ये कॉकरोच का डायग्राम है राइट ओके चलिए अब ध्यान से देखिएगा ठीक है ना अगर बेटा पेरी प्लेनेटा ठीक है अगर पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना की बात करें ठीक है ना जो अपने कोर्स में है ठीक है ना पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना की बात करें ये अपने कोर्स में है तो इसका साइज जो है 34 से 53 थ्री एम एम तक जाता है पहली बात तो ठीक है ना ये इसका साइज है ठीक है और बेटा इसमें इस, इस कॉकरोच में बेटा इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा एक्सोस्केलेटन वो काइटिन का बना होता है क्योंकि आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है ना ठीक है ना ओके तो एक्सोस्केलेटन ठीक है एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन इज मेड अप इनका जो एक्सो स्केलेटन होता है ना बेटा जो बाहर प्रेजेंट होता है जैसे अपनी स्किन है ठीक है ना इनके ऊपर जो है स्किन नहीं होती इनके ऊपर काइटीनियस प्लेट्स होती है याद रखिए इनका जो एक्जो स्केलेटन होता है एक्सो मतलब बाहरी कंकाल

हमेशा जानवर को जब आप देख रहे होते हो बेटा जब भी जानवर को आप देख रहे होते हो तो जानवर यूं दिखता है देखिए ठीक है तो ऊपर वाली सरफेस जो दिखती है जानवर की बेटा वो डॉर्सल सरफेस होती है ठीक है ना जो नीचे वाली सरफेस दिखती है बेटा वो वेंट्रल सरफेस होती है और जो साइड वाली सरफेस आपको दिख रही है वो लेटरल सरफेस होती है ठीक है तो जब भी आप एनिमल को देखते हो तो एनिमल एक रिमोट की तरह है ठीक है ना जहां बटन है जो आपको ऊपर से दिख रहा है वो डॉर्सल है ठीक है ना जहां वो जमीन को टच कर रहा है वो वेंट्रल है और ये जो साइड वाले जो पार्ट्स हैं बेटा ये लेटरल होते हैं ठीक है ना तो बेटा डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल सरफेस पर जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है ठीक है ना डॉर्सल सरफेस पर जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है देखो काइटिन की प्लेट सब जगह है ठीक है ना इनको स्क्लेराइट्स कहते हैं अपन, ठीक है? देखना आप ठीक है तो ये देखिए तो डॉर्सल सरफेस पर बेटा जो काइटिन की प्लेट्स पाई जाती हैं उनको टर्गम कहा जाता है ठीक है ना तो ध्यान से देखना ठीक है ना डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल सरफेस पर ठीक है जो स्क्लेराइट पाए जाते हैं जो स्क्लेराइट पाए जाते हैं ठीक है सरफेस पर जो स्क्लेराइट होते टर्गम ठीक है स्क्लेराइट को कहा जाता है टर्गम ठीक है और वहीं पर ही बेटा वेंट्रल सरफेस पर जो स्क्लेराइट होते हैं ठीक वेंट्रल सरफेस पर जो स्क्लेराइट्स होते हैं ठीक है उनको क्या कहते हैं वेंट्रल सरफेस पर जो स्क्लेराइट होते हैं ठीक है वेंट्रल सरफेस पर जो स्क्लेराइट्स होते हैं उनको कहते हैं उनको कहते हैं बेटा स्टर्नम स्टर्नम ठीक है आप टर्गम को टर्जाइट भी कह सकते हो ठीक है टर्गम को टर्जाइट भी कह सकते हो और स्टर्नम को आप स्टर्नाइट भी कह सकते हो ठीक है तो बेटा काइटिन की प्लेट्स जो डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है वो है टर्जाइट या टर्गम ठीक है ना? काइटिन की प्लेट्स जो वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है वो कहलाती है या ठीक है ना और की प्लेट्स बेटा जो जो कि लेटरल सरफेस पर पाई जाती है ठीक है ना जो कि लेटरल सरफेस पर पाई जाती है उनको क्या कहते हैं बताओ काइटिन की प्लेट की लेटरल सर्फेस पर पाई जाती है ठीक है ना ये देखिए ये काइटिन की प्लेट है जो लेटरल सरफेस पर है तो लेटरल स्क्लेराइट को क्या कहोगे लेटरल स्क्लेराइट को कहते हैं क्या बताओ लेटरल स्क्लेराइट को कहते हैं प्लूरोन ठीक है ना या इसे प्लूराइट भी कहा जाता है प्लूराइट भी कहा जाता है ठीक है चलो इस स्लाइड को अपन चलिए इस स्लाइड को अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं लेटस रिवाइज दिस स्लाइड ठीक है ना चलिए तो कॉकरोच का बेटा पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का जो एक्सो है वो प्लेट्स का बना हुआ है ठीक है ना कौन सी प्लेट्स हैं बेटा बताओ प्लेट्स हैं बेटा काइटिन की ठीक है ना प्लेट्स हैं बेटा किसकी काइटिन की काइटिन की प्लेट्स को क्या कहते हैं बेटा बताओ काइटिन की प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइट्स ठीक है ना तो जो डॉर्सल सर्फेस पर प्लेट्स होती है वन बाय वन वन बाय वन प्लेट होती है उसे टर्गम कहते हैं वेंट्रल सर्फेस पर जो प्लेट होती है बेटा उसे स्टर्नम कहते हैं और लेटरल सरफेस पर जो प्लेट होती है साइड में ठीक है ना इसे प्लूरॉन या प्लूराइट कहा जाता है ठीक है ना ओके चलिए आप लोग बेटा इस स्लाइड से कंफर्म है अगर ये स्लाइड समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े चलिए बताइए <coughs> प्लीज 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 इज दिस स्लाइड कंफर्मड अगर आप थम्स अप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे चलिए प्लीज प्लीज, प्लीज। बताइए प्लीज सब करिए अगर समझ आ रहा है तो अगर ये ये समझ आ गया इतना तो अप करिए चलिए बहुत बढ़िया ठीक है वेरी nice. नाइस बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे चलिए बहुत अच्छे वेरी नाइस वेरी नाइस धीरे धीरे देखिए पूरा कॉकरोच आ जाएगा कॉपी लेकर बैठना साथ में बस ठीक है ना और लिखते रहना ओके okay? <coughs> ठीक है हा हा बेटा देखो मैं मैं टाइमिंग बता देता हूं टाइमिंग किस तरह मेंटेन रहेगी ठीक है ये जो कॉकरोच है बेटा ये टू आवर्स तक चलेगा ठीक है ना टू आवर्स तक कॉकरोच चलेगा आवर आवर तक वन आवर तक कनेक्टिव टिश्यू और बेटा न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हाफ आवर तक ठीक है ना तो हम आपकी जो क्लास है साढ़े चार घंटे में खत्म कर देंगे ठीक है ना ये वन शॉर्ट लेक्चर है साढ़े चार घंटे में कवर हो सकता है ठीक है ना ओके चलिए चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा अब अगला अगला पार्ट बता रहा हूं बेटा ठीक है ना ध्यान से देखिए बेटा दो स्क्लेराइट के बीच में ठीक है ना दो स्क्लेराइट के बीच में जैसे दो टर्गम है ठीक है ना तो दो टर्गम के बीच में ना एक मेमब्रेन होती है याद रखिए ठीक है ना दो टर्गम के बीच में बेटा एक मेमब्रेन होती है यहां देखिए रेड कलर से बना रहा हूं ठीक है ना जैसे बेटा जैसे बेटा ये टर्गम वन है और ये टर्गम टू है ठीक है ना दोनों टर्गम के बीच में बेटा एक मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल ठीक है ना एक फ्लेक्सिबल मेंब्रेन होती है बेटा जिसे अपन कहते हैं बेटा आर्थ्रोडियल मेंब्रेन ठीक है ना जिसे अपन कहते हैं बेटा आर्थ्रोडियल मेंब्रेन आर्थ्रोडियल मेंब्रेन ठीक है ना बात समझ आई अच्छा इधर भी टर्गम के बीच में मेम्ब्रेन होगी बेटा जिसको अगेन अपन आर्थ्रोडियल मेंब्रेन कहते हैं बेटा देखो काइटिन की प्लेट्स का अगर पूरा स्केलेटन बना रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि काइटिन की प्लेट्स बहुत हार्ड होती है इसलिए दो काइटिन की प्लेट्स के बीच में बेटा हमेशा एक फ्लेक्सिबल मेंब्रेन होता है इस फ्लेक्सिबल मेंब्रेन को बेटा अपन आर्थ्रोडियल मेंब्रेन कहते हैं इस फ्लेक्सिकल फ्लेक्सीबल मेंब्रेन को आप आर्टिक्यूलर मेंब्रेन भी कह सकते हो ठीक है ना इसको आप आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन एक ही बात है याद रखिए ठीक है ना तो हमेशा याद रखिएगा दो स्कलैराइट के बीच में एक फ्लेक्सीबल मेम्ब्रेन होती है जिसे आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है ना ये नीचे भी होगी ये नीचे भी होगी नीचे जो है स्टर्नाइट है ना तो स्टरनाइट वन और स्टरनाइट टू के बीच में ये देखिए यहां पर ये मेम्ब्रेन होगी अगेन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन स्टर्नाइट टू और स्टर्नाइट थ्री के बीच में मेम्ब्रेन होगी जिसे अपन आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेंब्रेन कहते हैं तो दो स्क्लेराइट्स के बीच में कहीं लिखते हैं अपन ठीक है ना फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मेंब्रेन फ्लेक्सिबल मेंब्रेन प्रेजेंट फ्लेक्सिबल मेंब्रेन प्रेजेंट बिटवीन टू स्क्लेराइट्स टू स्क्लेराइट्स इज कॉल्ड इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ठीक है ना इज कॉल्ड इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ठीक है ना आप इसे आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो ठीक है ना तो इस चीज का इस पॉइंट का जरूर आप ध्यान रखें ठीक है अब बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट पे ठीक है ना अब बेटा देखो जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ठीक है ना तीन मेजर पार्ट्स में कॉकरोच की बॉडी डिवाइडेड है ठीक है कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है हेड ठीक है इस तरह से बना लेते हैं देखिएगा इस तरह से बनाइए ठीक है इस तरह से बनाइए ठीक है तो सबसे पहले आता है ये हेड ठीक है ये हेड ठीक okay. है हेड ओके सेकेंड पार्ट है बेटा कॉकरोच के अंदर थोरेक्स थोरेक्स ठीक है और तीसरा पार्ट है कॉकरोच के अंदर बेटा एपडोम ठीक है ना एपडोमिन ठीक है ना जब बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी ठीक है ना जब कॉकरोच एक एम्ब्रियो था एम्ब्रियो स्टेज थी कॉकरोच की ठीक है तो बेटा हेड में सेगमेंट्स होते हैं थोरेक्स में तीन सेगमेंट्स होते हैं एप्डोमिन में ग्यारह सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ना तो टोटल सेगमेंट्स कॉकरोच के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं ट्वेंटी ठीक है ना पर जब कॉकरोच बड़ा हो जाता है बेटा अडल्ट स्टेज में आ जाता है ठीक है ना जब कॉकरोच अडल्ट स्टेज में आ जाता है बेटा तो अडल्ट स्टेज में ठीक है अडल्ट स्टेज में हेड में एक सेगमेंट होता है ये छे के छे फ्यूज हो जाते हैं आपस में ये छे सेगमेंट्स है ना फ्यूज हो जाते हैं आपस में जब छह सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक सेगमेंट रह जाता है तो हेड में बेटा एक सेगमेंट होता है अडल्ट में वन सेगमेंट ठीक है बात समझ आई और इसको अपन हेड कैप्सूल कहते हैं बेटा ठीक है इसको अपन हेड कैप्सूल कहते हैं ठीक है थोरेक्स में तीन सेगमेंट होते हैं एपडोमिन में दस सेगमेंट रह जाते हैं ठीक है ना तो टोटल फोर्टीन सेगमेंट पाए जाते हैं याद रखिए टोटल फोर्टीन सेगमेंट पाए जाते हैं अडल्ट स्टेज में ठीक है ना तो इस बात को याद रखिए कि एम्ब्रियो स्टेज में और अडल्ट स्टेज में फर्क होता है ठीक है ना सेगमेंट्स का ओके तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी ध्यान रखिए ठीक है थीके? ओके तो अब अपन सबसे पहले बेटा बिगिन करेंगे हेड हेड के बारे में बातें करेंगे ठीक है ना लेट अस स्टार्ट द हेड ठीक है फिर चलेंगे थोरैक्स फिर चलेंगे एबडोमिन के ऊपर ठीक है ना चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ओके और इसी को ही रेप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है चलिए तो आई होप आप लोग सुन रहे हैं आप लोग देख रहे हैं ठीक है ना सेगमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं आप साथ साथ में ठीक है ना बेटा देखो फास्ट चलना पड़ेगा धीरे धीरे नहीं चल सकते धीरे धीरे चलेंगे तो कोर्स ही नहीं होगा ठीक है ना ओके तो ये जो बेटा हेड होता है कॉकरोच का ठीक है ना इसके लिए सबसे पहला पॉइंट बेटा ये होता है कि हेड हाइपोग्नेथस होता है ठीक है ना हाइपोग्नेथस का मतलब है बेटा कि हेड जो है वो बॉडी के रेस्पेक्ट में बॉडी के रेस्पेक्ट में

इट इज एट इट इज एट नाइन्टी डिग्रीज 90 डिग्रीज इट इज एज इट इज एट 90 डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू थोरेक्स एंड एबडोमिन विथ रेस्पेक्ट टू थोरेक्स एंड एबडोमिन थोरेक्स एंड एबडोमिन ठीक है ना विथ रेस्पेक्ट टू थोरैक्स एंड एपडोम हाइपोग्नेथस दैट इज इट इज एट नाइन्टी डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू थोरक्स एंड एपडोम ठीक है ना या फिर आप इसकी जगह लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस भी लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस ठीक है ना आप ये भी लिख सकते हो ठीक है कि हेड इज एट नाइन्टी डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी हेड नाइंटी डिग्री पर है ठीक है ना सी दिस इज नाइन्टी डिग्रीज ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है ओके चलो अब अपन ये देखते हैं बेटा कि हेड कैसा होता है बेटा ठीक है ना बेटा देखो बहुत ध्यान से देखना ओके आ, अभी तक बेटा इतना समझ आ गया किस किस को बेटा हंड्रेड सम हंड्रेड परसेंट समझ आ गया किस किस को हंड्रेड परसेंट समझ आया चलिए बताइए अभी तक जितना पढ़ाया है अगर हंड्रेड परसेंट आ गया तो हंड्रेड परसेंट लिखिए प्लीज क्लास बेटा फोर थर्टी स्टार्ट हुई है पर अभी स्टार्ट ही हुई है अभी स्टार्ट ही हुई है बेटा टेंशन मत लो अभी बस हमने स्टार्ट ही किया हेड स्टार्ट किया है ठीक है ना ओके प्लीज अगर समझ आ गया तो प्लीज आप ओके वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस बहुत अच्छे बेटा ठीक है बहुत अच्छे ओके चलिए ठीक है बेटा अगर अगर फोकस करोगे तो सब आएगा ओके चलिए चलिए ओके वेरी नाइस अच्छा लगता है देखकर विल ट्राई टू राइट अ लिटिल बिग ओके चलिए तो बेटा देखो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन ठीक है ना बेटा हेड जो होता है कॉकरोच का ये ट्रेंगुलर होता है याद रखिए हेड का शेप कैसा होता है ट्रेंगुलर होता है एक सेकेंड ट्रेंगुलर हेड का शेप होता है ट्रेंगुलर ठीक है अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो ठीक है ना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कुछ और बातें करते हैं ठीक है देखिए इसको मैं मिटाता हूं ये पिछले पेज पे अपन ने लिखा हुआ था ठीक है ओके कुछ और आपको बातें बतानी है एक इंपॉर्टेंट बात है जो आता है आपके एग्जाम में आता है ठीक है ना थोड़ा सा मैं डायग्राम भी मॉडिफाई करूंगा ओके चलिए तो ये देखिए थोरेक्स है ठीक है बेटा थोरेक्स के तीन पार्ट होते हैं प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स अभी अपन थोरेक्स में डिस्कस करेंगे ठीक है तो थोरेक्स का बेटा एक हल्का सा पार्ट निकला हुआ होता है ठीक है ना थोरेक्स का एक हल्का सा पार्ट निकला हुआ होता है बेटा इसे नेक कहा जाता है ठीक है ना इसे नेक कहा जाता है ठीक है ना और नेक के साथ ही हेड जुड़ा होता है ठीक है ना नेक के साथ ही हेड जुड़ा होता है इस तरह से ठीक है ना तो जो हेड है आपका वो थोरेक्स के पार्ट के साथ जुड़ा होता है याद रखिए तो थोरेक्स का पार्ट है ये जो नेक आपको दिख रहा है ना थोरेक्स का पार्ट है तो जो हेड है बेटा ये नेक के साथ अटैच्ड होता है और नेक जो होता है ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है बेटा इस वजह से हेड जो है सभी दिशाओं में मूव कर सकता है ठीक है ना ओके तो एक पॉइंट अपन लिखते हैं ठीक है ना कि हेड इज हेड इज अटैच टू हेड इज अटैच टू हेड इज अटैच टू थोर बाय अ स्मॉल नेक बाय अ स्मॉल नेक ठीक है बाय अ स्मॉल नेक ठीक है नेक इज नेक इज फ्लेक्सीबल ठीक है नेक इज फ्लेक्सीबल And is a part of and is a part of and is a part of thorax, ठीके? and is a part of thorax, ठीके? neck allows, neck allows free movement of head. Neck allows free movement of head, free movement of head in all directions. In all directions, ठीके? इन ऑल डायरेक्शन ठीक है तो ये नेक वाला पॉइंट ना जरूर याद रखना है अपन को ठीक है ना ये नेक वाला पॉइंट जरूर याद रखना है ठीक है कि नेक फ्लेक्सिबल होता है ठीक है और नेक किसका पार्ट होता है बेटा थोरेक्स का पार्ट होता है और क्योंकि नेक फ्लेक्सिबल होता है इस वजह से जो हेड होता है ना वो सभी दिशाओं में मूव कर पाता है ठीक है ना Fle मतलब हेड चाहे तो यहां मुड़े हेड चाहे तो यहां मुड़े नीचे देखे ऊपर देखे ठीक है ना तो हेड का मूवमेंट फ्लेक्सीबल नेक की वजह से हो पाता है ठीक है ना ओके चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो ये बेटा अभी बेटा अगर आप पहली बात तो ये वीडियो है है ठीक ना ओके पहली बात तो बेटा ये वीडियो है आप पीछे से भी देख सकते हैं ठीक है ना टेंशन मत लीजिए ओके जहां से जहां से पढ़ा रहा हूं वहां से पढ़ना चालू कर दीजिए बहुत सारा नहीं हुआ अभी तक अभी अपन थोरेक्स में आएंगे फिर एपडोमिन में जाएंगे बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है अभी ठीक है ना अभी तो स्टार्ट ही किया है यार ठीक है ना ओके ओके क्यों परेशान हो रहे हो ठीक है तो चलिए नेक के बारे में डिस्कस कर लिया चलो अब कौन बताएगा नेक किसका पार्ट है चलो नेक इज अ पार्ट ऑफ चलो बताओ नेक इज अ पार्ट ऑफ नेक इज अ पार्ट ऑफ चलो बताओ नेक किसका पार्ट है ओके नेक किसका पार्ट है चलो बताओ नेक किसका पार्ट है ओके यस 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 सही लिख रहे हो सही लिख रहे हो थोरेक्स का पार्ट है बिल्कुल सही ठीक है ना बिल्कुल 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 ओके ग्रेट 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 बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे ठीक है ना तो चलो अब आगे चलते हैं बेटा अपन ठीक है ना अब अपन बेटा हेड में देखेंगे कि हेड में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना आओ अब अगले पेज पे चलते हैं ठीक है ना और अपन अब अपन ये देखेंगे बेटा कि हेड के पार्ट्स कौन कौन से हैं ठीक है ना इसको मैं हटा रहा हूं इस डायग्राम को भी हटा रहा हूं अब ये डायग्राम भी अपना हो गया आ, मैं स्लाइड को रेप्लीकेट कर रहा हूं तो आप चिंता मत करिए ठीक है सब कवर हो जाएगा आप चिंता मत करिए ठीक है तो बेटा सबसे पहले अगर अपन देखें सबसे पहले देखें तो हेड में क्या होता है हेड में बेटा एक ही हेड कैप्सूल होता है ठीक है ना हेड कंसिस्ट ऑफ सिंगल हेड कैप्सूल ठीक है ना ओके ओके okay, बहुत ही बढ़िया ठीक है ना अब हेड में बेटा क्या प्रेजेंट होता है हेड में सबसे पहले ये चीज आपको दिख रही है ठीक है ना ये जो चीज आपको हेड में दिख रही है ना बेटा इसे एंटीना कहते हैं ठीक है ना तो हेड में एंटीने प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना हेड में प्रेजेंट होते हैं एंटीने एंटीने कितने होते हैं बेटा वन पेयर ठीक है, है pair, ना हेड में एंटीने प्रेजेंट होते हैं और एंटीने होते हैं वन पेयर ठीक है ना वन पेयर ऑफ एंटीने होते हैं ये देखिए ये एंटीने हैं ना? एंटीना भी सकते हो, एंटीना है और एंटीने है, ना? अब जो होते हैं ठीक है, तो है, है आप देख सकते हैं कि एंटीने में बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं ठीक है ना तो एंटीने, एंटीने जो होते हैं बेटा मल्टी सेगमेंटेड होते हैं ठीक है ना अच्छा एंटीने जो होते हैं बेटा ये फिली फॉर्म होते हैं ठीक है ना फिली फॉर्म का मतलब बेटा एंटीने होते हैं थ्रेड लाइक ठीक है ना एंटीने होते हैं थ्रेड लाइक ठीक है ना और बेटा एंटीने जो होते हैं बेटा ये इन ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोच के ठीक है ना तो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं एंटीने सेंसिटिव होते हैं बेटा एंटीने होते हैं सेंस ऑर्गन्स ये टच के लिए सेंसिटिव होते हैं ठीक है ना टच के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं बेटा टेक्सटाइल ठीक है ना और बेटा ये स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं ठीक है ना स्मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा अपन ऑल फैक्ट्री ठीक है ना ऑल फैक्ट्री ठीक है तो जो एंटीने होते हैं बेटा वन पेयर होते हैं ये मल्टी सेगमेंटेड होते हैं देखो इसमें कितने सारे सेगमेंट्स हैं तो एंटीने जो होते हैं बेटा ये मल्टी सेगमेंटेड होते हैं ऐसे देखो ये इस तरह से मल्टी सेगमेंटेड एंटीने होते हैं कई सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर्म होते हैं यानी थ्रेड लाइक होते हैं और मोर मोर और लेस ये क्या होते हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स होते हैं ठीक है ना याद रखना ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं ठीक है बेटा सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंड ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं टच के लिए सेंसिटिव होते, होते हैं और स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं ठीक है ना तो एंटीने अपन ने कर लिया तो हेड बियर्स वन पेयर ऑफ एंटीने ठीक है ना अच्छा हेड में और क्या प्रेजेंट होता है ये देखिए ठीक है ना हेड में प्रेजेंट होती है बेटा, eyes, ना वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये ब्लैक कलर की होती हैं ठीक है ना बेटा ये लार्ज होती हैं बेटा ठीक है ना और बेटा ये किडनी शेप्ड होती हैं ठीक है ना ये किडनी शेप्ड होती हैं ठीक है थीके? और ये किस काम आती हैं बेटा ये विजन के काम में आती हैं याद रखिए कॉकरोच को देख पाने में समर्थता देती है ठीक है ना कॉकरोच इनकी वजह से देख पाता है तो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट ठीक है अच्छा बेटा कंपाउंड आइज क्यों कहते हैं इनको क्योंकि बेटा हर आई जो है छोटी छोटी सब यूनिट्स की बनी होती हैं और इन छोटी छोटी सब यूनिट्स को ओमिटीडिया कहा जाता है इन छोटी छोटी सब यूनिट्स को ओमिटीडिया कहा जाता है ठीक है ना तो कंपाउंड आईज क्यों कहते हैं क्योंकि आई, आई, आई आई मेड अप ऑफ, स्मॉल सब यूनिट्स स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड क्या कॉल्ड क्या ओमिटीडिया ठीक है ना ओमिटीडिया ओमिटीडिया और हर आई में ठीक है ना याद रख लीजिए क्वेश्चन आता है नीट में टू थाउजेंड ओमिटीडिया ये याद रखिए ठीक है थीके? तो हेड में वन पेयर ऑफ एंटीना वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है ठीक है ना और बेटा हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा ये माउथ पार्ट ठीक है ना तो हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स ठीक है तो आओ अब देखते हैं बेटा कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स हेड में पाए जाते हैं ठीक है ना ओके चलिए ओके बेटा कैसा चल रहा है अभी तक समझ में आ रहा है सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्लियर है बेटा कैसा चल रहा है बताइए अगर बेटा अगर बेटा अच्छा चल रहा है तो गुड लिख दो कुछ बेकार चल रहा है तो बेड लिख दो ठीक है अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हर चीज कवर होगी बेटा हर चीज कवर होगी देखो धीरे धीरे मैं सब चीजें कवर कर रहा हूं ओके हर चीज कवर होगी एनसीआरटी की एक एक लाइन कवर होगी बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा ओके आप अभी एनसीआरटी पढ़ के देखो सब चीजें कवर्ड हो रही हैं ओके ओके चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा मेरी राइटिंग समझ में आ रही है राइटिंग कैसी है हाँ हाँ जल्दी पढ़ा रहे हैं ओके okay, चलो तो बेटा हेड में माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं बेटा तो बेटा हेड में माउथ पार्ट्स ये वाले होते हैं देखिए ठीक है ना तो बेटा इस तर, जो हेड में माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं ना बेटा वो किस टाइप के होते हैं वो होते हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के ठीक है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं ठीक है ना बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं ठीक है ना बात समझ आई तो ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर ये याद कर लेना ठीक है ना बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं बेटा सबसे पहला लेब्रम ठीक है ना सबसे लेब्रम ऊपर ऊपर ठीक है ना लेब्रम इज बेटा अपर लिप लेब्रम इज अपर लिप ठीक है देन यू हैव लेबियम ठीक है लेबियम क्या होता है बेटा लेबियम इज इधर लिख रहे हैं लेबियम इज लोअर लिप ठीक है लेबियम इज लोअर लिप ठीक है तो लेबियम एक होता है बेटा और लेबरम भी एक होता है ठीक है ना देन यू हैव में ठीक है ना मैंडिबल जो होते हैं बेटा मैंबल वो वन पेयर होते हैं बेटा ठीक है मैंडिबल जो होते हैं ये वन पेयर होते हैं ठीक है ना याद रखना ठीक है देन यू हैव मैग्जिले ठीक है ना देन यू हैव मैग्जिले ठीक है मैग्जिले जो होते हैं बेटा ये भी वन पेयर होते हैं याद रखिए ठीक है ना देन यू हैव हाइपोफेरिंक्स ठीक है हाइपोफेरिंक्स को बेटा टंग भी कहा जाता है हाइपोफेरिंक्स को टंग भी कहा जाता है ये भी एक ही होता है ठीक है ना तो बेटा माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं बाइटिंग एंड चুইंग टाइप के ठीक है ना और इसमें क्या-क्या आता है लेब्रम अपर लिप लेबियम लोअर लिप मैंडिबल वन पेयर मैक्सिले वन पेयर याद रखिए ठीक है ना तो बेटा ये सारे माउथ पार्ट्स के नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और बीच में हाइपोफेरिंग्स है जो टंग कहलाता है बेटा ठीक है ना तो ये सारे माउथ पार्ट्स के नाम हैं ठीक है थीके? लेब्रम लेबियम मैंडिबल्स एंड लेपोफेरिंग ठीक है याद रखिए और बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट है अब अगर पिछले डायग्राम में बेटा आप देखोगे ठीक है तो बेटा देखिए ये वाला जो हिस्सा है कॉकरोच का ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर ठीक है आप ये देखिए कि ये वाला जो कॉकरोच का हिस्सा है ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये माउथ पार्ट का ही बना हुआ है देखिए ये वाला जो नीचे वाला हेड का पार्ट है इसमें सारे माउथ पार्ट है ठीक है ना तो ये माउथ पार्ट का डायग्राम ये एनसीआर डायग्राम है इसको देख लेना लेबलिंग आ सकती है ठीक है चलिए अब अपन आगे चलते हैं ठीक है अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं वी विल स्टार्ट विद द विदोरक्स ठीक है ना वी विल स्टार्ट विद द विदोरक्स ठीक है थोरेक्स से स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? तो अगला पार्ट है बेटा अपना थोरेक्स अगला पार्ट है थोरेक्स ठीक है तो एक सेकेंड इसको मैं ठीक कर लेता हूं हाँ अब ठीक है थोरेक्स ठीक है तो बेटा जो थोरेक्स वाला पार्ट है ए भगवान ये क्या प्रॉब्लम हो रही जो थोरेक्स वाला पार्ट है बेसिकली इसमें तीन सेगमेंट्स होते हैं बेटा थोरैक्स में ठीक है ना थोरैक्स में तीन सेगमेंट्स होते हैं ऐसे बना लेते हैं ओके okay. ये जो बोर्ड्स है ना इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है तो थोरेक्स में तीन सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ऊपर वाला बेटा कहलाता है प्रोथोरेक्स प्रोथोरेक्स ठीक है बीच वाला कहलाता है मीजो ठीक है और बेटा लास्ट वाला सेगमेंट कहलाता है मेटाथोरेक्स ठीक है मेटाथोरेक्स ठीक है तो सबसे पहले बेटा हर थोरैसिक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं ठीक है ना तो वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स ठीक है हर थोरैसिक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं बस ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं मैं ठीक है ना आप भी ऐसे ही बना सकते हो ठीक है तो हर थोरैसिक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स ठीक है ये देखिए तो ये अपन ने बना दिए वॉकिंग लेग्स ठीक है वॉकिंग लेग्स ठीक है तो लिख देते हैं पहला पॉइंट कि ईच थोरेसिक सेगमेंट ईच थोरेसिक सेगमेंट सेगमेंट हैज हैज वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैज वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स वॉकिंग लेग्स ठीक है बात समझ आ गई पहला पॉइंट क्लियर होगा अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा ठीक है बेटा जो होता है बेटा इससे लंबे लंबे विंग्स निकलते हैं ऐसे ठीक है ना जो मीजोथोरैक्स होता है बेटा इससे लंबे लंबे विंग्स निकलते हैं ठीक है ना तो इन विंग्स को क्या कहते हैं बेटा इन विंग्स को कहते हैं मीजोथोरैसिक विंग्स इनको कहते हैं बेटा मीजोथोरैसिक <clears> विंग्स <throat> ठीक है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा सबसे पहले तो ये लंबे होते हैं यानी कि लॉन्ग ठीक है ना लंबे होते हैं ठीक है ना राइट इसके बाद ठीक है ना इसके बाद ये लेदरी होते हैं ठीक है ना लेदर जैसे होते हैं ठीक है ना इसके बाद बेटा ये जो होते हैं ये ओपेक होते हैं ठीक है थीके? आप आर पार नहीं देख सकते इनसे आप आर पार नहीं देख सकते ठीक है इसके बाद बेटा जो है नॉट यूज इन फ्लाइट ठीक है ना दे आर नॉट यूज इन फ्लाइट उड़ने में काम नहीं आते ये, ठीक है ना? आर नॉट यूज इन फ्लाइट में काम नहीं आते और बेटा, इनको क्या बुलाते हैं बेटा अपन इनको बुलाते हैं बेटा विंग कवर्स ठीक है ना इनको अपन विंग कवर्स कहते हैं ठीक है इनको आप एलिट्रा भी कहते हो इनको आप टेगमीना भी कहते हो ठीक है ना इनको आप टेगमीना भी कहते हो टेगमीना भी कहते हो ठीक है ना एलिट्रा एंड टेगमीना ठीक है तो अब इनको ये क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक ठीक है है ना ना तो विंग्स लंबे होते मोटे होते है, लेदरी होते हैं 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 मोटे लेदरी बेटा ओपेक होते हैं आर पार नहीं देख सकते ठीक है ना और कभी भी उड़ने में काम नहीं आते याद रखिए नॉट यूज इन फ्लाइट ठीक है अब बेटा जो अगले विंग्स होते हैं ठीक है ना वो होते हैं ये वाले विंग्स ठीक है ना अगले विंग्स होते हैं वो ये वाले विंग्स होते हैं ठीक है ना इनको बेटा अपन कहते हैं मेटाथोरेसिक विंग्स ठीक इनको कहते हैं बेटा अपन मेटाथोरेसिक विंग्स ठीक है ये मेटाथोरेक्स से निकलते हैं ठीक है ना ये कैसे होते हैं बेटा ये शॉर्ट होते हैं ठीक है मिजोथोरेक्स के कंपैरिजन में लिख रहे हैं अपन शॉर्ट होते हैं ब्रॉड होते हैं ठीक है ना ब्रॉड का मतलब फैले हुए होते हैं ठीक है राइट अच्छा बड़े थिन होते हैं वो थिक होते हैं तो ये थिन होते हैं ठीक है ना बेटा ये जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ठीक है ना आप आर पार देख सकते हो ट्रांसपेरेंट होते हैं ठीक है ना मेम्ब्रेनियस होते हैं मेम्ब्रेन जैसे होते हैं ठीक है ना बेटा मेम्ब्रेनियस होते हैं और दे आर यूज इन फ्लाइट ठीक है ना उड़ने में काम आते हैं याद रखिए ठीक है ना इनके थ्रू कॉकरोच उड़ सकता है याद रखिए इनके थ्रू कॉकरोच उड़ सकता है ठीक है तो ये है बेटा विंग्स ठीक है अब हमेशा याद रखना बेटा कि जो मेटाथोरेसिक विंग्स होते हैं जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है ठीक है ना वेन कॉकरोच इज एट रेस्ट ठीक है वेन कॉकरोच वेन कॉकरोच इज एट रेस्ट ोच इज एट रेस्ट मतलब जब यह उड़ नहीं रहा होता है ठीक है ना तो जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं ठीक है द मीजोथोरेसिक विंग्स द मीजोथोरेसिक विंग्स कवर द कवर द मैटाथोरेसिक विंग्स ठीक है कवर द मैटाथोरेसिक विंग्स ठीक है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है बेटा तो जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं वो मेटाथोरेसिक विंग्स को कवर करके रखते हैं याद रखिए ठीक है ना जब भी कॉकरोच रेस्ट पर होगा मीजोथोरेसिक विंग्स हमेशा मेटाथोरेसिक विंग्स के ऊपर रहेंगे याद रखिए उन्हें कवर करके रखेंगे इसलिए मेटाथोरेसिक विंग्स को जो है हमेशा कवर्ड अवस्था में पाया जाता है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है ठीक है ना जब कॉकरोच रेस्ट पर होगा तो आप मेटाथोरेसिक विंग्स को देख नहीं सकते ना? क्योंकि wings, हमेशा को करके रहते हैं ठीक है ना इसलिए मीजोथोरेसिक विंग्स को विंग कवर भी कहा जाता है याद रखिए ठीक है ठीके? तो चलिए प्लीज मुझे बताइए क्या इतना क्लियर है बेटा प्लीज मुझे बताइए थोरेक्स क्लियर है थोरैक्स समझ में आया थोरेक्स क्लियर क्लियरली समझ में आया बेटा वॉकिंग लेग्स होते हैं हर थोरेसिक सेगमेंट में फिर विंग्स होते हैं कौन से एक होते हैं मीजोथोरेसिक विंग्स एक होते हैं मेटाथोरेसिक विंग्स मीजोथोरैसिक विंग्स लंबे होते हैं याद है ना और जो लंबे -लंबे होते हैं, वो मेटाथोरेसिक विंग्स को कवर करके रखते हैं ठीक है ना द मीजोथोरेसिक विंग्स कवर द मेटाथोरेसिक विंग्स जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है तो मीजोथोरेसिक विंग्स जो होते हैं वो मेटाथोरेसिक विंग्स को कवर करके रखते हैं ठीक है ना क्लियर एकदम चल रहा है अभी तक ओके ओके ग्रेट ग्रेट ओके ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो अब दो प्रकार के विंग्स आपको समझ आ गए ना चलिए अब मेरे को बताइए अब आप आप अब आप लोग आंसर्स देंगे ठीक है ना मुझे बताइए कि कौन से विंग्स उड़ने में काम आते हैं विच विंग्स आर यूज इन फ्लाइट चलिए बताइए उड़ने में कौन से विंग्स काम आते हैं बताइए विच विंग्स आर यूज इन फ्लाइट चलिए बताइए उड़ने में कौन से काम आते हैं बताइए हाँ जी कौन से हा मेटाथोरेसिक विंग्स बहुत बढ़िया बिल्कुल सही ठीक है ना मेटाथोरेसिक विंग्स जो छोटे वाले थे बेटा ये उड़ने में काम आते हैं ये वाले विंग्स जो है ये उड़ने में काम आते हैं ठीक है ना ये उड़ने में काम आते हैं ठीक है ना वहीं पर ही बेटा जो मीजो हैं ये वाले ठीक है ना ये कभी भी उड़ने में काम नहीं आते ये लंबे लंबे होते हैं ठीक है ना ये कभी भी उड़ने में काम नहीं आते ठीक है ना अच्छा बताइए जब कॉकरोच रेस्ट पर होगा तो विंग कवर्स कौन है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है तो विंग कवर्स कौन है कॉकरोच रेस्ट पर होता है तो विंग कवर्स कौन से होते हैं विंग कवर्स जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है तो विंग कवर्स कौन से होते हैं बेटा ओके विच आर विंग कवर्स बेटा वेन द कॉकरोच इज एट रेस्ट विच इज विंग कवर यस 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 वेरी गुड मीजोथोरसिक विंग्स आर विंग कवर्स ठीक है ना बिल्कुल सही ठीक है ना अब बेटा अपन आगे चलते हैं लेटस मूव विद द एबडोम ऑफ कॉकरोच ठीक है ना अगला जो पॉइंट है बेटा वो है कॉकरोच का एप्डोमिन ठीक है ना अब बेटा जो कॉकरोच का एपडोमिन है इसी के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल ठीक है ना यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल ठीक है ना आप मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो केवल और केवल एपडोमिन की हेल्प से ठीक है ना ओके तो चलिए एपडोमिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है एब्डोमिन में बेटा मैंने बताया था आपको टेन सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ना एब्डोमिन में टेन सेगमेंट्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा ठीक है अब बेटा तीन पॉइंट्स आपको एब्डोमिन में याद रखने हैं और उन्हीं पे क्वेश्चन आता है ठीक है ना ओके okay. तीन पॉइंट्स याद करने ठीक है चलिए सबसे पहली बात देखो बेटा ऐसे बना लेते हैं देखो ये है मान लो मेल कॉकरोच ठीक है और समझ लो ये है आपका फीमेल कॉकरोच ठीक है ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं इसी डायग्राम में सब आ जाएगा ठीक है ना ओके तो बेटा मेल और फीमेल दोनों, में, ना? और दोनों में एनल सरकाई होते हैं ठीक है ना मेल और फीमेल दोनों में एनल सरकाई होते हैं तो ये ब्लू कलर के जो है अपन ने बनाए हैं ये हैं एनल सरकाई ठीक है ना एनल सरकाई ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल में ठीक है तो यहां मैं लिख रहा हूं एनल सरकाई क्या होता है ठीक है ना बेटा एनल सरकाई जो होता है ठीक है ये होता है फिफ्टीन सेगमेंटेड ठीक है एनल सरकाई होता है बेटा फिफ्टीन सेगमेंटेड ठीक है और बेटा ये काफी लंबा होता है लॉन्ग होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है ठीक है बेटा और बेटा ये साउंड रिसेप्टर होता है एक तरह का सेंस ऑर्गन होता है साउंड रिसेप्टर होता है बेटा एक तरह का सेंस ऑर्गन होता है इसे कहते हैं एनल सरकाय ठीक है ना और एनल सरकाय पाया जाता है बेटा टेंथ टर्गम में ठीक है ना आपको तो पता है ना डॉर्सल प्लेट को टर्गम कहते हैं तो टेंथ टर्गम में एनल सरकाई होता है ठीक है ना अब बेटी बेटा दूसरी चीज जो होती है वो होती है एनल स्टाइल ठीक है ना ये देखिए मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर, कर बना रहा हूं ठीक है ना रिप्रेजेंट करके कर बना रहे हैं हम ठीक है तो ये येलो कलर का जो मैंने बनाया है ये है एनल स्टाइल ठीक है ना इसे कहते हैं एनल स्टाइल एनल स्टाइल केवल मेल में होता है फीमेल में नहीं होता याद रखिए ठीक है ना तो इधर अपन लिख लेते हैं एनल स्टाइल ठीक है ना एनल स्टाइल जो होता है बेटा ठीक है ये अनसेगमेंटेड होता है इसमें कोई सेगमेंट नहीं होते याद रखिए ये अनसेगमेंटेड होता है ये शॉर्ट होता है छोटा होता है बेटा एनल सरकाई लंबा होता है एनल स्टाइल छोटा होता है ठीक है ना बेटा ये केवल मेल में प्रेजेंट होता है याद रखिए तो एनल स्टाइल जो होता है वो मेल में ही पाया जाता है फीमेल में नहीं होता याद रखिए एनल स्टाइल छोटा होता है एनल सरकाई लंबा होता है ठीक है ना एनल स्टाइल इज शॉर्ट एनल सरकाई इज लॉन्ग ठीक है ना और बेटा ये में हेल्प करता है में हेल्प करता है जब मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है ठीक है ना और बेटा ये प्रेजेंट होता है स्टर्नम में ठीक है ना प्रेजेंट होता है नाइन्थ स्टर्नम में तो ये क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट नीट का याद रखिए ठीक है ना दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट ठीक है मेल और फीमेल दोनों में एनल सरकाई है पर मेल में एनल स्टाइल है ठीक है ना लंबा कौन सा है एनल सरकाई ठीक है ना एनल सरकाई लंबा है ठीक है एनल सरकाई में बेटा कई सारे सेगमेंट्स होते हैं देखिए एनल सरकाय में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ना इस तरह सेगमेंट्स बनाइए ठीक है बनाइएरका में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं पंद्रह सेगमेंट्स होते हैं ये साउंड रिसेप्टर का काम करता है जबकि एनल स्टाइल जो होता है बेटा ये केवल मेल में होता है नाइन्थ स्टर्नम में होता है और ये कॉप्युलेशन में हेल्प करता है मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टरी प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है ठीक है ना अच्छा चलिए एपटोमिन में बेटा ये ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए ठीक है ना अच्छा अब आता है बेटा जेनाइटल पाउच ठीक है जिसपे क्वेश्चन खूब आते हैं बेटा जेनाइटल पाउच ठीक है ये भी एबडोमिन में पाया जाता है जेनाइटल पाउच एबडोमिन में पाया जाता है मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है ठीक है ना तो जेनाइटल पाउच जो होता है बेटा इसमें अपन बात करते हैं पहले मेल की इधर और बेटा फीमेल की इधर ठीक है ना इधर बेटा अपन एबडोमिन की बात कर रहे हैं ठीक है ना तो एबडोमिन में पहले एनल सरकाय एनल स्टाइल पढ़ लिया अब अपन जेनाइटल पाउच की बात कर रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है पर मैं यहां बता रहा हूं आपको ठीक है ना तो जेनाइटल पाउच जो फीमेल का है बेटा वो सेवेंथ एट्थ अरे ठीक से लिखता हूँ रुको फीमेल का जो जेनाइटल पाउच है ये सेवेंथ एट और नाइन्थ स्टर्नम का बना होता है ठीक है बेटा ओके जिसमें सेवेंथ स्टर्नम जो होता है ये बोर्ड शेप्ड होता है बेटा ठीक है ना ये बोर्ड शेप्ड होता है ठीक है याद करो इसे बेटा है ना सारी एनसीआरटी की लाइन है तो फीमेल में पाउच रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये सेवेंथ एथ और नाइन्थ स्टर्नम का बनता है बेटा और ये बोर्ड शेप होता है और मेल में जो जेनाइटल ते पाउच होता है ये बेटा नाइन्थ टेंथ एक सेकेंड नाइन्थ और टेंथ टर्गम ठीक है, टेंगम और साथ में नाइन्थ स्टर्नम का बनता है ठीक है ना साथ में नाइन्थ स्टर्नम का बनता है याद रखिए ठीक है ना बेटा ओके बात समझ आई क्लियर जेनाइटल पाउच समझ आया जेनाइटल पाउच जो होता है बेटा वो मेल और फीमेल दोनों में होता है आपको पता होना चाहिए ठीक है ना बेटा और फीमेल में सेवेंथ एथ और नाइन्थ स्टर्नम का होता है जिसमें seventh जो होता 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 है है, है है, है और और के अंदर का का ठीक ना बेटा okay, clear, clear हो गया चलिए अब एनस कहां होती है? एनस तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है ठीक है ना बेटा एनएस तो दोनों में होगी मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी ठीक है ना और एनएस कौन से सेगमेंट में होती है टेंथ एबडोम सेगमेंट में 10th abdominal segment, 10th abdominal segment में में ठीक ठीक है 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 होती ना राइट क्लियर चलो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अगर क्लियर हैं तो करिए अगर हैं तो करिए चलिए ओके चलिए बताइए अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए ठीक है, तो तो चलिये, okay? चलिये, है तो क्या एपडोम समझ आ गया एपडोमिन में कितने सेगमेंट्स होते हैं चलिए टेन सेगमेंट्स ठीक है ना अगर मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपको एपडोमिन ही देखना पड़ेगा ठीक है ना बेटा और दो चीजें आपको याद रखनी है एनल सरकाई और एनल स्टाइल ठीक है ना एनल सरकाई जो होता है बेटा 15 सेगमेंटेड एनल स्टाइल सेगमेंटेड नहीं होता एनल स्टाइल जो होता है बेटा वो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है ना एनल सरकाई जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है एनल सरकाई एक साउंड रिसेप्टर होता है और जबकि एनल स्टाइलेशन में हेल्प करता है ठीक है ना एनल सरकाई में होता है एनल स्टाइल नाइन्थ स्टर्नम में होता है ठीक है ना ओके आया समझ में क्लियर ओके ओके बेटा क्लियर है अच्छा चल रहा है ओके बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे चलिए ठीक है और जेनाइटल पाउच मेल और फीमेल का याद कर लो क्वेश्चन आता है इसमें ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बेटा ठीक है ना ओके ये इंपॉर्टेंट है जेनाइटल पाउच सेवेंथ एट नाइन्थ स्टर्नम स्टर्नम कौन सा स्क्लेराइट होता है बताओ स्टर्नम कहां पाया जाता है वेंट्रल वेंट्रल प्लेट जो होती है ना काइटिन की स्क्लेराइट जो होता है उसे स्टर्नम कहते हैं डॉर्सल प्लेट जो होती है उसे टर्गम कहते हैं याद रखिए बेटा टर्गम जो होता है वो डॉर्सल प्लेट को कहा जाता है डॉर्सल काइटिन की प्लेट को और स्टर्नम जो होता है वो वेंट्रल काइटिन की प्लेट को कहा जाता है क्योंकि कॉकरोच की जो बॉडी है वो काइटिन की प्लेट्स की बनी होती है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है कॉकरोच पर तो जो डॉर्सल प्लेट होती है काइटिन की वो टर्गम है जो वेंट्रल प्लेट होती है वो स्टर्नम होती है ओके चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलिए बहुत अच्छे चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा नाउ वी विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच ठीक है ना चलिए बेटा कॉकरोच का अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं ठीक है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके चलिए अब कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं मैं थोड़ा एक मिनट पानी पीना चाह रहा हूं एक मिनट में साइड में पानी पीना चाह रहा हूं ठीक है ना एक मिनट दीजिए <coughs> <coughs> बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया चलो ठीक है ना चलो आप आगे आगे बढ़ते हैं है ना लेट्स मूव अहेड ओके डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं बहुत फटाफट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ओके चलिए बस पढ़ते रहो यार पढ़ते रहो और क्या अपने पास ऑप्शन है मेरे को पढ़ाना है और आपको पढ़ना है ठीक है चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा चलिए तो बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का ठीक है बेटा उसके दो पार्ट्स होते हैं ठीक है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं ठीक है ना बेटा <coughs> एक पार्ट कहलाता है बेटा एक पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल ठीक है ना एक पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल ठीक है ओके और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है दूसरा पार्ट होता है एक्सेसरी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ठीक है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ठीक है हम इस डायग्राम को भी लेबल करेंगे आप चिंता मत करो ठीक है ये डायग्राम में लेकर आया हूं और इसको अपन लेबल करेंगे ठीक है फिर कुछ पी वाई क्यूज करेंगे चिंता मत करिए ठीक है दो घंटे में अपन को कॉकरोच निपटाना है खत्म करना है ठीक है ना ओके ओए ओ वाह 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 वा, मजा आ रहा है चलो बहुत अच्छे ओके <coughs> हाँ थैंक यू एवरी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत अच्छा है ठीक है ना ओके कोशिश तो देखो मैं कर रहा हूँ राइट ठीक है ना आप लोग जो है पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं राइट यूट्यूब पर आप लोग बाकी टीचर से तो पढ़ ही चुके होंगे ठीक है ओके देखो भाई मैं जानता हूं एमडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं राइट पर मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं थोड़ा सा आप मेरे से भी पढ़ के देख सकते हैं ठीक है पढ़ना ही तो है है ना ओके चलिए तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ठीक है ना इनमें डिवाइडेड है ठीक है चलिए अपन आगे बढ़ते हैं ना चलिए ध्यान से देखेगा तो बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कॉकरोच की जो बेटा एलिमेंट्री कैनाल होती है कॉकरोच की इसके तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है ना इसके तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है ना बताओ कौन-कौन से तीन पार्ट्स होते हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं पहला फोरगट ठीक है फोरगट जिसको बेटा स्टोमोडियम कहा जाता है जिसको स्टोमोडियम कहा जाता है ठीक है दूसरा पार्ट मिड गट मिड गट जिसको मीजेंट्रॉन कहा जाता है ठीक है जिसको मीजेंट्रॉन कहा जाता है ठीक है और तीसरा पार्ट है हाइंड गट ठीक है हाइंड गट ठीक है जिसको प्रोक्टोडियम भी कहा जाता है ठीक है जिसको प्रोक्टोडियम भी कहा जाता है ठीक है तो फोर गट इज स्टोमोडियम मिड गट इज मिजेंट्रॉन एंड हाइंड गट इज प्रोक्टोडियम ठीक है ओके बेटा तो ये तीन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के ठीक है बेटा फोरगट जो होती है ठीक है ये बेटा माउथ से बिगिन होती है ठीक है माउथ के बाद बेटा देर इज बकल कैविटी ठीक है माउथ के बाद बकल कैविटी है ठीक है बेटा ओके बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस ठीक है बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस ठीक है ईसोफेगस के बाद बेटा क्रॉप ठीक है और क्रॉप के बाद गिजार्ड ठीक है ना क्रॉप के बाद गिजार्ड ठीक है तो ये है फोरगट फोरगट में ये ये पार्ट्स आते हैं और ये याद करना पड़ेगा आपको ठीक है मिड गट एज इट इज होती है ऐसे याद करनी पड़ेगी और हाइंड गट में कौन से पार्ट होते हैं हाइंड गट में होता है बेटा इलियम ठीक है हाइंड गट में होता है इलियम कोलोन ठीक है कोलॉन एंड रेक्टम ठीक है इलियम कोलन एंड रेक्टम ये तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है आप लोग जो है ओके भाई देखो जिसको गलत कमेंट करना है कर लो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है देखो मेरा काम है यहां पढ़ाना ठीक है ना ओके और तुम्हारा है पढ़ना ओके जो लोग कमेंट करने आए वो कमेंट करते रह जाएंगे ठीक है देखो क्या होता है आ, देखो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ये है कि हम हम जितने भी लोग होते हैं ना दुनिया में हम सबको वापसी करनी है राइट मतलब वी हैव टू कम बैक ओके और ये एक अच्छा मौका है आपके पास वापसी करने का ठीक है जैसे दो साल पढ़ाई नहीं हुई अच्छी ओके और अब तैयारी अच्छी नहीं हो रखी है तो ये वापसी करने का एक अच्छा मौका है ठीक है ना यू कैन कम बैक अगर तुम हर सेशन को प्रॉपरली देखते रहो और हर चैप्टर रिवाइज करते रहो तो तुम वापस आ सकते हो गेम में ठीक है ना तो यहां पर हर कोई यही चाहता है याद रखना ठीक है हर कोई वापस आना चाहता है ओके तो लाइक हमें एग्रेसिवली वर्क करना चाहिए कमेंट वगैरह लिखने से तो क्या फायदा होना है ठीक है ना इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ पढ़ पढ़ के समझते हुए आगे बढ़ जाओ ठीक है ना यू शुड कम बैक ओके जो डिजास्टर हो रखा है तुम्हारी लाइफ में ठीक है तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी बेकार चल रहा है सब कुछ ठीक है तो यू कैन कम बैक नाउ ओके तो इंस्टेड ऑफ लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक कमेंटिंग उल्टा सीधा इट इज बेटर कि लाइक यू शुड ट्राई टू कम बैक ओके okay. अगर आप सच में नीट एस्पिरेंट हो तो ठीक है अब कोई अगर आ, आ, कोई आई की तैयारी कर रहा है कोई आई की तैयारी कर रहा है तो मुझे पता नहीं ठीक है ना इफ यू आर सीरियस नीट एस्पिरेंट इट इज टाइम दैट यू कैन कम बैक ओके चलिए चलिए ठीक है तो देखिए अब अपन अगले पेज पे चलते हैं ठीक है अगले पेज पे चलते हैं अच्छा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है एक्सेसरी डाइजेस्टिव गड्स हैं बेटा एक तो सेबरी ग्लैंड ठीक है एक है बेटा सेलेबरी ग्लैंड्स ठीक है और बेटा एक है ठीक है गैस्ट्रिक सीके सी ठीक है ना एक है बेटा गैस्ट्रिक सीके गैस्ट्रिक सीके सी ठीक है तो ये दोनों एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं कॉकरोच की ठीक है चलिए तो अब अपन अगले पेज पे चलते हैं ठीक है और इसको मिटाते हैं ठीक है ना और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से समझते हैं ठीक है ओके देखना आप है ना ओके देखो सबसे पहले बेटा क्या होता है ठीक है मैं ऐसे बनाता हूं ठीक है यहाँ ऊपर से बना लेते हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ माउथ बनाओ आप ठीक है ना और माउथ के बाद बेटा ठीक है माउथ के बाद आप बनाओ एक हल्की सी बकल कैविटी ठीक है ना तो ये माउथ बनाया माउथ के बाहर क्या बनाओगे माउथ के बाहर बेटा ये बनाओगे प्री ओरल कैविटी ठीक है ना माउथ के बाहर है प्री ओरल कैविटी ठीक है ना प्री ओरल कैविटी ठीक है ना धीरे धीरे समझेंगे है ना तो बेटा प्री ओरल कैविटी जो होती है वो माउथ पार्ट्स की बनती है याद रखिए जो प्री ओरल कैविटी होती है ये माउथ पार्ट्स की बनती है ठीक है इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं ठीक है और मैं एक बात बता दूं बेटा कॉकरोच फूड को कैप्चर करता है और प्री ओरल कैविटी में जो होते हैं माउथ पार्ट्स जिसमें मैंडिबल्स आते हैं वो फूड को इनसाइज करते हैं और ग्राइंड करते हैं याद रखिए ठीक है ना तो एक पॉइंट लिखते हैं अपन एक एक पॉइंट लिखते हैं ठीक है थीके? कि आउटसाइड माउथ ठीक है ध्यान से देखना ठीक pre okay? है आउटसाइड माउथ माउथ इज प्रेजेंट आउटसाइड माउथ इज प्रेजेंट प्री ओरल कैविटी ठीक है प्री ओरल कैविटी ओके ठीक है ये ये देखिए प्री ओरल कैविटी है है ठीक प्री ओरल कैविटी किसकी बनी होती है ठीक है प्री ओरल कैविटी प्री ओरल कैविटी इज मेड अप ऑफ माउथ पार्ट इज मेड अप ऑफ माउथ पार्ट्स जो अपन ने देखे थे ना ठीक है ना बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ठीक है ओके तो इसमें ना क्या क्या होता है बेटा इसमें पहले तो यहां पर मैंडिबल्स होते हैं ठीक है ना हम हम वैसे ही डायग्राम बना रहे हैं ठीक है ना आपको दिखाने के लिए ठीक है फिर मैंडिबल्स के नीचे यहां पर आप मैग्जीले बना लो ठीक है ना बेटा फिर फिर आप बना लो ऊपर लेब्रम बना लो ठीक है ना ये लेब्रम हो गया ठीक है और फिर आप फिर आप नीचे बना लो लेबियम ठीक है ना तो ये नीचे हो गया लेबियम ठीक है नीचे हो गया लेबियम ठीक है ना ये हो गया बेटा मैग्जिला ठीक है ये मैंने आपको बताया था ठीक है ना ये हो गया बेटा मैंडिबल ठीक है ये हो गया मैंडिबल ठीक है ओके और ऊपर हो गया बेटा आपका लेब्रम ठीक है ना लेब्रम जिसको अपर लिप कहते हैं बीच में क्या प्रेजेंट होता है बीच में प्रेजेंट होती है टंग ठीक है ना जिसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स ठीक है जिसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स हाइपोफेरिंक्स रुको जगह नहीं है ढंग से लिखते हैं इसको है ना कहीं पर इसको ढंग से लिखते हैं जगह नहीं दिख रही ना ये जो टंग होती है इसे अपन कहते हैं हाइपोफेरिंक्स इसे कहते हैं यहां लिख देते हैं इसे कहते हैं हाइपोफेरिंक्स ये तो आप जानते ही हो ठीक है इसे तो आप जानते ही हो ठीक है राइट ठीक है तो बेसिकली बेटा ये जो है ना ये देखिएगा इन सबको जोड़ दीजिए तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे इन सबको आप जोड़ेंगे तो बेटा ये माउथ पार्ट्स चारों तरफ घेरे हुए हैं और बीच की जो कैविटी है ठीक है ना ये जो बीच की कैविटी है ये जो है इसे बेटा प्री ओरल कैविटी कहते हैं

ऊपर बनाना है लेब्रम, ठीक है नीचे बनाना है आपको लेबियम ठीक है लेबियम ओके साइड में बनाना है आपको मैंडिबल्स ठीक है ये है मैंडिबल्स ठीक है याद कर लो मेरे साथ आप लोग ठीक है और इसके नीचे है मैग्जिला ठीक है इसके नीचे है मैग्जिला ठीक है या मैग्जिले लिख लो क्योंकि मैग्जिले प्लूरल टर्म है ठीक है और बीच में क्या है बीच में है बेटा हाइपोफेरिंग्स या टंग ठीक है ना ये है हाइपो ठीक है यह है समझना हर चीज के बारे में बता रहा हूं हर चीज को समझो ठीक है ना अब क्या होती है? होती है इसके बेस पर सलाइवरी ग्लैंड खुलती, खुलती है ऐसे ठीक है ना यह देखिए इस तरह सलाइवरी ग्लैंड बना लो इस तरह सलाइवरी ग्लैंड बना लो ठीक है ना तो सलाइवरी जो होती है वो हाइपो के बेस पर खुलती है ठीक है ना तो बेटा देखो ये जो है ना इसको जोड़ो आप इन सबको जोड़ो ठीक है ना इन सब माउथ पार्ट्स को जोड़ दो तो जो बीच की कैविटी है इसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं याद रखिए है, ठीक है ना इस बीच की कैविटी को प्री ओरल कैविटी कहते हैं ठीक है और ये प्री ओरल कैविटी माउथ से पहले प्रेजेंट होती है ये आपका माउथ है ठीक है ना ये आपका माउथ है ठीक है तो चलो आप अपन डाइजेस्टिव सिस्टम समझना चालू करते हैं ठीक है ना देखिएगा बच्चों ये देखिए ये है प्री ओरल कैविटी ठीक है ना ये है प्री ओरल कैविटी ठीक है और प्री ओरल कैविटी में बीच में क्या होती है टंग होती है ठीक है ना ओके उसके बाद उसके बाद आपको बनाना है यहां पर माउथ ठीक है फिर आपको बनाना है बकल कैविटी ठीक है ना फिर आपको उसके बाद बनाना है फेरिंग्स ठीक है ना फिर आपको उसके बाद बनाना है ईसोफेगस ठीक है ना फिर आपको बनाना है बेटा क्रॉप ठीक है ना इस तरह से ठीक है और फिर उसके बाद आपको बनाना है क्या उसके बाद आपको बनाना है गिजर्ड ठीक है ना उसके बाद आपको बनाना है गिजर्ट ठीक है तो ये प्री ओरल कैविटी हो गई ठीक है ये हो गई आपकी टंग ठीक ठीक है है ये ये हो हो गई आपकी टंग जिसको कहते हैं गया आपका माउथ ठीक है ना बेटा समझना धीरे धीरे है ना ये हो गई आपकी बकल कैविटी ठीक है ये हो गई आपकी बकल कैविटी ठीक है बकल कैविटी के बाद जो पार्ट आएगा बेटा ये हो गया आपका फेरिंग्स ठीक है ये हो गया फेरिंग्स ठीक है ये हो गया बेटा ईसोफेगस ठीक है ये हो गया ईसोफेगस ठीक है और इसके नीचे आ गया बेटा क्रॉप ठीक है और इसके नीचे आ गया आपका गिजार्ड ठीक है इसके नीचे आ गया आपका गिजार्ड ठीक है तो ये जो सारे पार्ट्स हैं बेटा माउथ से लेकर माउथ से लेकर बेटा गिजार्ड तक माउथ से लेकर गिजार्ड तक जो पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं बेटा फोरगट ठीक है ना ये सारे जो पार्ट्स हैं ये फोरगट में आते हैं ठीक है ना ओके okay, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी भी आपको बताई थी कि बेटा जो टंग है इसके नीचे इसके नीचे इस तरह से ये सलाइवरी ग्लैंड बनानी है अपन को ठीक है ना इसकी डक्ट जो है सलाइवरी ग्लैंड की अपन को बनानी है और ये अपन ने सलाइवरी ग्लैंड बना रखी है दोनों ठीक है ना तो इसको आप डक्ट को चाहो तो प्रॉपरली बना दो इस तरह से ठीक है ना टंग के बेस पर सलाइवरी डक्ट ओपन होती है ठीक है तो ये देखो ये सलाइवरी ग्लैंड बना दी अपन ने ठीक है ना दिस इज सलाइवरी ग्लैंड ओके दिस इज सलाइवरी ग्लैंड ठीक है तो बेटा प्रोसेस सीख लो ठीक है ना प्रोसेस सीख लो क्या होता है मैंने डायग्राम सारा बना दिया सबसे पहले बेटा कॉकरोच फूड को कैप्चर कर लेता है ठीक है उसके बाद क्या होता है बेटा मैंडिबल्स जो होते हैं वो फूड को इनसाइज करते हैं और ग्राइंड करते हैं ठीक है ना और जो टंग होती है बेटा वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है ठीक है ना बेटा ओके तो पहला स्टेप क्या होगा पहला स्टेप होगा कॉकरोच जो है कॉकरोच फूड ठीक है लिखते रहना विद द हेल्प ऑफ माउथ पार्ट्स ठीक है क्लियर ओके इसके बाद बेटा क्या होगा इसके बाद ये होगा बेटा कि जो मैंबल्स होते हैं ठीक है मैंबल्स जो होते हैं माउथ पार्ट में वो फूड को इनसाइज करते हैं ठीक है ना इनसाइज करने का मतलब छोटे पार्ट्स में काटते हैं ठीक है ना और फूड को ग्राइंड करते हैं ठीक है ना फूड को ग्राइंड करते हैं ठीक है ओके okay, इसके बाद क्या होता है जो हाइपोफेरिंग्स होती है ठीक है हाइपोफेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स के बेस पर ठीक है हाइपोफेरिंग्स के बेस पर सलाइवरी डक्ट ओपन होती है ठीक है ना हाइपोफेरिंग्स के बेस पर सलाइवरी डक्ट ओपन होती है ठीक है ना डक्ट ओपन होती है ठीक है अगला पॉइंट क्या है कि हाइपोफेरिंग्स जो है बेटा हाइपोफेरिंग्स जो है ठीक है मिक्स हाइपोफेरिंग्स मिक्स सलाइवा मिक्स सलाइवा विथ ग्राइंडेड फूड ठीक है ना मिक्स सलाइवा विथ ग्राइंडेड फूड ठीक है हाइपो मिक्स सलाइवा विथ ग्राइंडेड फूड ठीक है ग्राइंडेड फूड के साथ सलाइवा मिक्स करता है सलाइवा में बेटा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ठीक है बेटा ओके okay, बात समझ आई ठीक है अब फूड जो है फूड एंटर्स माउथ ठीक है ना फूड कैसा है बेटा ग्राइंडेड है ठीक है ना ग्राइंडेड मिक्स्ड विथ सलाइवा ठीक है मिक्स्ड विथ सलाइवा ठीक है मिक्स्ड विथ सलाइवा एंटर्स माउथ ठीक है अब ये माउथ एंटर करता है सलाइवा एंटर्स माउथ एंटर्स माउथ ठीक है तो बेटा अभी तक जितनी ग्राइंडिंग हो रही थी जितनी बेटा मिक्सिंग हो रही थी फूड की ठीक है ना सलाइवा के साथ में ये प्री ओरल कैविटी में हो रही थी पीओसी का मतलब होता है प्री ओरल कैविटी ठीक है ना

ठीक है ना ओके तो ये किसकी लाइनिंग अपन ने बनाई है क्यूटिकल की ठीक है तो इसको लिखो कि फोर गट इज लाइन बाय फोर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल ठीक है तो बेटा फूड जो है माउथ से एंटर करता है ठीक है बेटा चलिए चलिए फूड फूड जो है माउथ से एंटर करता है बकल कैविटी में आता है बेटा सलाइवा जो है डाइजेशन कर ही रहा है फूड का ठीक है ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में फिर फूड क्रॉप में आकर स्टोर हो जाता है ठीक है ना बेटा तो क्रॉप में क्या है क्रॉप का क्या काम होता है बेटा क्रॉप में फूड स्टोर हो जाता है ठीक है ना क्रॉप में फूड स्टोर हो जाता है ठीक है ना फूड स्टोर हो जाता है ठीक है फूड स्टोर ठीक है ना इन क्रॉप तो माउथ से एंटर करेगा फिर बकल कैविटी फिर फेरिंग्स फिर ईसोफेगस फिर क्रॉप क्रॉप में फूड स्टोर हो जाता है बेटा ठीक है ना इसके बाद बेटा देखो ध्यान से समझना ठीक है ना इसके बाद बेटा गिजर्ड के आगे होती है मिडगट ठीक है ना गिजर्ड के आगे होती है मिडगट ठीक है तो ये है मिडगट ठीक है मिडगट पे आ गए अपन ठीक है बेटा गिजर्ड फोरगट का पार्ट है फिर उसके बाद मिडगट चालू हो जाती है ठीक है तो गिजर्ड बेटा गिजर्ड और मिडगट के जंक्शन पर जो है गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट होते हैं ऐसे ठीक है ना ये गैस्ट्रिक सीके होते हैं बेटा ठीक है इन्हें हिपैटिक सीके भी कहा जाता है गैस्ट्रिक सीके कहा जाता है इनको इनको हिपैटिक सीके भी कहा जाता है ठीक है गैस्ट्रिक सीके कह लीजिए या इनको हिपैटिक सीके कह लीजिए ये होते हैं बेटा छ से आठ ये होते हैं छह से आठ तो गैस्ट्रिक सीके जो होते हैं वो गिजार्ड और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं बेटा ठीक है ना बेटा गैस्ट्रिक सीके जो है एंजाइम्स बनाते हैं डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं याद रखिए है, ठीक है ना तो बेसिकली ठीक है ना एट द जंक्शन ऑफ ठीक है एट द जंक्शन ऑफ एट द जंक्शन ऑफ गिजार्ड एट द जंक्शन ऑफ गिजार्ड एंड मिडगट एंड मिडगट एंड मिडगट आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट सिक्स टू एट गैस्ट्रिक सीके आर प्रेजेंट सिक्स टू एट गैस्ट्रिक सीके विच मेक डाइजेस्टिव जूस विच मेक डाइजेस्टिव जूस डाइजेशन करते हैं ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं विच मेक डाइजेस्टिव जूस ये जूस जो है ये डाइजेसन करता है बेटा ठीक है ना तो बेटा ये जो गैस्ट्रिक सीके का जूस जो होता है ठीक है ना ये ऊपर चला जाता है क्रॉप में ठीक है ना और जो क्रॉप में फूड स्टोर हो रखा है वहां पर डाइजेशन होने लगता है फूड का क्रॉप में फूड स्टोर होता है बेटा जब तक फूड क्रॉप में है तब तक सलाइवा डाइजेस्ट कर रहा है याद रखिए जब तक फूड क्रॉप में है जब तक सलाइवा डाइजेस्ट कर रहा है पर ये गैस्ट्रिक सीके जो होते हैं बेटा ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो कि बेटा क्रॉप में प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट और करता है याद रखिए ऊपर सलाइवा जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है फूड को याद रखिए अब गैस्ट्रिक सीके जो है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जो फूड को और डाइजेस्ट करता है तो क्रॉप में बेटा मैक्सिमम डाइजेशन होता है याद रखिए ठीक है ना क्रॉप में बेटा मैक्सिमम डाइजेशन होता है ठीक है क्रॉप में बेटा मैक्सिमम डाइजेशन होता है मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का ठीक है क्रॉप में मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का ठीक है ना इसके बाद बेटा क्या होता है फूड गिजार्ड में आता है फूड कम्स इन टू गिजर्ड क्रॉप से फूड गिजार्ड में आता है ठीक है अब देखिएगा अगले पेज पे चलते हैं ठीक है चलो भाई अगले पेज पे चलते हैं इसको मिटाते हैं मैं नोट्स को फ्रीज कर रहा हूं चिंता मत करो आपको नोट्स सारे अच्छे मिल जाएंगे ठीक है ना पर डायग्राम अपन को चाहिए ना इसीलिए ठीक है ना तो बेटा जो गिजर्ड होता है गिजर्ड गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं ठीक है ना तो देखिए ये है, ये गिज़र्ड गिज़र्ड है है ठीक है ना गिजर्ड को गिजर्ड को बेटा अपन कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस गिजर्ड को अपन कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस प्रो वेंट्रिक्यूलस प्रो ठीक है गिजर्ड के अंदर जो क्यूटिकल होता है बेटा ठीक है ना

जो फूड है बेटा वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना फूड जो है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद बेटा फूड मिड गट में आता है याद रखिए ठीक है ना चलिए अपन क्या करते हैं बेटा अपन एक बार रिवाइज करते हैं ठीक है ना सब लोगों से मैं पूछना चाहूंगा सब लोग अब एक्टिव हो जाओ और सब लोग अब आंसर देंगे ठीक है ना एक एक करके चलो बताओ प्री ओरल कैविटी जो होती है उसको क्या सराउंड करता है चलो प्री ओरल कैविटी क्या को कौन सराउंड करता है प्री ओरल कैविटी को कौन सराउंड करता है चलिए बताइए प्री ओरल कैविटी को कौन आ, चलो कौन सराउंड करता है चलो बताओ बताओ प्री ओरल कैविटी को कौन सराउंड करता है चलो बच्चों बताओ प्री ओरल कैविटी जो होती है यस 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 बहुत अच्छे माउथ पार्ट सराउंड करते हैं बहुत अच्छे बेटा आर्यन बहुत बढ़िया बेटा ठीक है ना और कौन है और कौन आंसर दे रहा है प्री ओरल कैविटी को कौन सराउंड करता है माउथ पार्ट्स वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी नाइस वेरी नाइस nice. बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ना अच्छा मुझे बताओ बेटा. किसके पर ओपन होती है सलाइवरी डक्ट किसके बेस पर ओपन होती है बताओ. किसके किसके पर पर होती होती है? Salivary duct, बेटा, बेस पर होती है? बेटा चलो बताओ सलाइवरी बेस पर बताओ 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 हाइपो है ना टंग को फायरिंग्स कहते हैं ठीक है ना को कहते हैं, ओके? Okay? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ओके okay, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा ठीक है ओपन होती है कौन सा माउथ पार्ट बेटा ग्राइंडिंग और इनसीजिंग करता है कौन सा माउथ पार्ट ग्राइंडिंग और इनसाइजिंग करता है बेटा कौन, कौन सा माउथ पार्ट ग्राइंडिंग और इनसाइजिंग करता है उथ पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग एंड इन साइजिंग चलिए बताइए विच माउथ पार्ट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड इनिंग चलिए बताइएंग एंड एंसाइजिंग कौन सा माउथ पार्ट करता है बताइए बताइए मैंडिबल बिल्कुल सही मैंडिबल मैंडीबल यस 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 वेरी नाइस मैंडिबल बहुत बढ़िया बेटा इसके बाद बेटा सलाइवरी ग्लैंड

बताइए विच कंपाउंड इज डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स यस वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे इसके बाद बेटा फूड माउथ में आएगा फिर बकल कैविटी फिर फेरिंग्स चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये है क्यूटिकल क्या होता है बेटा हम कहते हैं क्यूटिकल की लाइनिंग है फोर गट में व्हाट इज क्यूटिकल क्यूटिकल इज काइटिन प्लस प्रोटीन ठीक है ना क्यूटिन क्यूटिकल बना होता है काइटिन प्लस प्रोटीन का ठीक है ना क्यूटिकल बना होता है काइटिन प्लस प्रोटीन का ठीक है ना क्यूटिकल जो है क्यूटिकल की लाइनिंग है फोर गट में ये बना होता है काइटिन प्लस प्रोटीन का ठीक है ना मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है चलो बताओ मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है बताओ मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है मैक्सिमम डाइजेशन ओके वे वेरी गुआ वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस nice. बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे ठीक है ना अच्छा बेटा जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है नीचे कौन करता है या नीचे ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करता है गिजर्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करता है बेटा गिजर्ड वेरी नाइस गिजर्ड ठीक है ना बेटा अच्छा बेटा डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करता है सारे क्वेश्चन आते हैं यहां डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करता है गैस्ट्रिक सीके गैस्ट्रिक सीके गैस्ट्रिक सीके कितने होते हैं बेटा सिक्स टू एट ठीक है eight, ना बेटा ओके okay. अच्छा बेटा अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बहुत बढ़िया मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा आप सब लोग अटेंटिवली सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है ठीक है ना अच्छा बेटा देखो सब लोग देखो बेटा इसके बाद फोर गट के बाद जो फूड है जो डाइजेस्टेड फूड है ठीक है ना फोर गट के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है जो अपन ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया वो मिड गट में आ जाता है और मिड गट में बेटा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है याद रखिए तो मिड गट जो होती है बेटा मिड गट में होता है मिड गट में होता है मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन याद रखिए मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ठीक है ना बेटा ओके okay, बात समझ आई मिडगट में एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक बार आपने क्रॉप में डाइजेशन कर लिया गैजर्ड में ग्राइंडिंग कर ली सब कुछ कर लिया उसके बाद एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन ठीक है ना तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन मिडगट ठीक है ना उसके बाद बेटा उसके बाद हाइंड गट में आते हैं ठीक है ना ये हाइंड गट है देखो ठीक है ना ये हाइंड गट है ठीक है हाइंड गट के तीन पार्ट्स होते हैं ठीक हाइंड गट के तीन पार्ट्स होते हैं इलियम ठीक है कोलोन इलियम कोलोन रेक्टम ठीक है ना और बेटा जो वेस्ट होता है वेस्ट फाइनली किससे बाहर आएगा एनस से एनस से बेटा वेस्ट बाहर आ जाता है ठीक है ना वेस्ट कम्स आउट डाइजेस्टिव वेस्ट कम्स आउट डाइजेस्टिव वेस्ट कम्स आउट ठीक है बात समझ आई क्लियर और मिड गट और हाइंड गट मिड गट और हाइंड गट ये हाइंड गट है बेटा व्हाइट कलर की ये हाइंड गट है ठीक है ना ये हाइंड गट है ठीक है ना मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या होता है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स ठीक है ना मेलफीजियन टिब्यूल्स ठीक है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होते हैं मेलपीजियन टिब्यूल्स ठीक है मेलपीजियन टिब्यूल्स

ये भी क्यूटिकल से लाइंड होती है ये भी क्यूटिकल से लाइंड होती है हाइंड गट जो होती है ये भी क्यूटिकल से लाइंड होती है ठीक है ना तो ये रेड कलर की अपन ने क्यूटिकल बनाई है ये रेड कलर की क्यूटिकल बनाई है ठीक है ना मिड गट क्यूटिकल से लाइंड नहीं होती ठीक है ना गट नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल ऊपर लिख देते हैं मिड गट नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल ठीक है तो यह हो गया बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम चलो अब फटाफट जो है एक पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे ठीक है आओ एक पीवाई क्यू सोल्व करेंगे चलो बेटा बताओ इन कॉकरोच आइडेंटिफाई दार्ट ऑफ द फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस यह नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था चलिए आइए बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन कौन सा होगा चलिए देखिए हाँ हाँ जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से रिवाइज करवाता हूं पहले इसका आंसर बताओ माउथ ईसोफेगस फेरिंग्स माउथ क्रॉप बक्कल कैविटी माउथ गिजर्ट क्रॉप माउथ फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप गिजर्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह सही बता रहे हो फोर्थ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही माउथ फिर फेरिंग्स फिर ईसोफेगस फिर क्रॉप फिर गिजर्ट ठीक है ना ओके ये नीट ट्वेंटी का सवाल है हो गया ना पीवाई सॉल्व हो गया ना सॉल्व ओके okay? चलो मैं फास्ट फटाफट आपको रिवाइज करवाता डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है चलो देखो बेटा पहले फूड को कैप्चर कौन करता है माउथ पार्ट कैप्चर करते हैं सारे सुन लो ठीक है ना फूड को कैप्चर करते हैं माउथ पार्ट ठीक है पार्ट्स, ना उसके बाद बेटा मैंडिबल जो है वो फूड को काटता है और ग्राइंड करता है ठीक है ना <coughs> के बेस पर सलाइवरी खुलती है ठीक है ना सलाइवा जो है बेटा हाइपोफेरिंग्स की मदद से सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है ग्राइंडेड फूड के साथ अब फूड माउथ से एंटर करता है माउथ से एंटर करने के बाद बकल कैविटी में जाता है ठीक है फिर फेरिंग्स फिर ईसोफेगस फिर क्रॉप ठीक है क्रॉप में फूड स्टोर हो जाता है अब तक सलाइवा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन चल रहा होता है ठीक है ना सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं फूड क्रॉप में आकर स्टोर हो जाता है ठीक है ना सलाइवा की हेल्प से कार्बोहाइड्रेटिंग डाइजेस्टिंग चल रही होती है ठीक है ना बेटा और के पे से सीके होते हुए जूस। जूस क्रॉप में चला जाता है और क्रॉप में बेटा हिपेटिक सीके के जूस से डाइजेशन चलने लगता है ठीक है ना तेजी से डाइजेशन चलने लगता है ओके तो बेटा फूड जो है बेटा मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता है क्रॉप के अंदर ठीक है ना याद रखना फूड के डाइजेशन के लिए दो ग्लैंड इंपॉर्टेंट है एक सलाइवरी ग्लैंड और एक हिपैटिक सीका सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है हिपैटिक सीके में बेटा प्रोटीन भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं याद रखना हिपैटिक सीके गट और मिड गट के जंक्शन पे होते हैं छह से आठ होते हैं बेटा ठीक है ना उसके बाद फूड गिजर्ड में आता है गिजर्ड बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं गिजर्ड में सिक्स क्यूटिकुलर टीथ होते हैं सिक्स क्यूटिकुलर टीथ की हेल्प से ग्राइंडिंग होती है फूड की और फूड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद जो पूरा डाइजेस्टेड फूड है पूरा पेस्ट में कन्वर्टेड फूड है अब मिडगट में आता है मिडगट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ठीक है ना उसके बाद फूड जो है गट में जाता है इलियम कोलॉन रेक्टम रेक्टम के बाद जो वेस्ट है बेटा वो एनस से बाहर आ जाता है याद रखना वेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मिड गट में हो चुका है मिड गट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का याद रखिए तो सारे न्यूट्रिएंट्स अपन ने मिड गट में एब्जॉर्ब कर लिए जो पीछे रह जाएगा वो वेस्ट रह जाएगा वेस्ट हाइंड गट में आएगा बेटा इलियम कोलॉन रेक्टम से पास होते हुए एनस से निकल जाएगा तो ये पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस है ठीक है ना बात समझ आई ओके ओके ठीक है ओके राइट क्लियर ठीक है बेटा क्लियर है ना बेटा मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप में होता है बेटा मिडगट में नहीं होता किसी ने गलत बता दिया होगा क्रॉप में होता है ठीक है ना हमेशा याद रखना क्रॉप में मैक्सिमम डाइजेशन होता है और जो बेटा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो हिपेटिक सी रिलीज करता है और सलाइवरी ग्लैंड में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं याद रखिए है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं दो सोर्सेज से आते हैं सलाइवरी ग्लैंड से और हिपेटिक सीके से ठीक है ना ओके चलिए ठीक है ना अब बेटा अपन चलते हैं इसके इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ठीक है ना तो बिफोर लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चले हम बेटा लेंगे टेन मिनट्स का ब्रेक ठीक है ठीक है बेटा ओके टेन मिनट्स का ब्रेक लेंगे अपन ठीक है ओके तो इसमें घड़ी चला सकते हैं कैसे वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ टेन मिनट्स उसके बाद रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सारे करने अपन को ठीक है ना ओके ठीक है बच्चों तो अब दस मिनट बाद मिल रहे हैं आपको हम आ रही है <coughs> बच्चों आवाज आ रही है हेलो बच्चों आवाज आ रही है सर मेरा पूरा थैंक यू भैया थैंक यू अगर आप आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है चलो 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 आगे बढ़ते हैं है ना आगे बढ़े चलो तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है चलें स्टार्ट करें बच्चे ओके okay, चलो ढंग से समझना ना इसको ठीक है एक एक पॉइंट को ढंग से समझना आई होप एवरी वन इज बैक ठीक है चलिए तो बच्चों देखिएगा कि बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कॉकरोच का होता है उसको बेटा अपन ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं ठीक है ना उसको बेटा अपन कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम ठीक है तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का उसको ट्रैकियल सिस्टम भी कहा जाता है ठीक है ना और बेटा कॉकरोच की बॉडी पर कॉकरोच की बॉडी में इस तरह से बेटा होल्स पाए जाते हैं ठीक है ना लेटरल साइड पर लेटरल साइड पर ठीक है ना इन होल्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं बेटा ठीक है ना स्पाइरेकल्स ठीक है ना तो बॉडी ऑफ कॉकरोच बॉडी ऑफ कॉकरोच ठीक है, हैव 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 होल्स होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स ठीक है बेटा इन्हें कहते हैं बेटा स्पाइरेकल्स ठीक है और कितने स्पाइरेकल्स होते हैं ये क्वेश्चन आता है ठीक है ना स्पाइरेकल्स होते हैं बेटा टेन पेयर्स ठीक है टेन पेयर्स ठीक है और स्पाइरेकल्स कहां होते हैं बेटा लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पर ठीक है ना लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पर ठीक है बेटा अच्छा बताओ बेटा स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं स्क्लेराइड्स को कहते हैं बेटा क्या स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं स्क्लेराइड्स को कहते हैं क्या प्लूराइट ठीक है ना तो लेटरल साइड पर होते हैं कहां पर होते हैं बेटा प्लूरॉन पे या प्लूराइट पे ठीक है प्लूरॉन पे या प्लूराइट पे ठीक है ना ओके तो स्पाइरेकल्स होते हैं टेन पेयर्स ओके लेटरल साइड पर होते हैं प्लूर पर ठीक है ना बात समझ आई ओके okay. अरे बेटा इतना तो बड़ा लिख रहा हूं और कितना बड़ा लिख क्या प्लूर तो में okay. चलिए बहुत बढ़िया ठीक है अब बेटा देखो क्या होता है कि स्पाइरेकल के बाद स्पाइरेकल के बाद बेटा ये वाला एक, एक फूला हुआ पार्ट आता है ठीक है ना बेटा इसको बेटा अपन कहते हैं क्या ठीक है, इसको अपन कहते हैं एट्रियम ठीक है उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा ये एक बड़ा सा ट्रेकिया आता है लार्ज ट्रेकिया ठीक है लार्ज ट्रेकिया यहां से चालू होता है बेटा ठीक है इसे ट्रेकियल ट्रंक भी कहा जाता है ठीक है इसे ट्रेकियल ट्रंक भी कहा जाता है ठीक है लार्ज ट्रेकिया ठीक है लार्ज ट्रेकिया जो है बेटा ये पतले पतले स्मॉल ट्रेकिया में डिवाइड हो जाता है ठीक है ना बेटा इस तरह से ठीक है ना तो ये जो छोटी ट्यूब्स हैं इन्हें आप कहेंगे स्मॉलर ट्रेकिया ये हैं स्मॉलर ट्रेकिया ठीक है ओके स्मॉलर ट्रेकिया जो होते हैं बेटा ये अगेन पतले-पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटा ये जो पतले-पतले ट्यूब्स -पतले होते हैं इनको कहते हैं ट्रेकियोल्स ठीक है ना इनको कहते हैं अपन ठीक है? ये जो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं इनको कहते हैं, ठीक है ठीके? और जो होते होते हैं हैं, ना, जो ठीक है? ठीके? उनके एंड पर ट्रेकियोल्स के एंड पर एक सेल प्रेजेंट होता है इस तरह से ठीक है ना इस सेल को कहते हैं ट्रेकिोलर एंड सेल इसको कहते हैं बेटा ट्रेक्योलर एंड सेल ट्रेक्योलर एंड सेल ठीक है और जो ट्रेक्योल होते हैं बेटा जो ट्रेकिल होते हैं ठीक है वो टिश्यू तक पहुंचते हैं और टिश्यू के हर सेल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ये एक टिश्यू है देखिए ये एक टिश्यू है ठीक है ये एक टिश्यू है बेटा ठीक है और ये हैं टिश्यू के सेल्स ठीक है ये हैं टिश्यू के सेल्स ठीक है ओके चलो मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है चलो शुरू से देखते हैं डायग्राम तो अपना बन गया ठीक है ना शुरू से देखते हैं बच्चों चलो ठीक है देखो बेटा सबसे पहले एयर जो है वो स्पाइरेकल से एंटर करती है ठीक है ना एयर में बेटा बहुत ऑक्सीजन होती है ठीक है ना एयर में अच्छी खासी ऑक्सीजन होती है स्पाइरेकल से एंटर करती है ठीक है ना बेटा जो स्पाइरेकल होता है स्पाइरेकल जो होता है ये याद रख ले बेटा कि जो स्पाइरेकल होता है इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना ये स्पाइरेकल है ठीक है ना बेटा जो होता है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। नंबर के अंदर बेटा ऐसे सीलिया लाइक ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइरेकल के अंदर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं कहते हैं ब्रिसल ये सीलिया जैसे होते हैं सीलिया लाइक होते हैं बेटा ठीक है ना तो पहली चीज तुम्हें याद रखनी है कि स्पाइरेकल के अंदर ब्रिसल होते हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं क्या करते हैं एयर को प्यूरिफाई करते हैं ठीक है ना तो स्पाइरेकल के अंदर होते हैं ब्रिसल ठीक है ना ये ब्रिसल कैसे होते हैं बेटा सीलिया जैसे होते हैं सीलिया लाइक होते हैं सीलिया लाइक ठीक है ना और ये क्या करते हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं ठीक है ना एयर को प्यूरिफाई करते हैं ठीक है ना कोई एयर में अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसे रिमूव करते हैं ठीक है ना तो एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं ब्रिसिल ठीक है ना हर स्पाइरेकल में ब्रिसिल होता है याद रखिए बहुत सारे ब्रिसिल्स होते हैं आने वाली एयर को प्यूरिफाई करने में काम आता है ठीक है ना तो अच्छा उसके बाद उसके बाद बेटा हर स्पाइरेकल में वेल्व प्रेजेंट होता है ठीक है ना हर स्पाइरेकल में प्रेजेंट होता है वेल्व ठीक है ना वेल्व को अपन कहते हैं स्पिंगटर ठीक है ना वेल्व को अपन कहते हैं स्पिंगटर स्पिंगटर ठीक है ना वेल्व को कहते हैं स्पिंगटर ये स्पाइरेकल को बंद करने में और खोलने में मदद करता है ठीक है ना तो स्पिंगटर का क्या काम है स्पिंगटर का काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल ठीक है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल ठीक है ना क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल ठीक है ना ओके okay. इसमें मदद करता है कब स्पाइरेकल को खोलना है कब स्पाइरेकल को बंद करना है ठीक है ना तो देखिएगा क्या होता है एयर बेटा स्पाइरेकल से एंटर करती है स्पाइरेकल होते हैं बेटा टेन पेयर ठीक है फिर एयर जाती है बेटा किसमें एयर जाती है बेटा एट्रियम में ठीक है ना फिर एयर किसमें जाती है बेटा फिर एयर जाती है बेटा ट्रेकियल ट्रंक में या लार्जर ट्रेकिया में फिर बेटा एयर जाती है स्मॉलर ट्रेकिया में ठीक है ना फिर एयर जाती है बेटा ट्रेकिओल्स के अंदर और फाइनली एयर जो है बेटा हर टिश्यू सेल तक पहुंचती है इस तरह हर टिश्यू सेल को ऑक्सीजन डायरेक्टली प्राप्त होती है याद रखिए ठीक है ना हर टिश्यू सेल को ऑक्सीजन डायरेक्टली प्राप्त होती है ठीक है ना तो ये है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो कॉकरोच के अंदर देखा जाता है याद रखिए ठीक है ना और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेटा वो उल्टा चलती है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ऐसे चलती है टिश्यू सेल से फिर उल्टा ट्रेक्योल से होते हुए ठीक है ना फिर आपके स्मॉलर ट्रेकिया से होते हुए लार्जर ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकियल ट्रंक से होते हुए एट्रियम से होते हुए स्पाइरेकल से बाहर आ जाती है ठीक है ना तो इस तरह गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा डायरेक्टली गैस जो है टिश्यू सेल्स तक पहुंचती है और टिश्यू सेल से गैस जो है बाहर निकलती है ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स तक डायरेक्टली पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल से बाहर आ जाती है ठीक है ना तो बेटा क्या रास्ता रहा कैसा रास्ता रहा सबसे पहले एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो स्पाइरेकल से एंटर करेगी ठीक है ना तो एयर एंटर्स वाया स्पाइरेकल स्पाइरेकल के बाद बेटा लार्जर ट्रे किया ठीक है लार्जर ट्रेकिया ओके बात समझ आई फिर लार्जर ट्रेकिया के बाद स्मॉलर ट्रेकिया ठीक है स्मॉलर ट्रेकिया के बाद ट्रेकिओल्स, ट्रेकिओल्स, ठीक है और उसके बाद सीधा ऑक्सीजन पहुंचेगी टिश्यू सेल्स तक ठीक है ना ओके इस तरह अपन हर टिश्यू सेल को डायरेक्टली ऑक्सीजन देते हैं ठीक है ना तो ये जो ट्रेकिया है बेटा ये ट्यूब्स होती है याद रखिए ट्रेकिया आर ट्यूब्स यहां लिख देते हैं ये जो ट्रेकिया है ठीक है ना ये क्या है ट्रेकिया आर ट्यूब आर थिन ट्यूब्स आर थिन ट्यूब्स ठीक है और बेटा कॉकरोच में भी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है इंस्पायरेशन की मदद से एयर अंदर ली जाती है एक्सपायरेशन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकाली जाती है ठीक है ना तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कॉकरोच में होता है ठीक है ना तो यहां पर कहीं अपन लिख लेते हैं ठीक में, में है जी, और ना इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन पॉसिबल है ठीक है ना एंड एक्सपायरेशन इज पॉसिबल ठीक है बात समझ आई ठीक है होता ही होता है इसी से तो अपन एयर अंदर और एयर बाहर निकालते हैं ठीक है ना ओके okay, और इस प्रोसेस में इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन में टर्गो एक्स्टर्नल मसल्स काम आती हैं ठीक है ना टर्गो एक्स्टर्नल मसल्स काम आती हैं ठीक है ना याद कर लो टर्गो एक्स्टर्नल मसल्स हेल्प इन हेल्प इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन हेल्प इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन ठीक है ना बात समझ आई तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम चलो बेटा चलो 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 बेटा बताओ Uh, आपको सबन समझ में आया सबको कि नहीं आया चलिए बताइए मेरे को पहले मेरा क्वेश्चन है बेटा कितने स्पाइरेकलस होते हैं कितने स्पाइरेकलस होते हैं बेटा हाउ मेनी स्पाइरेकलस इन कॉकरोच टेल मी हाउ मेनी स्पाइरेकलस इन कॉकरोच स्पाइरेकलस कितने होते हैं देखो ये रहा एट्रियम एट्रियम मिक्स नहीं किया है मैंने एट्रियम यहां पर लिखा हुआ है देखो ठीक है ना हाउ मेनी स्पाइरेकलस बेटा 10 पेयर्स चलिए फटाफट फटाफट रिपीट कर रहा हूं फटाफट फटाफट रिपीट कर रहा हूं बेटा देखो सुनो सब लोग टेन पेयर ऑफ स्पाइरेकल ठीक है हर हर स्पाइरेकल में ब्रिसल्स प्रेजेंट हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं हर स्पाइरेकल के अंदर बेटा वेल्व प्रेजेंट है जो स्पाइरेकल को बंद करने में और खोलने में मदद करता है वेल्व को स्पिंक्टर भी कहते हैं ठीक है ना स्पाइरेकल के जस्ट अंदर एट्रियम होता है एट्रियम के बाद लार्जर ट्रेकिया फिर स्मॉलर ट्रेकिया फिर एयर जाती है ट्रेकिओल्स में ठीक है ना और इस तरह एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है बेटा वो डायरेक्टली हर टिश्यू सेल को मिलती है ठीक है ना इस तरह हर टिश्यू सेल को एयर या ऑक्सीजन मिल जाती है इस तरह कॉकरोच को रेस्पिरेशन कॉकरोच में ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है याद रखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकलती है ठीक है ना ऑक्सीजन युक्त एयर अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर बाहर निकलती है इस तरह कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन होता है ठीक है ना ओके okay? <coughs> बेटा स्पिंगटर और वेल्व एक ही चीज होती है आप स्पिंग बोलिए या वेल्व बोलिए एक ही बात है स्पिंगटर बोल लो एनसीआरटी में स्पिंगर लिखा हुआ है स्पिंगटर याद रख लो ओके एक वर्ड याद रख लो ओके ओके बहुत है ठीक है क्लियर है ठीक है आ गया समझ में क्लियर है बेटा और बेटा इंस्पायरेशन और एक्सपाइरेशन कॉकरोच में भी होता है गैस को अंदर लेना इंस्पायरेशन होता है और गैस को बाहर निकालना एक्सपायरेशन होता है और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये मसल्स काम आती हैं जिनको टर्गो एक्सटर्नल मसल्स कहा जाता है टर्गो एक्सटर्नल मसल्स ठीक है ना चलो अगर अगर क्लियर है तो बेटा थम्सअप करो अगर क्लियर है बेटा ये तो अप करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्लियर है तो बेटा अप करो ओके okay? ऑल क्लियर सब सही चल रहा है बेटा कोई बात नहीं चलो अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलते हैं नेक्स्ट पे सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है चलो बेटा ये डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूं देखो सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया ठीक है बेटा देखो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं ठीक है ना एक मिनट मैं सर से पूछ लेता हूं सर ये साफ दिख रहा है स्क्रीन पे देखिए एकदम क्लीन है ठीक है चलिए तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं ठीक है ना मैंने कहा साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बना के लेकर आया था मैं ठीक है ना ओके चलिए तो बेटा कॉकरोच में सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा दो बातें आपको याद रखनी है ठीक है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो ब्लड वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड ठीक है ना ब्लड वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड ठीक है तो पहली बात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट वेल डेवलप्ड पहली बात याद रखना ठीक है ओके बात समझना ओके okay? और दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि जो ऑर्गन होते हैं बेटा ठीक है ना ऑर्गन्स कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लड ऑर्गन कम्स ऑर्गन कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड ठीक है ना डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ ब्लड ठीक है ये आपको याद रखना है ऑर्गन जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं बेटा ब्लड के ठीक है ना ओके okay. बेटा देखो मेरी बात सुनो यहां पर वेल्व भी लिख सकते हो स्पिंगटर भी लिख सकते हो पर एनसीआरटी ने स्पिंगटर लिख रखा है आप स्पिंगटर वर्ड यूज कर लो ठीक है पर कुछ किताबों में वेल्व लिखा रहता है परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ठीक है ओके चलिए तो बेटा चलिए अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर बेटा थर्टीन चेंबर हार्ट होता है ठीक है ना तो बेटा देखिए आप इधर से देखिएगा ठीक है मैं यहां पर हार्ट के चेंबर मार्क कर रहा हूं देखिए ये एक चेंबर है ठीक है ये दूसरा चेंबर है ठीक है ना मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो मैं बनाकर लाया हूं उसी को ये तीसरा चेंबर है ये चौथा चेंबर है है ठीक ये पांचवा चेंबर है ठीक है इस तरह से ओके इस तरह से ये छठा चेंबर है ठीक है जो अपन मार्क कर रहे हैं इसके बाद ये सातवां चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना बेटा इसके बाद ये आठवां चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना उसके बाद ये नाइन्थ चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना इस तरह से ये टेंथ चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना बेटा ये इलेवेंथ चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना ये ट्वेल्थ तो चेंबर है जो अपन मार्क कर रहे हैं ठीक है ना और ये लास्ट में है थर्टीन चेंबर हार्ट ठीक है ना ये है थर्टीन चेंबर हार्ट तो आपको याद रखना है कॉकरोच के अंदर कितने चेंबर का हार्ट होता है थर्टीन चेंबर हार्ट होता है ठीक है ना तो इसको अपन कहीं साइड में लिखते हैं ठीक है तो कॉकरोच में होता है थर्टीन चेंबर्ड हार्ट थर्टीन चेंबर्ड हार्ट ठीक है बेटा कॉकरोच में होता है थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट ठीक है अब बेटा हर हार्ट के चैम्बर में हर हार्ट के चेम्बर में ऑस्टिया होता है बेटा ये जो आप होल्स देख रहे हैं ये जो आप होल्स देख रहे हैं इन्हें बेटा कहते हैं ऑस्टिया ठीक है ना ऑस्टिया तो कितने पेयर्स ऑफ ऑस्टिया होते हैं थर्टीन थर्टीन पेयर्स ऑफ ऑस्टिया होते हैं 13 pairs of ostia होते हैं ठीक है ना हार्ट चेंबर टू ऑस्टिया इन ईच हार्ट चेंबर ठीक है ना पहली बात तो ये हो गई ठीक है अब अगली बात हार्ट बेटा कहां प्रेजेंट होता है हार्ट जो होता है बेटा थोरेक्स और एबडोमिन एरिया में प्रेजेंट होता है ठीक है ना और डोर्सल हार्ट होता है कॉकरोच का ठीक है ना और टिब्यूलर हार्ट होता है ठीक है ना ट्यूब जैसा होता है बेटा ठीक है ना तो अगला पॉइंट ये है ठीक है हार्ट इज हार्ट इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ठीक है इन डोरसल साइड ठीक है ओके इट इज अ टिब्यूलर हार्ट ठीक है इट इज अ टिब्यूलर हार्ट इट इज अ टिब्यूलर हार्ट ओके फाउंड इन फाउंड इन थोरेक्स एंड एबडोमिनल एरिया थोरेक्स एंड एबडोमिनल एरिया एबडोमिनल एरिया फाउंड इन थोरेक्स एंड एबडोमिनल एरिया ठीक है तो यह हार्ट की बात हो गई ठीक है अब बेटा देखो ये पूरी ये पूरी कैविटी जो है बेटा ये पूरी कैविटी हीमोसील कहलाती है ये पूरी कैविटी हीमोसील कहलाती है दिस एंटायर कैविटी इज हीमोसील ठीक है ना तो बेटा ध्यान से देखना जो हीमोसील होती है ठीक है वो छोटी छोटी कैविटीज में डिवाइडेड होती है ठीक है ना ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें डायफ्राम कहते हैं ठीक है ना इन्हें डायफ्राम कहते हैं देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें डायफ्राम कहा जाता है ठीक है ना ये जो लाल लाल स्ट्रक्चर अपन ने बनाए हैं इनको डायफ्राम कहा जाता है ठीक है ना दिस स्ट्रक्चर इज डायफ्राम ठीक है इन्हें डायफ्राम कहा जाता है डायफ्राम ठीक है डायफ्राम कहा जाता है ठीक है तो डायफ्राम क्या करता है बेटा जो हीमोसील है बड़ी कैविटी है उसको तीन छोटी कैविटीज में डिवाइड कर देता है ठीक है ना जो हीमोसील है बड़ी सी कैविटी है डायफ्राम उसको तीन कैविटीज में डिवाइड कर देता है नीचे नीचे जो कैविटी है ये कैविटी नंबर वन ये बीच में कैविटी नंबर टू और ऊपर जो कैविटी है ये कैविटी नंबर थ्री ठीक है ना नीचे वाली कैविटी को बेटा अपन कहते हैं क्या पेरी न्यूरल साइनस ठीक है पेरी न्यूरल साइनस पेरी न्यूरल साइनस ठीक है बीच वाली कैविटी को अपन कहते हैं पेरीविसरल साइनस ठीक है पेरीविसरल साइनस ठीक है ओके और ऊपर वाली कैविटी को अपन कहते हैं पेरी कार्डियल साइनस ठीक है पेरी कार्डियल साइनस पेरी कार्डियल साइनस ठीक है तो मैं ये कह रहा था ठीक है कि डायफ्राम जो होता है ठीक है डायफ्राम डायफ्राम जो होता है है ठीक ये रहा डायफ्राम ये भी डायफ्राम है ठीक है ना लाल कलर का डायफ्राम है ठीक है लाल कलर का जो है डायफ्राम है ठीक है ना तो डायफ्राम डिवाइड्स द हीमोसील ठीक है डायफ्राम डिवाइड्स द हिमोसील डिवाइड द हीमोसील हीम इंटू थ्री स्मॉल थ्री स्मॉलिस ठीक है साइनोसिस स्मॉल कैविटीज को कहते हैं ठीक है ना पेरी न्यूरल साइनस नीचे वाली कैमिटी पेरी विसरल साइनस पेरी कार्डियल साइनस ओके तो देखो मैं बताता हूं आपको कि हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है ना हम ये बात कर रहे हैं बेटा देखो ठीक है देखना तुम ठीक है कॉकरोच बना लो ऐसे ऐसे कॉकरोच बना लो यूं ठीक है ना अब ये जो कैविटी है सारी ये हीमोसील है पूरी जो कैविटी है ये हीमोसील है ठीक है ना तो हमने हीमोसील कैविटी को इस तरह डायफ्राम की मदद से तीन छोटी कैविटीज में बांट दिया ठीक है ना अब हीमोसील कैविटी तीन छोटी कैविटीज में पड़ गई एक नीचे वाली एक बीच वाली एक ऊपर वाली ठीक है ना और ये जो लाल कलर के हैं बेटा ये लाल कलर का जो स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है ठीक है ना ये डायफ्राम है बात समझ आई ठीक है ऊपर वाली कैविटी को कहते हैं क्या पेरिकार्डियल साइनस ठीक है ना ऊपर वाली कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस क्यों भैया क्योंकि ऊपर वाली कैविटी में हार्ट होता है ना ऐसे देखो हार्ट बनाना है अपन को थर्टीन चेंबर का हार्ट होता है ऐसे तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरा ठीक है ना तो थर्टीन हार्ट होता है जहां हार्ट प्रेजेंट होता है जिस कैविटी में उसको पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं ठीक है ना बीच में होते हैं बेटा विसरल ऑर्गन्स ठीक है ना यहां बीच में होते हैं विसरल ऑर्गन्स तो सेकेंड नंबर वाली कैविटी को कहा जाता है पेरीविसरल साइनस ठीक है ना पेरीविसरल साइनस ठीक है पेरीविसरल साइनस पेरीविसरल साइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होते हैं विसरल ऑर्गन्स ठीक है ना होते हैं विसरल ऑर्गन ठीक है बात समझ आई ठीक है और नीचे होती है बेटा नर्व कॉर्ड ठीक है ना नीचे होती है नर्व कॉर्ड ठीक है नर्व कॉर्ड इसलिए नीचे वाली साइनस को कहा जाता है पेरी न्यूरल साइनस ठीक है sinus, बात समझ आई तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा ये कॉक्रोच का डायग्राम है बड़ी सी कैविटी को क्या कहते हो हिमोसील ठीक है ना हिमोसील तीन छोटी साइनस में डिवाइडेड है पेरी न्यूरल साइनस पेरी विसरल साइनस पेरिकार्डियल साइनस पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट है पेरी विसरल साइनस में विसरल ऑर्गन्स हैं पेरी न्यूरल साइनस में नर्व कॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड होती है ठीक है ना ये नर्व कॉर्ड होती है ठीक है ठीके? ये नर्व कॉर्ड होती है बात समझ आई अच्छा अब देखो लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट इसका ठीक है <coughs> देखो सबसे पहले 13 चेंबर का हार्ट है ठीक है ना बेटा थर्टीन चेंबर का हार्ट है ठीक है हार्ट में ब्लड एंटर कैसे करेगा बेटा हार्ट में ब्लड एंटर करेगा ऑस्टिया से ठीक है ना तो ब्लड एंटर करेगा हार्ट में ऑस्टिया से ठीक है ना उसके बाद बेटा ब्लड आगे फ्लो करता है ठीक है ना ब्लड एंटीरियर साइड में फ्लो करता है याद रखना पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में फ्लो करता है ठीक है ना तो अपन यहां लिखते हैं कहीं पर ठीक है ना ऊपर लिखते हैं यहां पर इसको रेप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है इसको रेप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है ताकि लिख सके ठीक <coughs> है तो इसको अपन मिटा लेते हैं ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है बढ़िया है ना इसको मिटा लेते हैं ठीक है ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है रेप्लीकेट किया है ठीक है तो जो ब्लड है ठीक है तो जो ब्लड है ब्लड मूव्स फ्रॉम ब्लड मूव्स फ्रॉम ब्लड कहां से कहां मूव करता है ब्लड मूव्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट ठीक है ब्लड मूव फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट हार्ट में ब्लड ऐसे मूव करता है ठीक है ना ब्लड मूव फ्रॉम पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट टू बेटा एंटीरियर पार्ट ठीक है ओके उसके बाद बेटा ब्लड जो है ऐसे आगे मूव करके ये होता है एंटीरियर एयोटा ठीक है ना बेटा ये होता है एंटीरियर एयोटा ठीक है एंटीरियर आयोटा तो ब्लड एंटीरियर आयोटा से बाहर आ जाता है ठीक है ना ब्लड एंटीरियर आयोटा से बाहर आ जाता है ठीक है फिर इसके बाद ब्लड जाता है पेरी न्यूरल साइनस में यह पेरी न्यूरल साइनस में ब्लड आ गया फिर इसके बाद जाता है ब्लड पेरीविसरल साइनस में ठीक है ना पेरीविसरल साइनस में बेटा विसरल ऑर्गन्स होते हैं याद रखना और ब्लड क्या करता है बेटा ब्लड जो है विसरल ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेर लेता है ब्लड जो होता है विसरल ऑर्गन को चारों तरफ से कवर कर लेता है ऐसा लगता है बेटा विसरल ऑर्गन जो है वो ब्लड में नहा रहे हो याद रखिए ठीक है 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 ना उसके बाद बेटा ब्लड जो साइनस साइनस से पेरिकार्डियल में जाता ऊपर वाली कैविटी को पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं फिर ब्लड जो है ऑस्टिया से एंटर कर जाता है याद रखिए ठीक है ना और फिर वापस हार्ट में आगे जाता है इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है ठीक है ना चलो अपन कवर करते हैं कि अपन ने क्या क्या सीखा सबसे पहली बात ठीक है ओके <coughs> विसरल का मतलब होता है बेटा इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है ऑर्गन्स आर प्रेजेंट द बॉडी उनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं ठीक है ना बेटा चलो अब अपन देखते हैं कि अपन ने क्या क्या सीखा ठीक है अब अपन क्या करते हैं सब चीजें मिटा लेते हैं ठीक है ना सब चीजें मिटा लेते हैं ओके और केवल जो ओरिजिनल डायग्राम है वही बना रहेगा ठीक है पिछले पेज पे सारा बना हुआ है चिंता मत करो ठीक है चलो ये देखो सारा मैंने मिटा दिया ठीक है चलो एक एक करके अपन आगे बढ़ेंगे सबसे पहले बेटा कितने चेंबर का हार्ट होता है बेटा कितने चेंबर का हार्ट होता है थर्टीन चेंबर हार्ट होता है बेटा ठीक है ना ओके थर्टीन चेंबर हार्ट होता है ठीक है ब्लड हार्ट में कैसे एंटर करेगा ब्लड हार्ट में एंटर करेगा ऑस्टिया से ठीक है ना थर्टीन पेयर्स ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं थर्टीन पेयर्स ऑफ ऑस्टिया ठीक है ना तो ब्लड बेटा ऑस्टिया से एंटर करता है ठीक है ना ओके ब्लड जो है

एलरी मसल होती है ट्वेल्व पेयर्स ठीक है ये किस काम आती है ये काम आती है हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन ठीक है ना दे हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन ठीक है तो बेटा ब्लड जो है पॉस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड मूव करता है ठीक है एलरी मसल्स जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है फिर ब्लड जो है एंटीरियर एयोटा से ठीक है ना ये एंटीरियर एयोटा इससे बाहर आ जाता है ठीक है ना इसके बाद ब्लड यहां आता है ठीक है ना इसे कहते हैं पेरी साइनस ठीक है पेरी साइनस इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि यहां पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ये नर्व कॉर्ड होती है ठीक है ना बेटा ये नर्व कॉर्ड होती है इसके बाद बेटा ब्लड जो है पेरीविसरल साइनस में आ जाता है ये पेरीविसरल साइनस है ठीक है ना ये पेरीविसरल साइनस है ठीक है साइनस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये विसरल है है तो है होता है घेर लेता है ये जाते हैं ब्लड में यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खासियत है कि विसरल ऑर्गन गेट बाथेड इन द ब्लड याद रखिए ठीक है ना तो यहां पर अपन लिखते हैं कि विसरल ऑर्गन्स विसरल ऑर्गन्स विसरल ऑर्गन्स गेट बाथेड इन द ब्लड ठीक है ना गेट बाथेड इन द ब्लड बाथेड का मतलब नहा रहे हैं गेट बाथेड इन द ब्लड याद रखिए ठीक है ना ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खासियत है याद रखिए इसके बाद ब्लड जो है पेरिकार्डियल साइनस में आएगा ऑस्टिया से अंदर घुसेगा और हार्ट में चला जाएगा ठीक है ना हर हार्ट चेंबर में अंदर घुसने के लिए ऑस्टिया से जाना पड़ता है ठीक है ना तो इस तरह ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा ठीक है ना और एलरी मसल्स जो होती हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है ठीक है ना ब्लड को पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड तक ले जाने में एलरी मसल्स काम आती है ये ट्वेल्व पेयर्स होती है ठीक है ना ओके दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओके चलिए 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 ओके चलो बेटा अब अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं फटाफट फटाफट आंसर देना ठीक है ना ओके फटाफट फटाफट आंसर देना पहला क्वेश्चन कितने चेंबर का हार्ट होता है चलो कितने चेंबर का हार्ट होता है यही याद करके जाएंगे हाउ मेनी चेंबर हार्ट प्लीज टेल मी कितने चेंबर का हार्ट होता है चलो बताओ कॉकरोच के अंदर इफ्तार ब्रेक दे दे ओके थर्टीन चेंबर हार्ट होता है चलो इसको रिवाइज करेंगे फिर हमारे कुछ साथियों के लिए इफ्तार ब्रेक देंगे ठीक है ना टेन मिनट्स का ओके ठीक है सात बजे दे देंगे ठीक है सात बजे इफ्तार ब्रेक दे देंगे ठीक है मेरे बच्चों के लिए ओके थर्टीन चेंबर का हार्ट होता है ओके बेटा ठीक है चलो इसके बाद बेटा कितनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती हैं कितनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती हैं बताओ कितनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती हैं एलरी मसल्स कितनी पेयर होती हैं उ मेनी एलरी मसल्स हाउ मेनी एलरी मसल्स आर प्रेजेंट ट्वेल्व थर्टीन पेयर्स थर्टीन पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स मसल थर्टीन पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स ओके या ट्वेल्व पेयर्स सॉरी मैंने गलत बोल दिया ट्वेल्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स बिल्कुल गलत निकल गया हमें आपके कॉमेंट्स पढ़ रहा था सॉरी सॉरी आई एम सॉरी ठीक है थर्टीन चेंबर हार्ट ट्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स ओके थर्टीन चेंबर हार्ट ट्वेल्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स पेयर्स ऑफ ऑस्टिया ठीक है चलो इसको लिख लेते हैं लिख लेते हैं चेंबर हार्ट ठीक है बोलने में कभी कभी गलत हो जाता है ठीक है थर्टीन चेंबर हार्ट ठीक है ट्वेल्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स ट्वेल्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स कंफ्यूज हो गया मैं भी तुम्हारे कमेंट पढ़ पढ़ के ओके और थर्टीन पेयर ऑफ ऑस्टिया ठीक है थर्टीन पेयर ऑफ ऑस्टिया ये रट लो यार ये रट लो ओके okay. ये रट लो थर्टीन पेयर ऑफ ऑस्टिया ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल्स थर्टीन चेंबर हार्ट ओके थर्टीन चेंबर हार्ट ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल्स थर्टीन पेयर ऑफ ऑस्टिया ठीक है ओके 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 ठीक है चलो अब इधर देखो सब लोग इधर देखो चलो इधर देखो कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ओपन की क्लोज्ड कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ओपन की क्लोज ओपन की क्लोज कॉकरोच में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन की क्लोज ओपन ओपन यस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ओके okay? कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस अच्छा बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तीन खासियत होती है पहला पहली खासियत ब्लड वेसल्स आर नॉट डेवलप्ड ठीक है ना दूसरी खासियत विसरल खासियतर गेट बाथेड इन द पूल ऑफ ब्लड विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं ब्लड में याद रखिए ठीक है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खासियत होती है ठीक है ना ओके okay. अच्छा बेटा ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है पोस्टीरियर से एंटीरियर पोस्टीरियर से एंटीरियर ठीक है ब्लड के सर्कुलेशन में कौन सी मसल्स काम आती है एलरी मसल्स एलरी मसल्स ठीक है एलरी मसल्स और जो हीमोसील होती है ये सारी हीमोसील होती है याद रखना सारी हीमोसील होती है तीन साइनस में डिवाइडेड होती है पेरी विसरल साइनस पेरी न्यूरल साइनस पेरी कार्डियल साइनस ठीक है डायफ्राम की मदद से ठीक है ना डायफ्राम बीच में आ जाता है उसकी मदद से हीमोसील जो होती है तीन साइनस में डिवाइडेड होती है पेरी साइनस पेरी साइनस पेरी साइनस ओके वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया ठीक है ना अब बेटा देखो आखिरी चीज आखिरी चीज बेटा ये एनसीआरटी का डायग्राम है देख लो इसको ये एनसीआरटी का डायग्राम है ये जो यहां पर मैंने मार्क कर रखा है ठीक है इसको अपन लेबल कर लेते हैं देखो ये एलरी मसल्स हैं, ठीक से मार्क करते रुको ये एलरी मसल्स हैं एलरी मसल्स एलरी मसल्स आई होप आपको दिख रहा है ठीक है इधर मार्क कर दू देखो ये एलरी मसल्स हैं एलरी मसल्स ओके ट्वेल्व पेयर्स होती हैं ठीक है ये का डायग्राम है ओके ये जो है ना हार्ट चेंबर है ये हार्ट चेंबर है बेटा ये हार्ट चेंबर है ओके बात समझ आई क्लियर ओके तो ये चीजें याद रखना ओके एलरी मसल्स याद रखना और ये जो आगे ऊपर ऊपर है ना ये ऊपर ऊपर ये है एंटीरियर आयोटा ठीक है ये है एंटीरियर आयोटा ठीक है हार्ट देखो बीच में से जा रहा है ओके हार्ट बीच में से जा रहा है मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एप्डोमिन मिड डोरसल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एपडोमिन ओके चलिए अब बेटा कॉकरोच का जो ब्लड होता है ठीक है उसको कहते हैं हीमोलिम्फ कॉकरोच के ब्लड को कहते हैं बेटा हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ ठीक है ब्लड में बेटा प्लाज्मा होता है कॉकरोच के ब्लड में प्लाज्मा होता है ठीक है ना हीमोलिम्फ जो होता है बेटा कलरलेस होता है कलरलेस ब्लड ठीक है और बेटा इसमें जो सेल्स होते हैं ना उन्हें हीमोसाइट्स कहा जाता है उन्हें हीमोसाइट्स कहा जाता है ठीक है तो ये सेल्स होते हैं ओके तो कॉकरोच के ब्लड में जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है इसमें प्लाज्मा और हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना ओके okay? हाँ इफ्तार ब्रेक दूंगा यार मैं अरे यार देखो हम सबको सद्भावना से रहना चाहिए है ना सारे रिलीजन्स का मान सम्मान करना चाहिए है कि नहीं तो यार क्या फर्क पड़ता है दस मिनट का ब्रेक दे दिया ठीक है इफ्तार कर लेने दो ओके क्या फर्क पड़ता है यार है ना है ना आप सब लोग आप सब लोग जो है साथ देंगे ना हमारा है ना इसमें क्या फर्क पड़ता है? है ना ओके क्या फर्क पड़ता है दस मिनट के ब्रेक से है ना देखो सब लोग कह रहे हैं इफ्तार ब्रेक इफ्तार ब्रेक ओके आप सब लोगों को कहना चाहिए यस वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओके है ना चलो चलो सब लोग सब लोग इसमें साथ देंगे ना है ना ओके <laughs> क्या फर्क पड़ता है दस मिनट हाँ सब लोग देंगे ना के okay. चलो पहले ब्लड कर लेते हैं पहले ब्लड वाला कर लेते हैं फिर ब्रेक देंगे ठीक है ना ओके okay. तो बेटा जो ब्लड होता है उसे हीमोलिम्स कहते हैं ये कलरलेस होता है और बेटा बेसिकली इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हिमोसाइट्स कहते हैं उन्हें हिमोसाइट्स कहते हैं बेटा ठीक है ना और हीमोसाइट्स जो होते हैं बेटा ये फैगोसाइटोसिस में काम आते हैं ठीक है ना ये फैगोसाइटोसिस करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया ठीक है ना फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करते हैं ये ठीक है ना और हीमोसाइट्स जो होते हैं ना बेटा ये क्लॉटिंग में भी काम आते हैं क्लॉटिंग का प्रोसेस भी करवाते हैं ये ठीक है ना तो याद रखना ब्लड ऑफ कॉकरोच हैज टू पार्ट प्लाज्मा प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ठीक है एंड हीमोसाइट्स आर द सेल्स ओके हीमोसाइट्स आर द सेल्स विच हेल्प इन फैगोसाइटोसिस एंड क्लॉटिंग ओके राइट ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे यार इसे पक्का याद कर लेना ठीक है ना दैट ब्लड डू नॉट कैरी ब्लड डू नॉट हेल्प इन ब्लड डू नॉट हेल्प इन ब्लड डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ठीक है ब्लड जो होता है बेटा गैस के ट्रांसपोर्ट में काम नहीं आता ठीक है ना ब्लड डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ओके ओके okay, याद रखना क्योंकि जो ट्रैकियल सिस्टम अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बहुत अच्छा होता है बेटा ठीक है ना ट्रेकिअल सिस्टम से ऑक्सीजन सारे टिश्यू सेल्स तक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल सिस्टम द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी टिश्यू सेल ओके तो ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने की कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ठीक है ना तो ब्लड डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ठीक है ना क्यों क्योंकि देर इज एफिशियंट ट्रैकिअल सिस्टम एफिशियंट ट्रेकिअल सिस्टम ओके ठीक है नेक्स्ट पार्ट ब्लड किस काम आता है ब्लड ब्लड जो होता है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ठीक है क्लियर तो ये है कॉकरोच का सर्क्यूलेटरी सिस्टम ओके ओके चलो बताओ बेटा चलो सब लोग ये बताओ चलो एक बार रिवाइज करेंगे एक बार रिवाइज करेंगे चलो सब लोग एक बार रिवाइज करेंगे एक बार रिवाइज करेंगे चलो कितने चैम्बर का हार्ट था मी कितने चैम्बर का हार्ट था कितने चैम्बर का हार्ट था थर्टीन चैम्बर हार्ट ओके कितने चैम्बर का हार्ट था थर्टीन चैम्बर हार्ट ओके इज दैट क्लियर देन ट्वेल्व पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स थर्टीन पेयर्स ऑफ ऑस्टिया ओके ये सब चीजें याद रखो ब्लड फ्लोस फ्रॉम ऑस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं कलरलेस ठीक है ना ब्लड के सेल्स को हीमोसाइट्स कहा जाता है ब्लड कभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता ना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड जो होता है बेटा याद रखना वो फूड के ट्रांसपोर्ट में काम करता है दे इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ओके तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओके क्लियर अच्छा बताओ अभी तक कैसा चल रहा है चीजें समझ आ रही हैं प्लीज मुझे बताइए अभी तक कैसा चल रहा है चीजें समझ आ रही हैं प्लीज मुझे बताइए इज दिस सिस्टम क्लियर ओके हाउ इट इज गोइंग ऑन प्लीज टेल मी समझ में आ रही है तो अप कर लो प्लीज प्लीज समझ में आ रही है तो थम्स अप कर लो ओके ओके, इफ यू आर इफ यू आर लर्निंग प्लीज थम्स अप ओके ठीक है अब जो बेटा अपना अगला सिस्टम है ठीक है ना अपना जो अगला सिस्टम है अगर नहीं समझ आ रही तो थम्स डाउन कर सकते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है मैं तो ट्राई कर रहा हूं अपनी ओके ऑल वी कैन डू इज ट्राई ओके हम यहां पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने थोड़ी आए हैं सीखने आए हैं ओके ठीक है चलिए बहुत अच्छे <coughs> चलिए बहुत बढ़िया अब बेटा अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे बट वी विल स्टार्ट आफ्टर टेन मिनट्स ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम अब स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे उसके बाद दस मिनट के बाद ओके okay? वी विल स्टार्ट इन टेन मिनट्स टेन मिनट्स में करेंगे और प्लीज है ना बुरा मत मानना कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे है ना टेन मिनट्स में करेंगे ओके लेट्स रेस्पेक्ट एवरी ओके चलो फ्रेंड्स तो हो गया ब्रेक देखो जय हो जय हो बच्चों अब छोड़ो कास्ट वास्ट को अपने कास्ट वास्ट से कोई लेना देना नहीं है अपने तो पढ़ाई से लेना देना है ना कोरोना कोरोना जब आया था तो ये थोड़ी पूछ के आया था किसकी कास्ट क्या है है ना ओके अपन को पढ़ाई से लेना देना है है ना चलो 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 शुरू करते हैं ठीक है अब बेटा अपन चलते हैं अब बेटा अपन चलते हैं कहाँ पर इसके नर्वस सिस्टम पे ठीक है ना अब बेटा अपन इसके नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ठीक है इसके नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो आज कॉकरोच अपना बढ़िया से हो जाएगा कॉकरोच के क्वेश्चन लगा लेना एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके बन जाएंगे बढ़िया से ठीक है चलो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना ओके बच्चों मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना चलो 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 आ गए तुम अरे हाँ भाई सब टीचर्स महान हैं तरुण सर भी महान हैं एमडी सर भी अच्छे हैं ठीक है ना हम भी बुरे नहीं हैं राइट क्यों परेशान हो रहे हो है ना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आओ चलो चालू करें ओके सब लोग तैयार हैं करें तैयार चालू करें बच्चों ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों ठीक है एवरी वन प्लीज कम बैक हियर वी आर स्टार्टिंग विथ पहले नर्वस सिस्टम करते हैं फिर एक्सक्रीटरी कर लेते हैं ठीक है ना पहले नर्वस करते हैं फिर एक्सक्रीटरी कर लेते हैं बात तो सेम ही रहेगी ठीक है क्या फर्क पड़ता है है ना चलो पहले नर्वस सिस्टम करते हैं फिर एक्सक्रीटरी पे कर जाएंगे डजेंट मैटर करना तो सारा ही है, है ना ओके चलिए तो बच्चों बेटा नर्वस सिस्टम बेटा जो कॉकरोच का होता है उसमें बेटा अपन को ना एलिमेंट्री कैनाल पकड़ के चलनी पड़ती है ठीक है ना तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल बना लो पहले आप ठीक है एलिमेंट्री कैनाल बना लो कॉकरोच की ठीक है कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल बना लो ठीक है पहले तो तुम्हें ये करना है ठीक है और बेटा आगे माउथ है आप तो जानते हो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग को माउथ कहते हैं और पीछे एनस है ठीक है ना पहले एक एलिमेंट्री कैनाल बना लो ठीक है अब बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अब बेटा एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ ठीक है एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ गैंगलियन बनाने अपन को ठीक है ना गैंगलियन कैनाल के दोनों तरफ गैंगलियन बना लो ऐसे ठीक है ना एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ गैंगलियन बना लो इस तरह से ठीक है ना बेटा गैंगलियोन बना लो बेटा ऊपर वाले गैंगलियोन को कहते हैं ईसोफेजियल गैंगलियन ठीक है ganglion, ना इसे कहते हैं बेटा सुप्रा ईसोफेजियल गैंगलियन ईसोफेजियल गैंगलियन ठीक है ना ईसोफेजियल गैंगलियन ठीक है और नीचे वाले गैंगलियन को कहते हैं बेटा सब गैंगलियन नीचे वाले गैंगलियन को कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंगलियन ठीक है सब ईसोफेजियल गैंगलियन ठीक है बेसिकली बेटा अब आप ये सोच रहे हो गे क्या होता है तो बेटा गैंग्लियोन क्या होता है गैंगलियोन इज कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स ठीक है ना गैंग्लियोन क्या होता है गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज और साइटॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, साइटॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज और साइटॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन के बहुत सारे साइटॉन्स का कलेक्शन गैंगलियन कहलाता है बेटा आपको तो पता है न्यूरॉन में कई पार्ट्स होते हैं जैसे साइटॉन होता है डेंड्राइट uh, होता है एक्सॉन होता है तो बेटा बहुत सारे साइटॉन्स साथ मिलकर गैंगलियोन का फॉर्मेशन करते हैं साइटॉन को सेल बॉडी भी कहा जाता है याद रखिए ठीक है ना तो बेसिकली बेटा एलिमेंट्री कैनाल बनानी है बीच में इसके ऊपर सुप्रा इसके नीचे एलिमेंट्री कैनाल के नीचे सब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन एलिमेंट्री कैनाल के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन ठीक है ना एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन नीचे सब इसो इसोफेजियल गैंग्लियन और दोनों गैंग्लियन को जोड़ दो ठीक है दोनों गैंग्लियन को जोड़ दो इस तरह से ठीक है ना ये कनेक्टिव होता है बेटा कनेक्टिव ठीक है ना दिस इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव ठीक है ना तो कनेक्टिव की हेल्प से दोनों गैंगलियोन को जोड़ दो ठीक है ना तो बेटा ये देखो रिंग बन गई है ये एक रिंग बन गई है बेटा इसे नर्व रिंग कहते हैं ठीक है ना तो इस कंप्लीट रिंग को अपन क्या कहते हैं इस कंप्लीट रिंग को अपन नर्व रिंग कहते हैं नर्व रिंग कहते हैं ठीक है ना बेटा तो कॉकरोच में बेटा कॉकरोच के अंदर एक नर्व रिंग होती है ठीक है ना ऊपर वाले गैंगलियोन को सुप्राइसोफेजियल नीचे वाले को सब गेंगलियोन कहते हैं याद रखिए ठीक है ना और दोनों गैंगलियन को जोड़ता है कनेक्टिव ठीक है ना कनेक्टिव क्या करता है कनेक्टिव ज्वाइंस बोथ गेंगलियॉन ठीक है ना ज्वाइंस बोथ गैंगलियोन ज्वाइंस बोथ गेंगलियॉन ठीक है ना बात समझ आई ठीक है ओके सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को बेटा ब्रेन कहते हैं ठीक है ना सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को ब्रेन ऑफ कॉकरोच कहते हैं ये क्वेश्चन आता है ब्रेन ऑफ कॉकरोच किसे कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को ठीक है <ganglion> ना तो बेटा कॉकरोच में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन एलिमेंट्री कैनाल के नीचे सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ठीक है ना बात समझ आई और दोनों गैंग्लियंस को जोड़ रहा है कनेक्टिव ठीक है ना ओके अच्छा अब क्या होता है बेटा अब बेटा ये होता है देखिए ठीक है जो सब इसोफेजियल गेंगलियोन होता है इसके साथ अटैच होती है इसके साथ अटैच होती है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है ना इसके साथ अटैच होती है ये, इसे कहते हैं डबल इसे कहते हैं डबल क्योंकि डबल है ठीक है ना डबल मिड मिड मतलब बॉडी के बीच में से चल रही है आप ये देखिए बॉडी के बीच में से चल रही है ये सामने से देखोगे तो ऐसे नजर आएगी साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगी डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड बॉडी के बीच में से चल रही है वेंट्रल साइड पर है डबल है डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है और डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे भी गेंगलियॉन्स होते हैं ठीक है ना डबल मिडमेंट्रल नर्व कॉर्ड पे भी गेंगलियो होते हैं ठीक है पहले ये थोरैक्स में गेंगलियो हैं तो इसको अपन कहते हैं थ्री गेंगलियो यह गेंग्लियो ठीक है ओके और बाद में एबडोमिन में गेंग्लियोन्स होते हैं कितने गैंग्लियस होते हैं एबडोम में सिक्स सिक्स एब्डोमिनल गेंगलियोन्स ठीक है ना सिक्स एब्डोमिनल गैंगलियोन्स ठीक है सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियंस सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियंस ठीक है तो बेटा ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हो गया ओके तो चलो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या-क्या प्रेजेंट है चलो बच्चों ओके चलो बच्चों इधर देखो बेटा उल्टे सीधे कमेंट करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो छोड़ो चलो बेटा ध्यान दो इधर अब हां चलो बच्चों चलो बच्चों इधर ध्यान दो सब लोग और इधर ध्यान दो चलो चलो बच्चों ये सब बंद कर दो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी बातें करनी है अलग से करो ये ये प्लेटफॉर्म बातें करने के लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए है ठीक है ना बेटा ओके चलो चलो इधर देखो सबसे पहले जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है चलो बेटा चलो अब मेरे मेरे सवाल का जवाब कौन देगा चलो मेरी आवाज सबको साफ आ रही है पहले ये बताओ चलो चलो मेरे सवाल का मेरे सवाल का जो है मेरे सवाल का जवाब कौन देगा चलो मुझे बताओ बेटा ब्रेन क्या होता है ब्रेन क्या होता है बेटा कॉकरोच का कौन सा गैंगलियन ब्रेन होता है चलो बताओ विच गेंगलियॉन एक्टस ब्रेन चलो हम यहां पर पढ़ाई करने आए हैं चलो पढ़ने वाले बच्चे जवाब देंगे ठीक है ना विच विच गेंगलियॉन एक्टस ब्रेन चलो बताओ विच गैंग एक्टे ब्रेन चलो कौन सा ब्रेन है कॉकरोच का चलो बताओ चलो ब्रेन बताओ कॉकरोच का कौन सा है चलो लिखिए सुप्रा सुप्राइसोफेजियल गेंगलियोन यस yes, यस yes. क्या बात है बहुत ही बढ़िया वेल well डन सुप्रा सुप्राइसोजियल गेंग्लियोन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए शानदार शानदार चलिए सुप्रा सुप्राइसोफेजियल गेंग्लियोन नीचे वाला गेंग्लियोन है सब इसोफेजियल गेंगलियोन ठीक है ना सब इसोफेजियल गेंग्लियन के साथ जुड़ी है डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे भी गेंग्लिय होते हैं थोरेसिक गेंगलियो कितने हैं तीन और एब्डोमिनल गेंगलियो कितने हैं ठीक है ना बात समझ आई थ्री गेंगलियो ठीक है ना तो बेटा ये है नर्वस सिस्टम कॉकरोच का ओके ओके ये है नर्वस सिस्टम कॉकरोच का इस पूरे स्ट्रक्चर को नर्व रिंग कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को नर्व रिंग कहते हैं बीच में जो आप देख रहे हो बीच में है एलिमेंट्री कैनाल ठीक है ना बीच में है आपकी एलिमेंट्री कैनाल ओके चलिए अब बेटा क्या होता है ये तो अपन ने नर्वस सिस्टम बना लिया अब बेटा नर्व्स आपको पता होनी चाहिए जो सुप्राइसोफेजियल गैंगलियॉन है सुप्राइसोफेजियल गेंग्लियॉन से थ्री पेयर्स ऑफ नर्व निकलती है ठीक है ना फ्रॉम दिस गेंग्लियॉन ठीक है फ्रॉम दिस गेंग्लियॉन ठीक है फ्रॉम दिस गेंग्लियॉन फ्रॉम दिस गेंग्लियोन अराइज थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स ठीक है अराइज थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स थ्री पेयर्स ऑफ नर्वस ठीक है फ्रॉम दिस गेंग्लियन अराइज थ्री पेयर्स ऑफ नर्व सुप्राइसोफेजियल गेंगलियोन से थ्री पेयर्स ऑफ नर्व निकलती हैं ठीक है ना कहां जाती हैं ठीक है ना ये जाती हैं वन पेयर वन पेयर टू एंटीने ठीक है वन पेयर टू एंटीने ठीक है वन पेयर टू कंपाउंडाइज वन पेयर टू कंपाउंडाइज ठीक है वन पेयर टू कंपाउंड आइज एंड वन पेयर टू लेबरम ठीक है ना वन पेयर टू लेबरम ठीक है वन पेयर टू ठीक है ना तो बेटा थ्री पेयर ऑफ नर्व निकलती है सुप्राइसोफेजियल गैंगलियन से वन पेयर जाती है एंटीने के पास वन पेयर जाती है कंपाउंड आइज के पास और वन पेयर जाती है लेब्रम के पास ठीक है ना लेब्रम को अपर लिप कहते हैं ठीक है ना ओके okay, लेब्रम को अपर लिप कहते हैं ठीक है बात समझ आई तो ये इंपॉर्टेंट है इसे याद कर लेना में दे रखा है कि सुप्राइसोजियल गैंग्लियन से थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं वन 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 पेयर 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 टू 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 एंटीने कंपाउंड लेब्रम लेब्रम इज द अपर लिप ओके चलिए बहुत बढ़िया ठीक है ना अब बेटा सेंस ऑर्गन कौन कौन से है कॉकरोच के ठीक है ना चलो सेंस ऑर्गन देख लेते हैं ठीक है ना लेटस डिस्कस द सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच ठीक है तो इसे अपन मिटा देते हैं ठीक है ये अपने पिछले पेज पे लिखा हुआ है सिर्फ रेप्लीकेट करा है मैंने ठीक है तो इसे मिटा देते हैं अपन ठीक है आओ अपन लिखते हैं सेंस ऑर्गन्स कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स चलो ठीक है तो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं कॉकरोच के तो सेंस ऑर्गन्स हैं सबसे पहले एंटीने एंटीने ठीक है देन यू हैव लेबियल पैल्प्स देन यू हैव लेबियल पैल्प्स लेबियल पैल्प्स ठीक है देन यू हैव मैक्सिलरी पैल्प्स मैक्सिलरी पैल्प्स मैक्सिलरी पैल्प्स याद कर लेना ऐसे ऐसे ही ठीक है देन यू हैव एनल सरकाई एनल सरकाई देन यू हैव कंपाउंड आईज देन यू हैव कंपाउंड आइज ठीक है इन्हें याद कर लेना है ना ठीक है कौन कौन से हैं देखो सबसे पहले एंटीने फिर लेबियल पैल्पस फिर मैग्जिलरी पैल्प ठीक है ना लेबियल पैल्प जो होते हैं बेटा ये लेबियम के साथ एसोसिएटेड होते हैं ठीक है ना लेबियम आपका लोअर लिप है ठीक है ना मैगज़िलरी पैल्प्स जो होते हैं ये मैगजिला के साथ एसोसिएटेड होते हैं ठीक है ना मैगजिला आपका माउथ पार्ट है लेबियम भी आपका माउथ पार्ट है एनल सरकाई अपन ने पढ़ाई है और कंपाउंड आईज अपन ने पढ़ ली है ईच कंपाउंड आई में याद रखिए ईच कंपाउंड आई में 2000 ओमीटिडिया होते हैं ठीक है ना ईच कंपाउंड आई में 2000 ओमीटिडिया होते हैं है, बेटा 2000 ओमिटीडिया होते हैं याद रखना ठीक है ना 2000 ओमिटीडिया होते हैं और कंपाउंड आई से बेटा जो विजन बनती है जो विजन आती है उसे मोजैक विजन कहते हैं बेटा उसे मोजैक विजन कहते हैं याद रख लेना बेटा इसको कंपाउंड आई से जो विजन आती है बेटा उसे मोजैक विजन कहते हैं ठीक है ना मोजैक विजन में सेंसिटिविटी हाई होती है ठीक है ना सेंसिटिविटी इज हाई ठीक है ना मोज़ैक विज़न में सेंसिटिविटी हाई होती है रेज़ोल्यूशन कम होता है याद रखिए रेज़ोल्यूशन कम होता है याद रखिए ठीक है ना मोज़ैक विज़न में सेंसिटिविटी हाई होती है रेज़ोल्यूशन लेस होता है ठीक है तो ये सेंस ऑर्गन्स ज़रूर रट लेना ठीक है ना ये आते हैं बेटा एंटीने लेबियल पेलप्स मैक्सिलरी पेलप्स एनल सरकाई कंपाउंड आइज़ ठीक है ये सेंस ऑर्गन्स ज़रूर कर लेना ओके बेटा ठीक है चलिए अब अपन आगे चलते हैं अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच देखते हैं ठीक है ना लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स लर्न द सिस्टम ऑफ कॉकरोच ठीक है चलो ये तो एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं दो बार आ गया ये कि इसको यहां जाकर डिलीट कर देते हैं ठीक है तो अब अपन चलते हैं लेटस लर्न अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ठीक है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉक्रोच ठीक है यह तो अपन पढ़ भी चुके हैं बेटा देखो ध्यान से देखना मिडगट ये मिडगट बेटा मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ठीक है ना मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं मेल्फीजियन टिब्यूल्स ठीक है ना तो यह मिडगट है हाइंड गट है ठीक है ना मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर पाए जाते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स ऐसे ठीक है ना मेलफीजियन टिब्यूल्स ठीक है तो ये देखिए यह है मैलपीजियन टिब्यूल्स मेलपीजियन टिब्यूल्स कितने होते हैं कोई मेरे को पहले बता रहा था यहां पर मैं लिखता हूं हंड्रेड से लेकर वन फिफ्टी ठीक है ना और ये होते हैं बेसिकली येलो कलर्ड

और बना लो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मेलफीजियन टिब्यूल ठीक है ना मेलफीजियन टिब्यूल क्या करता है बेटा चारों तरफ जो है याद रखिए चारों तरफ है हीमोलिम्फ ठीक है ना चारों तरफ है हीमोलिम्फ याद रखिए हीमोलिम्फ यह है हीमोलिम्फ चारों तरफ है हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ चारों तरफ है हीमोलिम्फ तो मेलफीजियन टिब्यूल हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट को एब्सॉर्ब करता है ठीक है ना पोटेशियम यूरेट को एब्सॉर्ब करता है हीमोलिम से पोटेशियम को करता है ठीक है ना और मेल्फिजियन टिब्यूल क्या करता है पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट में और यूरिक एसिड में ठीक है ना और यूरिक एसिड में ठीक है इसको मैं लिखता हूं कहीं पर ठीक है कि मेलफीजियन टिब्यूल सारे सारे लाइन एनसीआरटी के हैं इंपॉर्टेंट है देखिए मेल्फीजियन टिब्यूल्स मेलपीजियन टिब्यूल्स मेलपीजियन टिब्यूल्स ठीक है कंटेन 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 सीलिएटेड कंटेन सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स कंटेन सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स ठीक है ठीक है दीज टिब्यूल्स दीज टिब्यूल्स These tubules, these tubules absorb. These tubules absorb potassium urate. These tubules absorb potassium urate, potassium urate, and convert it into. Okay. And convert it into, convert it into potassium bicarbonate. Convert it into potassium bicarbonate. पोटेशियम बाइकार्बोनेट ठीक है एंड यूरिक एसिड ठीक है एंड यूरिक एसिड पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड ठीक है ना बात समझ आई तो जो मैलफीजियन टिब्यूल्स होते हैं बेटा अरे बेटा स्मित पटेल हमको पता है ओके मैं भी बोल देता हूं जय श्री राम अब बंद करो वहां लिखना पढ़ाई में ध्यान दे ले है ना ओके चलो बेटा यहां देखो ओके ये सब क्यों लिख रहे हो पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है ना हमें कोई रिलिजन से भी मतलब नहीं है हम तो यहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं है है, ना ये कोई क्लास थोड़ी चल रही लिखना बंद कर दो और यार तुम किसी से प्यार करते हो हिमांशु यादव तो मेरी क्लास क्यों खराब कर रहे हो उसको जाकर बोलो ठीक है ना इसको छोड़ो यहाँ पर ओके चलो ओके चलो बेटा ओके चलिए बेटा इधर देख देखते हैं बेटा ओके <laughs> बड़ा तो लिख रहा हूं इतना और कितना बड़ा लिखू बोर्ड में फिर चार लाइन ही आएगी ओके चलो 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 <laughs> <coughs> हाँ हाँ चलो बेटा बस हो गया बेटा हो गया हो क्या। चलो ध्यान दो बेटा ओके सब लोग इधर ध्यान दो बेटा देखो आज मैं एक बात आपको बता देता हूं एक अपडेट है आप लोगों के लिए अपडेट है एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सुन लो आज कॉकरोच तक ही करेंगे अपन ठीक है ना आज कॉकरोच हो जाएगा वन शॉट में ठीक है ना और नेक्स्ट जूलॉजी की क्लास में एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे वन शॉट में ठीक है ना नहीं तो फिर ये एक दो बजे तक जाएगा मतलब नहीं है राइट तो आज कॉकरोच वन शॉट में कर लेंगे एनिमल टिश्यूज अगली क्लास में करेंगे ठीक है ना तो कॉकरोच का अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने वाला है अपन सब उसी में फंसते हैं तो प्लीज अब थोड़ी सी शांति बनाए रखो ठीक है ना ओके और आगे बढ़ते हैं अपन ठीक है ना ओके चलिए चलो 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 अब ध्यान दो बेटा ठीक है ना तो बेटा इधर ध्यान दो जो मेल्फीजियन टिब्यूल्स होते हैं ये हिमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर पोटेशियम यूरेट को पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस हिमोलिम्फ में आ जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस हीमोलिम्फ में आ जाता है अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने वाला है इसके बाद ध्यान से देखो और आ जाओ वापस से वापस अपने फॉर्म में आ जाओ वापस फॉर्म में आ जाओ चलो 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 फिर इसके कुछ पीवाई क्यूज करेंगे रिवीजन करेंगे कॉकरोच ढंग से करके जाएंगे ठीक है ओके बेटा मैं ही करवाऊंगा चिंता क्यों करते हो ओके <coughs> बेटा आप कम से कम एक एक घंटा और है हमारे पास एक घंटा और है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है चलो इधर ध्यान दो ठीक है तो बेटा देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट में चला जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट हीमोलिम्फ में वापस चला जाता है और यूरिक एसिड चला जाता है हाइंड गट में ठीक है ना यूरिक एसिड चला जाता है हाइंड गट में ठीक है ना और उसके बाद ये जो यूरिक एसिड है ये बेटा एनएस से बाहर आ जाता है ठीक है ना यूरिक एसिड एनस से बाहर आ जाता है ठीक है ना इसलिए जो कॉकरोच है बेटा वो यूरिकोटेलिक है ठीक है ना कॉकरोच कैसा है यूरिकोटेलिक है क्योंकि कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करता है ठीक है ना कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करता है चलो बेटा अपन इसको रिवाइज करते हैं सब लोग छोड़ो इन बातों को और इधर आ जाओ सब लोग ध्यान दो ठीक है ना चलो चलो बेटा चलो बेटा इधर ध्यान दो चलो मुझे बताओ मेलफीजियन टिब्यूल्स कितने होते हैं एवरीवन वन जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान दो मेल्फिजियन टिब्यूल्स कितने होते हैं हाउ मेनी मेलफीजियन टिब्यूल्स हाउ मेनी मेल्फिजियन टिब्यूल्स हाउ मेनी मेल्फिजियन टिब्यूल्स प्लीज बताओ मेलफीजियन टिब्यूल्स कितने होते हैं बेटा मेल्फिजियन टिब्यूल्स कितने होते हैं बेटा चलो 100 टू 150 बिल्कुल सही बिल्कुल सही वेल well डन well बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे ठीक है बहुत अच्छे ठीक है

पोटेशियम यूरेट नाइट्रोजनस वेस्ट है से हो रहा है मेल्फिजियन टिब्यूल्स के अंदर फिर मेल्फीजियन टिब्यूल्स पोटेशियम यूरेट को पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस जरूरत होती है तो हिमोलिम्फ में आ जाता है ठीक है ना इधर लिखते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो बनता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट कम्स बैक कम्स बैक इंटू हीट हिमोलिम्फ में वापस आ जाता है क्योंकि कॉकरोच के लिए इंपॉर्टेंट होता है और यूरिक एसिड जो है वो हाइंड गट में चला जाता है और हाइंड गट से एनस से बाहर निकल आता है क्योंकि कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है इसलिए कॉक्रोच यूरिकोटेलिक होता है याद रखिए ठीक है ना ओके चलो बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे ठीक है ना पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस हीमोलिम्फ में जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉकरोच तो इट गोज बैक इन टू दिमोलिम्फ अगेन ओके और यूरिक एसिड जो है हाइंड हाइंड गट गट में आ जाता है ये है ये ठीक है ना दिस इज हाइंड गट ठीक है हाइंड गट और हाइंड गट से यूरिक एसिड एनस के थ्रू बाहर आ जाता है ठीक है ना तो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच अच्छा कॉकरोच में बेटा हीमोलिम्फ के अलावा सॉरी कॉकरोच में बेटा, बेटा मेलफीजियन टिब्यूल्स के अलावा कुछ और एक्सक्रीशन के होते हैं कॉकरोच में मेलफीजियन टिब्यूल्स के अलावा कुछ और एक्सक्रीशन के होते हैं जैसे अदर 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 मैकेजम्स जो कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं ये माइनर मैकेनिजम्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं जैसे फैट बॉडी फैट बॉडी एक्सक्रीशन में काम आती है ठीक है ना जैसे बेटा नेफ्रोसाइट्स नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं सेल्स होते हैं बेटा नेफ्रोसाइट सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं ठीक है ना और यूरिकोस ग्लैंड यूरिकोस ग्लैंड ये भी एक्सक्रीशन में काम आते हैं पर यूरिकोस ग्लैंड केवल मेल में होते हैं मेल कॉकरोच में तो ये अदर मैकेनिजम्स हैं याद रखिए एनसीआरटी ने दे रखे हैं अपार्ट फ्रॉम मेलफीजियन टिब्यूल्स दीज आर ऑल्सो यूज बाय कॉकरोच फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स यूरिकोस ग्लैंड फैट बॉडी नेफ्रोसाइड यूरिकोज ग्लैंड ठीक है ना ये याद रखना है आपको ओके बात समझ आई एंड याद रखना जो मेलफीजियन टिब्यूल्स हैं ठीक है ना जो मेलफीजियन टिब्यूल्स हैं याद रखना ठीक है ना ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आते हैं ठीक है ना मेलफीजियन टिब्यूल्स मेलफीजियन टिब्यूल्स मेल्फीजियन टिब्यूल्स टिब्यूल्स ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो हेल्प इन ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है ना ऑस्मो रेगुलेशन ओके ऑस्मो रेगुलेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉल्ट और बेसिकली जहां पर सॉल्ट और वाटर को एक एक uh, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में रखा जाए सॉल्ट ना बढ़े सॉल्ट ना घटे वाटर ना बढ़े वाटर ना घटे तो सॉल्ट और वाटर को फिक्स्ड अमाउंट में रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है और मेलफीजियन टिब्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आता है ठीक है ना ओके okay? <laughs> क्या हो गया यार चलो <coughs> चलो 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 तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेलफीजियन टिब्यूल्स ओके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड इसके अलावा फैट बॉडी नेफ्रोसाइड एंड यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में काम आते हैं ठीक है ना चलो चलो अब मुझे एक बात बताओ समझ आया कि नहीं आया ये चलो मुझे बताओ अगर समझ आया तो अप करो मतलब थम्स अप करो समझ नहीं आया तो यार थम्स डाउन करो कुछ तो करो चलो बताओ ओके चलो बताओ ये समझ आया कि नहीं आया ये समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को समझ आया ये क्लियर है ये पूरा मेमोराइज हो गया आ गया ये बताओ यार चलो अगर आ गया तो हैंड्स डन वेल डन अरे यार चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे आ गया ना समझ में बहुत अच्छे मेलफीजियन टिब्यूल्स कहां होते हैं चलो मेलफीजियन टिब्यूल्स बताओ मेलफीजियन टिब्यूल्स कहां होते हैं और कितने होते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स होते हैं कहां पर होते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स बताओ मेलफीजियन <coughs> टिब्यूल्स होते हैं हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे है ना मेलफीजन टिब्यूल्स कहां होते हैं हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे ओके मिडगट और हाइंड से कुछ भी आउट ऑफ एनसीआरटी नहीं है सब एनसीआरटी में दे रखा है ओके okay? चलो बहुत अच्छे ठीक है बहुत अच्छे बेटा चलो अब अपन चलते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ठीक है नाउ वी आर गोइंग ऑन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है अब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके okay, चलो ठीक है चलें मे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलें ओके okay, चलो ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ठीक है ये कॉकरोच का आखिरी सेक्शन आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है मेरी इस क्लास के बाद कॉकरोच आ जाना चाहिए अच्छे से ओके मैं एक सेकेंड पानी पी लेता हूं ओके चलो बेटा इधर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके खत्म करते हैं फिर फीमेल फिर कॉकरोच खत्म कॉकरोच का सर्वनाश ठीक है जिसने आज की क्लास अटेंड करी होगी उसको कॉकरोच बहुत अच्छे से आ गया होगा चलो बेटा देखो सबसे पहले क्या होता है कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस ठीक है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस ठीक है ना तो बेटा टेस्टिस होती है कहां पर ठीक है ना अब कोई बोलेगा यार ये तो आउट ऑफ एनसीआर है देख लो एनसीआर में लिखा हुआ है टेस्टिस होती है बेटा फोर्थ टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए ठीक है ना टेस्टिस कहां होती है 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 सेगमेंट में होती ठीक टेस्टिस हैल सेगमेंट में होती है ठीक है थीके? चलो टेस्टिस जो होती है बेटा टेस्टिस जो होती है स्पर्म्स बनाती है ठीक है ना तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ठीक है ना टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ठीक है ना टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मतलब स्पर्म्स बनते हैं ठीक है ना स्पर्म्स बनते हैं सब लोग फोकस कर लो यार प्लीज स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है ठीक है ना टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं ठीक है बेटा चलो प्लीज 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 सब लोग यहां ध्यान दीजिए सब लोग बच्चों ठीक है एक एक स्टेप पे ध्यान देना एक एक स्टेप पे चलो कितने लोग सुन रहे हैं अपना थम्स अप करो। कितने लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं अपना थम्स अप करो। चलो। हाउ मेनी पीपल आर हियरिंग चलो जितने लोग सुन रहे हैं कॉन्सेंट्रेट होकर अपना थम्स अप करो चलो चलो जितने लोग सुन रहे हैं अपना थम्स अप करो चलो बेटा चलो जितने लोग सुन रहे हैं अपना थम्सअप करो बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे जितने लोग सुन रहे हैं अपना अप करो उससे मुझे पता चलता है कितने लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ओके बहुत बढ़िया बेटा कॉन्सेंट्रेट करते हैं चलो बेटा अब टेस्टिस जो है बेटा कितनी टेस्टिस आपको दिख रही है चलिए एक तो ये टेस्टिस टेस्ट दिख रही है ठीक है ना बेटा और आपको ये टेस्टिस दिख रही है तो टेस्टिस आपके पास टेस वन पेयर होती है याद रखिए टेस्टिस आपके पास वन पेयर होती है ठीक है ना तो टेस्टिस कितनी होती है टेस्टिस होती है बेटा वन पेयर ठीक है टेस्टिस होती है आपके पास वन पेयर ठीक है अब बेटा देखो टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं ये नीचे आते हैं ठीक है ना ये जो डक्ट होती है जिससे स्पर्म नीचे आते हैं इसको बेटा अपन कहते हैं वास डेफरेंस ठीक है

इस तरह से होता है ठीक है ना अब ऊपर जाते कहां पर हैं ये ठीक है ना ऊपर जाते हैं ठीक एक, एक part part है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना इस पार्ट को, को बेटा हैं ठीक है ना बेटा तो जो स्पर्म है बेटा वास्ट डेफरेंस से नीचे आकर वेसिकल के अंदर चले जाते हैं ठीक है ना तो मैं यहां लिखता हूं ठीक है ना यहां आप लोगों के लिए लिखता हूं कि टेस्ट ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं स्पर्म्स स्पर्म्स मूव मूव फ्रॉम टेस्टिस स्पर्म्स मूव फ्रॉम टेस्टिस इनटू इनटू सेमाइनल वेसिकल इनटू सेमाइनल वेसिकल वेसिकल थ्रू थ्रू वास डेफरेंस थ्रू डेफरेंस थ्रू वास डेफरेंस ठीक है ना बेटा ओके okay. तो स्पर्म्स जो हैं वास से सेमाइनल वेसिकल में चले जाते हैं बेटा और सेमाइनल वेसिकल में बेटा स्पर्म्स आपस में चिपक जाते हैं और एक बॉल ऑफ स्पर्म बन जाता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं ठीक है ना बेटा तो इनसाइड 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 इन सेमाइनल वेसिकल इनसाइड सेमाइनल वेसिकल inside seminal vesicle the sperms the sperms get glued get glued together the sperms get glued together to form to form ball of sperm to form ball of sperm called spermatophore called <coughs> spermatophore called स्पर्मेटोफोर ठीक है ना तो सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म पहुंचकर आपस में चिपक जाते हैं और एक बॉल ऑफ स्पर्म बन जाता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है है ठीक ना बेटा अच्छा अगला पॉइंट यह है बेटा कि जो स्पर्म होते हैं वो बॉल के रूप में सेमाइनल वेसिकल में स्टोर रहते हैं याद रखिए है। जब तक मेल कॉकरोच कॉप्युलेशन नहीं करता जब तक मेल कॉकरोच रिप्रोडक्शन नहीं करता जब तक स्पर्म जो है बॉल के रूप में सेमाइनल वेसिकल में स्टोर रहेंगे याद रखिए ठीक है ना तो स्पर्म्स आर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल वेसिकल ठीक है बेटा ठीक है ओके तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ठीक है अब अगले पेज पे चलते हैं ठीक है थीके? और आगे बढ़ते हैं ठीक है बेटा अब बेटा इस ग्लैंड की बात करते हैं इस ग्लैंड की ठीक है ना बेटा इस ग्लैंड को इस ग्लैंड को कहा जाता है बेटा मशरूम ग्लैंड ठीक है ना इस ग्लैंड को कहा जाता है बेटा मशरूम ग्लैंड ठीक है ना मशरूम ग्लैंड ओके और बेटा मशरूम ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं ठीक है ना अंदर जो बेटा आपको पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है अंदर जो पिंक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है इसे शॉर्ट टिब्यूल्स कहते हैं ठीक है ना अंदर जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है जो मशरूम ग्लैंड में अंदर जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं शॉर्ट टिब्यूल्स ठीक है ना इसे कहते हैं शॉर्ट टिब्यूल्स ठीक है ना बात समझ आई और मशरूम ग्लैंड में बेटा जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है बाहर ठीक है ये व्हाइट कलर का पार्ट जो दिख रहा है इन्हें कहते हैं लॉन्ग टिब्यूल्स ठीक है ना इन्हें कहते हैं लॉन्ग टिब्यूल्स ठीक है समझना आप तुम ठीक है ना तो मशरूम ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं शॉर्ट टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल्स ठीक है ना ये दो पार्ट्स हैं मशरूम ग्लैंड के ठीक है ना ओके 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 लैग हो रहा है लैग तो नहीं हो रहा यार एवरीथिंग इज ओके ओके एवरीथिंग इज ओके चलिए ठीक है अब इसके बाद बेटा क्या होता है देखो ठीक है ना जब मेल कॉकरोच फीमेल के साथ कॉप्युलेट करना चाहता है जब मेल कॉकरोच फीमेल के साथ कॉप्युलेट करना चाहता है तो जो लॉन्ग टिब्यूल वाला पार्ट है वो स्पर्म की बॉल के ऊपर एक लेयर बना देता है याद रखिए ठीक है ना तो वेन वैन मेल कॉकरोच ठीक है ना वेन मेल कॉकरोच ठीक है ना नो मेल कॉक्रोच इज गोइंग फॉर कॉप्युलेशन इज गोइंग फॉर कॉप्युलेशन विथ फीमेल इज गोइंग फॉर कॉप्युलेशन विथ फीमेल विथ फीमेल ठीक है ना मेल कॉक्रोच जब कॉप्युलेशन की एक्टिविटी फीमेल के साथ करने जा रहा है ठीक है ना तो लॉन्ग टिब्यूल्स जो होते हैं ठीक है लॉन्ग टिब्यूल्स जो होते हैं मेक अ लेयर

ठीक है ना बात समझ आई तो इस तरह बॉल ऑफ स्पर्म ये रहा इसके ऊपर लॉन्ग टिब्यूल्स जो है ये एक लेयर बना देते हैं बेटा ऐसे ठीक है ना लॉन्ग टिब्यूल्स एक लेयर बना देते हैं तो पहली लेयर जो बनती है वो लॉन्ग टिब्यूल बनाते हैं एल्टी याद रखिए और अंदर क्या है बेटा अंदर है स्पर्मेटोफोर ठीक है ना स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर इज द बॉल ऑफ स्पर्म ठीक है ना बात समझ आई क्लियर है अब क्या होता है बेटा मेल कॉकरोच फीमेल के साथ कॉप्युलेट कर रहा है तो ये जो स्पर्मेटोफोर है जिसपे एक लेयर है ठीक है ना ये नीचे आने लगता है ठीक है ना ये नीचे आने लगता है किस डक्ट से नीचे आने लगता है ये आने लगता है इजेकुलेटरी डक्ट से ठीक है ना ये इजेकुलेटरी डक्ट से नीचे आने लगता है ठीक है ना स्पर्मेटोफोर जिसपे एक लेयर है वो इजेकुलेटरी डक्ट से नीचे आने लगता है ठीक है ना अब इजेकुलेटरी डक्ट क्या करती है इस स्पर्मेटोफोर के ऊपर एक और लेयर बना देती है अपने सिक्रीशन से याद रखिए ठीक है ना तो नाउ एज दब एज द अब वन लेयर्ड एज द अब वन लेयर्ड स्पर्मेटोफोर वन लेयर स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर comes into the comes into the ejaculatory duct comes into the ejaculatory duct ejaculatory duct this duct this duct by its secretion this duct by its this duct by its secretion by its secretion make a make a second layer मेक अ सेकेंड लेयर ओवर स्पर्मेटोफोर, ओवर स्पर्मेटोफोर, ओवर स्पर्मेटोफोर, ठीक है ना तो अब स्पर्मेटोफोर के ऊपर ये रहा स्पर्मेटोफोर ठीक है इसके ऊपर एक लेयर बन गई थी पहले ठीक है ना लॉन्ग टिब्यूल ने बनाई थी फिर एक लेयर बन गई जो इजेकुलेटरी डक्ट ने बनाई ठीक है ना ये इजेकुलेटरी डक्ट ने बनाई

और आ, काम करेगी ठीक है ना इस ग्लैंड को बेटा फेलिक ग्लैंड कहते हैं ठीक है ना इस ग्लैंड को फेलिक ग्लैंड कहते हैं बेटा ये ग्लैंड भी काम करती है ठीक है ना ये अपने सिक्रीशन डाल देगी ठीक है ना और ये सिक्रीशंस जो है बेटा इस डक्ट से इसे फेलिक हैं ठीक है ना इस डक्ट से ये सिक्रीशन फेलिक ग्लैंड के नीचे आएंगे फेलिक ग्लैंड के सिक्रीशन नीचे आएंगे ठीक है ना जैसे ही स्पर्मेटोफोर निकलेगा यहां पर स्पर्मेटोफोर के ऊपर दो लेयर्स हैं ये देखिए एक लेयर लॉन्ग टिब्यूल ने बनाई थी ठीक है ना दूसरी लेयर जो है वो इजेकुलेटरी डक्ट ने बनाई थी ठीक है ना इस तरह से और जैसे ही स्पर्मेटोफोर बाहर निकलेगा वैसे ही डक्ट डक्ट से ड्रीशन निकलेंगे ठीक है ना फेलिक ग्लैंड जो सिक्रीशन भेज रही है वो फेलिक डक्ट से निकलेंगे और एक और लेयर स्पर्मेटोफोर के ऊपर बन जाएगी तो जो लास्ट लेयर होती है स्पर्मेटोफोर के ऊपर वो बनाती है फेलिक ग्लैंड

अब बेटा देखो आप जो इसको मैं एक और मेरे को पेज चाहिएगा ठीक है ना तो इसको मैं रेप्लीकेट कर लेता हूं ठीक है चलो रेप्लीकेट कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो पिछले पेज पे लिखा हुआ ही है ठीक है ना ये पिछले पेज पे लिखा हुआ ही है तो लेट अस रब ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि अपन को कुछ और भी सीखना है लास्ट चीज़ सीखनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक है ना तो ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और मुझे लगता है आप लिख भी रहे होगे ठीक है मुझे लगता है आप थोड़ा थोड़ा लिख रहे होंगे राइट ठीक है ना चलिए तो अब देखिए बेटा क्या होता है ठीक है इसको भी मिटा देते हैं ठीक है ना इसको भी मिटा देते हैं ओके okay. इन सब चीजों को मिटा देते हैं राइट right? ये तो पिछले पेज पे लिखा हुआ ही था अब बेटा ये देखो ये मेल गोनोपोर है ठीक है ना मेल गोनोपोर के चारों तरफ काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल गोनोपोर के चारों तरफ काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें फेलोमियर्स कहा जाता है ठीक है तो बेटा ये जो है लेफ्ट फेलोमियर है ठीक है phelomer, ना यह लेफ्ट फेलोमियर है लेफ्ट फेलोमियर ठीक है ना लेफ्ट फेलोमियर है ठीक है ना ओके फिर यह है आपका वेंट्रल फेलोमियर यह है आपका वेंट्रल फेलोमियर वेंट्रल फेलोमियर ठीक है ना बेटा और यह है आपका राइट फेलोमियर ठीक है ना बेटा यह है आपका राइट फेलोमियर राइट फेलोमियर एक सेकेंड राइट फेलोमियर ठीक है, right phelomer, है right phelomer, तो एक लाइन लिखते हैं ठीक है ना सराउंडिंग द सराउंडिंग द मेल गोनोपोर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर ये लिखना बहुत जरूरी है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर मेल गोनोपोर आर आर थ्री आर थ्री काइटीनियस स्ट्रक्चर्स आर थ्री काइटीनियस स्ट्रक्चर्स काइटीनियस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉल्ड क्या फेलोमियर्स कॉल्ड फेलोमियर्स ठीक है आर थ्री काइटीनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड फेलोमियर्स ठीक है फेलोमियर्स कौन से होते हैं एक होता है लेफ्ट ठीक है एक होता है राइट ठीक है और एक होता है बेटा वेंट्रल ठीक है ना एक होता है वेंट्रल ठीक है तो इन फेलोमियर्स की हेल्प से जो मेल कॉकरोच है बेटा वो जो स्पर्मेटोफोर है ना स्पर्मेटोफोर जिसके ऊपर तीन लेयर्स चढ़ी हुई है स्पर्मेटोफोर जिसके ऊपर तीन लेयर्स चढ़ी हुई है जो मेल कॉकरोच है जो है जो मेल कॉकरोच है इस, इस बैग ऑफ स्पर्म को ठीक है ना फीमेल कॉकरोच के बॉडी के अंदर डाल देता है इन फेलोमियर्स की हेल्प से मेल कॉकरोच जो है इस बैग ऑफ स्पर्म को फीमेल कॉकरोच के अंदर डाल देता है फर्टिलाइजेशन फीमेल कॉकरोच की बॉडी के अंदर होती है इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है याद रखिए ठीक है ना तो विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दीज फेलोमियर्स विद द हेल्प ऑफ दीज फेलोमियर्स दीज फेलोमियर्स ठीक है फेलोमियर्स की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दीज फेलोमियर्स ठीक है मेल कॉकरोच मेल कॉकरोच मेल कॉकरोच ठीक है ना इंसर्ट्स 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 बैग ऑफ स्पर्म्स इंसर्ट्स बैग ऑफ स्पर्म्स इनसाइड इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल कॉकरोच इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल कॉकरोच ठीक है ना इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल कॉकरोच ठीक है अब एक बात मैं बता दूं लेफ्ट फेलोमियर के दो पार्ट तुम्हें याद रखने हैं एक तो ये लेफ्ट फेलोमियर का पार्ट जो है यह कहलाता है बेटा टिटीलेटर ठीक है ना ये कहलाता है टिटीलेटर ठीक है ना एनसीआर में दे रखा है तो लेफ्ट फेलोमियर का ये वाला पार्ट टिटीलेटर कहलाता है याद रखना है ये लेफ्ट फेलोमियर का पार्ट है ठीक है ना और लेफ्ट फेलोमियर का ये वाला पार्ट जो है यह सुडोपेनेस कहलाता है ठीक है ना ये सुडोपेनिस कहलाता है एनसीआरटी में गिवन है तो एंड आर पार्ट ऑफ लेफ्ट फेलोमियर याद रखिए ठीक है, है ना तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलो अब ना आ, चलो बेटा अब ध्यान से देखते हैं ठीक है ना चलो ओके <coughs> चलो बेटा ध्यान से देखते हैं चलो बेटा ध्यान से देखते हैं ओके चलो मुझे बताओ टेस्टिस कितने पेयर है अब आप लोग आंसर दोगे ठीक है ना टेस्टिस कितने पेयर है चलिए बताइए टेस्टिस कितने पेयर होती है चलो बेटा बताओ चलो टेस्टिस कितने पेयर होती है मेल कॉकरोच में चलो चलो हाँ मैं बताऊंगा बेटा बताऊंगा टेस्टिस होती है बेटा वन पेयर ठीक है ना चलो बस टेस्टिस होती है वन पेयर

जितने लोग समरी चाहते हैं थम्सअप करो चलो जितने लोग समरी चाहते हैं थम्सअप करो चलो जितने लोग समरी चाहते हैं थम्सअप करो तभी आगे पढ़ाऊंगा ओके जितने लोग समरी चाहते हैं थम्सअप करो चलो 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 मैं सुन रहा हूं देख रहा हूं चलो वेल डन जितने लोग समरी चाहते हैं थम्सअप करो चलो 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 ओके वेल वेल डन डन चलो बता रहा हूं ठीक है ना बता रहा हूँ देखो स्टेप बाय स्टेप सुनो ठीक है ना स्टेप बाय स्टेप सुनो सबसे पहले टेस्टिस स्पर्म स्पर्म बनाता है ये वास से नीचे आकर सेमाइनल वेसिकल में चले जाते हैं सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर हो जाते हैं ठीक है ना और साथ में स्पर्म आपस में चिपक भी जाते हैं और स्पर्म की बॉल बन जाती है ठीक है ना ये जो स्पर्म की बॉल है या स्पर्म का गुच्छा है इसको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है ठीक है ना अब जब मेल कॉकरोच जो है बेटा फीमेल के साथ कॉप्युलेट करने वाला होता है उस समय इस स्पर्म की बॉल के ऊपर पहली लेयर बनती है ठीक है ना ये पहली लेयर जो होती है ये मशरूम ग्लैंड बनाती है मशरूम ग्लैंड के लॉन्ग टिब्यूल्स जो होते हैं पहली लेयर का फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म के, के, है। के, है। के बॉल के ऊपर पहली लेयर बन जाती है याद रखिए स्पर्म के बॉल के ऊपर पहली लेयर बन जाती है याद रखिए ठीक है ये जो स्पर्म के बॉल के ऊपर पहली लेयर बनी है ये बनाते हैं मशरूम ग्लैंड के लॉन्ग टिब्यूल्स ठीक है ना ये स्पर्म का बॉल जिसपे एक लेयर है अब ये इजेकुलेटरी डक्ट से नीचे जाता है इजेकुलेटरी डक्ट क्या करती है इस स्पर्म के बॉल के ऊपर एक और लेयर बना देती है ठीक है ना तो स्पर्म के बॉल के ऊपर पर दो लेयर्स बन जाती हैं इस तरह से

जो गुच्छा है उसके ऊपर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो फेलिक ग्लैंड बनाती है फेलिक ग्लैंड के सिक्रीशन मिडिल लेयर जो होती है बेटा वो इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है और इनर लेयर जो होती है वो लॉन्ग टिब्यूल्स बनाते हैं ठीक है ना अब अपना स्पर्म का बॉल तैयार है स्पर्म के बॉल के ऊपर तीन लेयर्स बन चुकी है ठीक है मेल को को सराउंड करते हैं तीन काइटिनियस काइटिनियस स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स इन स्ट्रक्चर्स को फेलोमियर कहा जाता है एक होता है लेफ्ट फेलोमियर एक होता है राइट और एक होता है वेंट्रल फेलोमियर तो इन फेलोमियर्स की सहायता से जो मेल कॉकरोच है ये स्पर्म के पैकेट को फीमेल बॉडी के अंदर डाल देता है याद रखिए और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और अपन इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है, है ना ओके क्लियर है सबको क्लियर है बेटा बताओ सबको क्लियर है आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में ओके प्लीज मुझे बताइए क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है एकदम आ गया अगर क्लियर है अब अपन चलते हैं लास्ट पे दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है ना लास्ट पे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉक्रोच का आखिरी पार्ट है ठीक है ना ओके okay? चलिए ठीक है तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं और ये कॉकरोच का आखिरी पार्ट है बेटा और इसी के साथ बेटा कॉकरोच अपना ओवर ठीक है ना तो चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं ठीक है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा सबसे पहली चीज होती है वन पेयर ऑफ ओवरीज ठीक है ना ओके वन पेयर ऑफ ओवरीज ठीक है तो वन पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं ठीक है वन पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है ये समझ भी नहीं आता चलो इसको ध्यान से देखते हैं। चलो चलिए चलिए इधर ध्यान ध्यान से देखिए ठीक है तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा आखिरी पार्ट है चलिए ठीक है ना ओके okay. चलो वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है बेटा और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी कहलाती है ठीक है ना ये ओवरी कहलाती है ठीक है और बेटा हर ओवरी के अंदर हर ओवरी के अंदर एट ओवरीओल्स होते हैं ठीक है ना तो ईच ओवरी ठीक है ईच ओवरी हैज हैज ठीक ठीक है है ईच ओवरी यहां पर बेटा हमने ना चार बनाए हैं ओवीरियो क्योंकि चार इसके पीछे है जो दिख नहीं रहे ठीक है ना तो ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बना रखे हैं ना ओवरी में ये पूरी ओवरी है ये पूरी ओवरी है याद रखिए ठीक है ना और ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बना रखे हैं बेटा ये ओविरीओल्स हैं ठीक है ना ये ओवीरियोल्स हैं ठीक है थीके? बात समझ आई तो कुल एट ओवरियॉल्स होते हैं हर ओवरी में एट ओवरियॉल्स होते हैं ठीक है ना अब बेसिकली बेटा क्या होता है कि हर ओवरियोल एक ओवम बनाता है याद रखिए ठीक है ना तो ईच ओवेरियोल ईच ओवीरियोल प्रोड्यूसेस वन ओवम ठीक है प्रोड्यूसेस वन ओवम ठीक है तो कुल एट ओविओल इस ओवरी में है ठीक है ओवरी में तो टोटल सोलह ओवम बनते हैं याद रखिए है। ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ सिंगल टाइम ठीक है ना तो यहां पर से सिक्सटीन ओवम्स जो है नीचे आते हैं इस तरह से ठीक है ना तो सिक्सटीन ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड एट एट सिंगल टाइम ठीक है ना अगला पॉइंट है सिक्सटीन ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड आर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल टाइम ठीक है

इधर वाली जो है ये राइट ओविडक्ट है ठीक है ना बात समझ आई दोनों ओविडक्ट से ओवम नीचे आ रहे हैं ठीक है ना आठ यहां से आठ यहां से ठीक है ना ओके ठीक है तो ओवम्स ओवम्स कम डाउन कम डाउन वाया ईच ओविडक्ट, वाया ईच ओविडक्ट, ठीक है ओवम्स कम डाउन बाय ईच ओविडक्ट ठीक है दोनों ओविडक्ट जहां मिलती है बेटा उसको वेजाइना कहा जाता है या कॉमन ओविडक्ट yup कहा जाता है तो ये ओविडक्ट और ये ओविडक्ट ये ओविडक्ट और ये ओविडक्ट जहां मिलती है इसे बेटा कहा जाता है वेजाइना ठीक है इसे कहा जाता है वेजाइना ठीक है या आप इसे कॉमन ओविडक्ट भी कह सकते हो इसे आप कॉमन ओविडक्ट भी कह सकते हो ठीक है तो दोनों ओविडक्ट जहां मिलती है उस उसको अपन वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट कहते हैं तो ये जो ओवम है वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट में आ जाते हैं और ये ओवम चले जाते हैं बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर में इस पूरे स्ट्रक्चर को इस पूरे व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर को जो अपन ने बनाया है इस पूरे वाइट कलर के स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन पाउच। इसे कहते हैं अपन जेनाइटल पाउच ठीक है ना तो ओवम जो होते हैं बेटा जेनाइटल पाउच के अंदर आ जाते हैं ठीक है ना इस तरह से होता है ठीक है तो ओवम ओवम रीच ओवम रीच जेनाइटल पाउच ठीक है जेनाइटल पाउच ठीक है इस तरह से अब बेटा ओवरी की पोजीशन क्या होती है ओवरी की पोजीशन होती है बेटा टू टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट ठीक है ना ओवरी की पोजीशन होती है ये पाई जाती है टू टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में ठीक है ना यह ओवरी की पोजीशन होती है एनसीआरटी में गिवन है ठीक है ना तो इस तरह बेटा हर ओवरी में एट ओवीरीओल होते हैं हर ओवीरीओल एक ओबम बनाता है ये ओबम नीचे मूव करता है लेफ्ट और राइट ओविडक्ट में दोनों ओविडक्ट मर्ज हो जाती है दोनों ओविडक्ट जब मर्ज हो जाती है तो उसे कॉमन ओविडक्ट कहते हैं या वैजाइना कहते हैं ठीक है ना अब अगले पेज पे चलते हैं ठीक है ना देखिएगा अब इधर चलते हैं देखिए देखो देखो बेटा जहां पर वेजाइना ओपन हो रही है बेटा ओपनिंग ऑफ वेजाइना जो है ठीक है ना जो ओपनिंग है वेजाइना की ठीक है ना ये देखिएगा ये जो वेजाइना की ओपनिंग है इसको बेटा क्या कहते हैं वेजाइना की ओपनिंग को बेटा कहते हैं फीमेल गोनोपोर ठीक है ना वेजाइना की ओपनिंग को कहते हैं फीमेल गोनोपोर ठीक है ना तो व्हाट इज फीमेल गोनोपोर इट इज ओपनिंग ऑफ वेजाइना ठीक है ना ओपनिंग ऑफ वेजाइना वेजाइना किस में ओपन हो रही है वेजाइना बेटा ओपन हो रही है जेनाइटल पाउच में जेनाइटल पाउच में ये जो आपको पाउच दिख रहा है ये जो आपको पाउच दिख रहा है ये जेनाइटल पाउच होता है ठीक है ना बेटा अब बेटा ध्यान से देखना अब बेटा ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ओके अब बेटा ध्यान से देखना ओके अगले डायग्राम पे जा रहे हैं हम ठीक है ना इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है ना अपन ने ये तो सीख लिया सारा ठीक है अब मेल कॉकरोच क्या करता है बेटा मेल कॉकरोच जो है बेटा मेल कॉकरोच जो है वो जो बैग ऑफ स्पर्म अपन बात कर रहे थे जिसके ऊपर तीन लेयर्स थी ठीक है ना मेल कॉकरोच यहां पर यहां पर डाल देता है उसको इस जगह पे ठीक है ना ये बैग ऑफ स्पर्म्स हैं और स्पर्म्स जो होते हैं बेटा ये इधर चले जाते हैं अंदर ठीक है ना ये कौन सी जगह है जहां पर स्पर्म जाते हैं जहां पर बेटा स्पर्म जाते हैं ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे इसे कहते कहते हैं इसे इस थीका कहते हैं याद रखिए है, ठीक है ना इसे इस थीका कहते हैं ठीक है सुन लीजिएगा तो जो मेल कॉकरोच है वो बैग ऑफ स्पर्म को ऐसे अंदर डालता है कि स्पर्म जो है बेटा इस बैग के अंदर चले जाते हैं जो फीमेल कॉकरोच के अंदर है जिसे स्पर्मा थीका कहा जाता है ठीक है ना तो इधर लिखते हैं कि मेल कॉकरोच ठीक है मेल कॉकरोच इंसर्ट्स इनसर्ट्स बैग ऑफ स्पर्म्स बैग ऑफ स्पर्म्स ठीक है बैग ऑफ स्पर्म्स इन साइड इन साइडल पाउच इनसाइडल पाउच ऑफ फीमेल कॉकरोच इन साइड जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल कॉकरोच फीमेल कॉक्रोच सच दैट सच दैट सच दैट स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू सच दैट स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्माथीका इनटू स्पर्माथीका स्पर्माथीका ठीक है क्वेश्चन ये आता है ये नीट में क्वेश्चन आता है ठीक है ना स्पर्माथीका कहां होता है चलो पहले बताओ स्पर्माथीका जो है कितना होता है वन पेयर स्पर्माथीका वन पेयर होता है सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है एनसीआरटी में गिवन है ठीक है ना एनसीआरटी नाम लिख के छोड़ देता है पर अपन को समझना तो पड़ेगा ना कि क्या मतलब होता है तो स्पर्मा जो होता है बेटा ओके okay, जो है बेटा वो सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है याद रखिए फीमेल कॉकरोच के ठीक है ना फीमेल कॉकरोच के ठीक है फीमेल कॉकरोच के बेटा ठीक है बात समझ आई क्लियर ठीक है और बेटा स्पर्मा थीका में स्पर्म स्टोर हो जाते हैं ठीक है ना स्पर्म स्टोर हो जाते हैं ठीक है तो मैंने क्या बोला बेटा कि जो मेल कॉकरोच है वो स्पर्म के बैग को ऐसे डालता है ये जेनाइटल पाउच है ठीक है ना ये जेनाइटल पाउच है जेनाइटल पाउच ठीक है ना तो मेल कॉकरोच बेटा इस स्पर्म के बैग को ऐसे डालता है कि जितने भी स्पर्म होते हैं इस बैग बैग से बेटा इस बैग से चले जाते हैं बेटा अब आवाज आ रही है बेटा आवाज आ रही है अब ओके बेटा आवाज आ रही है बेटा इज माय वॉइस क्लियर बेटा कहां से वॉइस गई है आ रही अब ऑडियो गॉन अब क्लियर है क्या आवाज आ रही है अब सर यहां से तो आ रही है अब ओके अरे यार लास्ट लास्ट क्या सुना था तुम लोगों ने लास्ट क्या सुना था वॉट वॉज द लास्ट थिंग दैट यू हियर्ड लास्ट कहां तक सुना था स्पर्मा थी का सुन लिया था लास्ट क्या सुना था स्पर्मा थी का सुन लिया था क्या सुन लिया था हा बेटा व्हाट वाज़ द लास्ट थिंग दैट यू हियर बेटा जो लास्ट चीज है वो बता दो ना ओके क्या अच्छा ओके ओके अच्छा जब मैं पेन लेने झुका था तब ओके ओके ठीक है ठीक है ओके 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 थैंक यू चलो बेटा मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था बेटा मैं ये कह रहा था आप ये देखिए मैं यहां पर था ठीक है ना चलिए मैं यहां पर था कि कैसे बेटा हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है जो बैग ऑफ स्पर्म जो है वो स्पर्माथीका में डाल दिया जाता है बैग ऑफ स्पर्म जो है वो स्पर्माथीका के साथ अटैच किया कर दिया जाता है बैग ऑफ स्पर्म जो है स्पर्माथीका के साथ जब अटैच हो जाता है तो सारे स्पर्म स्पर्माथीका में चले जाते हैं ठीक है ना अपन ने यह देखा था मेल कॉकरोच क्या करता है इस बैग ऑफ स्पर्म को अंदर डाल देता है जेनाइटल पाउच के अंदर डाल दे देता है दे दे और बैग ऑफ स्पर्म से सारे जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्माथीका के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं ठीक है ना अपन ने यह देख लिया था ठीक है उसके बाद मैं आपको यह बता रहा था कि देखिए स्पर्म जो है स्पर्माथिका में स्टोर्ड है ठीक है ना स्पर्म जो है स्पर्माथिका में स्टोर्ड है ओवम जो है बेटा नीचे आ गया ये ओवम नीचे आ चुके हैं ठीक है ना टोटल 16 ओवम जो है वो नीचे आ चुके हैं बेटा ठीक है ना तो क्या होता है जब ओवम नीचे आ जाता है जेनिटेल पाउच में वैजाइना से ओवम जब नीचे आ जाता है ओवम देखिए ऊपर ओवरी से आ रहा है ठीक है ना तो कुल सोलह ओवम जो है बेटा जेनाइटल पाउच में आ जाते हैं ऐसे करके ठीक है ना जब सोलह ओवम बेटा जेनाइटल पाउच में आ जाते हैं बेटा तो ये जो स्पर्म गया स्पर्मा थीका में दिस इज स्पर्मा थीका ठीक है ना ये जो ये जो स्पर्मा थीका है ये जो स्पर्मा थीका है जिसके अंदर अभी स्पर्म्स भरे हुए हैं ठीक है ना ये स्पर्म्स जो है नीचे आकर जेनाइटल पाउच में इन ओवम्स को फर्टिलाइज कर देते हैं याद रखिए ठीक है ना इन ओवम्स को फर्टिलाइज कर देते हैं और 16 ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है जेनाइटल पाउच के अंदर याद रखिए ठीक है ना तो इन, इसको कहीं लिखते हैं अपन इसको कहीं लिखते हैं ओके कहीं पर लिखते हैं ठीक है ना इधर इधर लिखते हैं इधर ठीक है ना इधर लिखते हैं इस जगह पे लिखते हैं ठीक है ना प्रेजेंट इन जेनाइटल पाउच द ओवम प्रेजेंट इन जेनाइटल पाउच आर फर्टिलाइज आर फर्टिलाइज आर फर्टिलाइज एज रिलीज फ्रॉम फ्रॉम स्पर्मा थी फ्रॉम स्पर्मा थी का ठीक है फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन होती है बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन होती है बेटा पाउच में जेनाइटल पाउच में फर्टिलाइज ठीक है तो बेटा देखो अपन ने अपन ने बेटा

लास्ट में बेटा ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है इसे कोलेट्रियल ग्लैंड कहते हैं

बेटा ऊ थी का कहते हैं देखिएगा ठीक है ना

है बेटा ठीक है ना ओके अब फीमेल क्या करती है इस को जिसके अंदर है ना तो फीमेल ऐसे करती है ठीक है चलो एक बार रिवाइज करते हैं चलो एक बार रिवाइज करते हैं चलो बेटा एक बार रिवाइज करते हैं ठीक है थीके? कितने एग्स बनते हैं चलो बताओ कितने एग्स बनते हैं

सही जवाब दे रहे हो ओविडक्ट ओविडक्ट कितनी होती हैं? ओविडक्ट्स दो होती हैं बेटा लेफ्ट एंड राइट ठीक है ना ओविडक्ट दो होती हैं, ठीक है ना जहां पर ओविडक्ट जुड़ती हैं, उसे वेजाइना कहते हैं वेजाइना की ओपनिंग जेनाइटल पाउच में जहां होती है उसे मेल गोनो फीमेल गोनोपोर कहते हैं की पाउच में होती है उसे कहते है। ठीक है ना उसके बाद ये ओवम जो है अपने पाउच के अंदर आ जाते है। कितने ओवम आते हैं सिक्सटीन ओवम आते हैं बेटा ठीक है ना कितने ओवम आते हैं सिक्सटीन ओवम आते हैं ठीक है ना ओके okay. अच्छा उसके बाद बेटा जो स्पर्म होते हैं जो स्पर्म का बैग होता है वो मेल कॉकरोच अंदर डाल देता है जेनाइटल पाउच के ये बैग जो है स्पर्मा थीका में अनलोड हो जाता है सारे स्पर्म जो है स्पर्मा थीका में आ जाते हैं ठीक है ना ये स्पर्म जो है स्पर्मा थीका में स्टोर हो जाते हैं फीमेल कॉकरोच में ठीक है ना इसके बाद ये स्पर्म जेनाइटल पाउच में जाते हैं और सिक्सटीन ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं बेटा उनके ऊपर को ग्लैंड के सिक्रीशंस पड़ते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड के सिक्रीशंस जब सूखते हैं तो एग केस बन जाता है को कहा जाता है ठीक है ना एक लाइफ टाइम में बेटा फीमेल से सोलह एग्स उसको ड्रॉप कर देती है ऐसी जगह पर बेटा जहां पर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो याद रखिए उस जगह पर इसे ड्रॉप कर देती है और बेटा क्या होता है फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं बेटा इज एक्स जो होते हैं बेटा ऑफ निम्फ इज लार्वा ऑफ कॉकरोच ठीक है ना कॉकरोच में थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग होती है ठीक है ना निम्फ जो है थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग करता है ठीक है ना और ग्रेजुअली होता है अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है ठीक है ना अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है ठीक है ना बात समझ आई अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है तो निम्फ का बेटा अडल्ट कॉकरोच में चेंज होना मेटामोर्फोसिस कहलाता है मेटामोर्फोसिस ठीक है ना इसे मेटामोर्फोसिस कहते हैं लार्वा का लार्वा का अडल्ट कॉकरोच में बदलना मेटामोर्फोसिस कहलाता है ठीक है ना थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग होती है और बेटा ये जो मेटामोर्फोसिस होता है इसे मेटाबोलस कहते हैं कंडीशन इसको मेटाबोलस कंडीशन कहते हैं ये ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस कहलाता है दिस इज ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस। ये ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस होता है बेटा ठीक है ना ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस। ठीक है ना ग्रेजुअल मेटामो धीरे 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 जो है में convert होता है gradually convert होता है में होता होता बार molting होती है याद रखिए और बेटा क्या होती है molting में बेटा क्या होता है मोल्टिंग प्रोसेस मान लो ये निम्फ है ठीक है ना ये निम्फ है बेटा ठीक है ना इसके बाहर काइटीनियस एक्सोस्केलेटन है इसके बाहर काइटीनियस एक्सोस्केलेटन है ये काइटीनियस एक्सोस्केलेटन है इसके पास काइटीनियस एक्जोस्केलेटन है काइटीनियस एक्जोस्केलेटन है ठीक है बेटा ये निम्फ है ये निम्फ है बेटा ठीक है ना तो बेटा काइटीनियस एक्जोस्केलेटन ये लूज करता है ठीक है ना काइटीनियस एक्जोस्केलेटन ये लूज करता है ठीक है ना और ये निम्फ ने काइटीनियस एक्जोस्केलेटन लूज कर दिया अब निम्फ बड़ा हो जाएगा ठीक है ना अब निम्फ बड़ा हो जाएगा ठीक है और काइटीनियस एक्जोस्केलेटन वापस आ जाएगा ठीक है ना निम्फ बड़ा हो जाएगा निफ बड़ा हो जाएगा ये बड़ा हो गया और इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन वापस आ जाएगा ठीक है ना ये काइटीनियस एक्सोस्केलेटन वापस आ गया ठीक है तो एक्सोस्केलेटन लूज करने की जो प्रोसेस होती है उसे मोल्टिंग कहते हैं बेटा निम्फ को अगर बड़ा होना है तो अपने काइटीनियस एक्सोस्केलेटन को लूज करना पड़ेगा याद रखिए और काटीनियस एक्सोस्केलेटन को लूज करने के प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है याद रखिए तो पहले निम्फ क्या करता है एक्सोस्केलेटन लूज कर देता है फिर बड़ा होता है ठीक है ना फिर वापस काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आ जाता है ठीक है ना तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन को लूज करना मोल्टिंग कहलाता है याद रखिए और ये बहुत जरूरी है नहीं तो निम्फ बड़ा नहीं होगा ठीक है ना निम्फ को बड़ा करने के लिए काइटिन का एक्सोस्केलेटन हटाना पड़ता है क्योंकि काइटिन अगर रहेगा तो निम्फ बड़ा नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो काइटिन के एक्सोस्केलेटन को लूज करने की इवेंट को अपन मोल्टिंग कहते हैं ठीक है ना ओके तो बेटा देखो इसमें जो कॉकरोच में कौन सा है मेटामोरफोसिस कंडीशन है ग्रेजुअली हो रहा है कितनी बार मोल्टिंग हो रही है तेरह बार मोल्टिंग हो रही है तभी निम्फ जाकर अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है ना ओके चलिए ठीक है तो बेटा ये कॉकरोच यहीं पर ही खत्म हो जाता है आपका ठीक है पूरा पढ़ा दिया है मैंने राइट एवरीथिंग बीन टॉट ओके निम्फ बेटा लार्वा को कहते हैं लार्वा इज कॉल्ड निम्फ निम्फ बेटा लार्वा को कहते हैं <coughs> remember, आज आज अच्छा बेटा आप मुझे बताओ बस बेटा आज हम यही खत्म कर रहे हैं कॉकरोच आज बेटा कॉकरोच हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है ना कॉकरोच कंप्लीट कर लिया ठीक है कुछ आप पीवाई क्यूज करवा दू कुछ पीवा करें ठीक है कुछ पीवाई क्यूज कर, कर लेते हैं ठीक है बेटा कुछ पीवाई क्यूज कर लेते हैं दो चार पीवाई क्यू है ठीक है ना चलो ये वाला करते हैं पीवाई क्यू ठीक है ना चलो ये वाला पीवाई क्यू करते हैं बेटा चलो ये वाला पीवाई क्यू करते हैं सब लोग देखेंगे इस पीवाई क्यू को वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना देखो इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज अगर कॉकरोच का हेड अपन हटा दें तो भी ये कुछ देर के लिए कुछ दिनों के लिए जीवित रहता है क्यों क्योंकि हेड में बेटा नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा ही पार्ट होता है हेड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ़ नर्वस सिस्टम। तो अगर आप कॉकरोच का हेड भी काट दोगे तो ये सात दिन तक करीब करीब जीवित रहता है याद रखिए ठीक है ना ये सात दिन तक जीवित रहता है तो इसका सही आंसर क्या है हेड होल्ड्स द हेड होल्ड्स स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अकॉन

बोर्ड शेप होता है ठीक है इसके अलावा टेंथ एबडोम सेगमेंट इन बोथ द सेगमेंट सेक्सिस बियर्स एनल सरकाय यह भी ठीक है अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट ये गलत हो गया ठीक है ना सी इज द आंसर ठीक है ना क्योंकि जो बेटा गैस्ट्रिक सीके होते हैं या हिपैटिक सीके होते हैं ये फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे होते हैं ठीक है ना गैस्ट्रिक सीके जो होते हैं बेटा ये फोर गट

ठीक है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करता है जूसेस कौन सिक्रीट करता है ये है, ये एक second, आ, ये ये है कट जाएगा ये गलत आ गया कॉपी पेस्ट में है ना ये कट जाएगा मैं वहां पर लिख लेता हूं ठीक है ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस हिपैटिक सीका हिपैटिक सीका ठीक है ना बी ओके एनल सरका है एनल सरका ओके ये यार कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गई लगता है ठीक है ना ये क्या यहाँ पर सी और डी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं लगता है कॉपी करने में गलत गलत हो गई कुछ गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन को क्वेश्चन में कुछ एरर है ठीक है एनल सरकाय जो है ओके okay, ये वैसे टेंथ सेगमेंट में होते हैं ठीक है ना तो एनल सर सरकाय सेगमेंट में होंगे ठीक है ना यहां तक तो सही है अब डी ऑप्शन कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा ठीक है डी ऑप्शंस देखना पड़ेगा डी ऑप्शन कौन सा है ये कुछ गलती है बेटा क्वेश्चन में ठीक है ना आई एम सॉरी इस क्वेश्चन के लिए कुछ गलती है इस क्वेश्चन में ठीक है ना ओके ओके ये ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सा गलत क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ कॉपी गलत हो रखा है ठीक है इसको मैं नेक्स्ट सेशन में ले आऊंगा आप लोगों के लिए ठीक है इसको मैं नेक्स्ट सेशन में ले आऊंगा आप लोगों के लिए ठीक है अच्छा आप 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 मुझे बताइए कि कॉकरोच समझ आया कि नहीं आया ठीक है ना कॉकरोच समझ आया कि नहीं आया ठीक है अगले एक लेक्चर में अगले लेक्चर में वन शॉट करेंगे टिश्यूज का एनिमल टिश्यूज का एनिमल टिश्यूज का वन शॉट करेंगे कॉकरोच का तो वन शॉट हो गया अगले लेक्चर में एनिमल टिश्यूज का वन शॉट करेंगे ठीक है समझ आया कि नहीं आया ओके क्या क्लियर है नोट्स अभी मिल जाएंगे बेटा जा पांच मिनट में पांच दस मिनट में ओके क्या क्लियर है आ गया समझ में ठीक है तो आ, वो वाला जो क्वेश्चन था ना वो कुछ गलत कॉपी हो गया था अगली क्लास में ठीक से ले आऊंगा लगता है कुछ कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई ओके अगली क्लास में बेटा एनिमल टिश्यूज का वन शॉट होगा ठीक है सारे टिश्यूज एक ही क्लास में पढ़ाएंगे आज कॉकरोच हो गया बेटा आपका एक बार कॉकरोच एन से पढ़ लेना फिक्स हो जाएगा एकदम ओके ठीक है बेटा चलते हैं ओके बाय बच्चों